आर यू समन जिसको न्यूज़पेपर्स में लेंदी सेंटेंसेस को पढ़ने और समझने में होती है दिक्कत आप कोशिश तो करते हैं कि मैं एडिटोरियल पढ़ूँगा अच्छे आर्टिकल्स पढ़ूँगा मैगजींस पढ़ूंगा बट जब बारी आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की तो वहाँ सारा ग्रामर का जो ज्ञान है हमारा वो धरा का धरा रह जाता है हमें लगता है हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बट यहाँ तो बड़े लेंदी सेंटेंसेज हैं समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट कहाँ है वर्ब कहाँ है ऑब्जेक्ट कहाँ हैं प्रपोजिशन कहाँ हैं कंजंक्शन कहाँ हैं पंक्चुएशन के क्या यूसेज हैं तो अगर आप इस तरह की समस्या से दो चार होते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस माई नेम इज सतेंद्र तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस एक्सटेंसिव सेशन जहाँ पे हम पूरी तरीके से मास्टरी लेके आएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर इस सेशन में बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात शुरू करेंगे यानी लेटर से अक्षरों से अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द शब्दों के बाद बारी आती है फ्रेजेस की फ्रेजेस के बाद बारी आती है क्लॉजेस की और तब आते हैं वो लंबे सेंटेंसेस सो so एक्चुअली बचपन वाली पढ़ाई में हमने कुछ पार्ट मिस कर दिए हमने कहा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं तो बचपन की पढ़ाई के लिए तो वो ठीक था बट जब आप बड़े हो गए तो अब वो छोटे छोटे सेंटेंसेस तो हमें मिलते नहीं वे एनकाउंटर विद लेंदी सेंटेंसेज एंड इफ़ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेजेज एंड क्लॉजेज एंड यू आर नॉट इन द पोजिशन टू आइडेंटिफाई देम आपको होती है दिक्कत उन्हें समझने में तो इसी समस्या को आसान बनाने के लिए सेशन है थोड़ा एक्सटेंसिव सेशन है बिल्कुल धैर्य के साथ देखिएगा इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ड बैड वर्ड प्रिपोजिशन कंजंक्शन उनके फंक्शनल आस्पेक्ट यानी उनका जो रोल होता है एक सेंटेंस के अंदर उसको ढंग से समझाया है सो so दैट कि आप उनके रोल के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई कर पाए हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं होती एक ही वर्ड कई तरह की ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड कर सकता है बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड तो किस तरीके से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद जब आपकी कमांड वर्ड्स के ऊपर हो जाएगी तो फिर अगला पड़ाव है फ्रेजे फ्रेजेज एक्चुअली वर्ड्स के ही ग्रुप होते हैं लेकिन उनके पास अपना वर्ब नहीं होता और ये वर्ड्स के ग्रुप दो से लेकर के पंद्रह अठारह बीस बीस वर्ड्स के भी ग्रुप होते हैं जो आपको न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में मिलते हैं तो उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करें तो अगर आप नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो नाउन फ्रेज़ एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडवर्बियल फ्रेज़ को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा बिकॉज हमें सिर्फ उनके फंक्शन को देखना है उनके रोल को देखना है कोई रोट लर्निंग रटा हुआ ज्ञान इस यहाँ पे अप्लाई नहीं करना और जब आपकी कमांड फ्रेजेस पे हो जाएगी तो फिर बारी आती है क्लॉजेस की बिकॉज हमें जो भी आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में या इन जनरल किसी मैगजीन में कहीं से भी आप कोई राइटअप पढ़ रहे हो और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं या कंपाउंड सेंटेंसेस हैं लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं तो उनको समझने में हमें होती है दिक्कत उसमें होते हैं क्लॉजेस तो क्लॉजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है इनडिपेंडेंट क्लॉज फॉर डिपेंडेंट क्लाजेज के जो टाइप्स हैं आपके नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करें जहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है कि इस पर्टिकुलर वर्ड से अगर शुरू होता है तो ये क्लॉज होता है नहीं कुछ भी नहीं रटना बिल्कुल लॉजिक के साथ हम ये बातें समझेंगे और जब आपको क्लॉजेस की समझ आ जाएगी तो फिर आखिरी पड़ाव है सेंटेंस का टाइप सेंटेंस के टाइप एक तो हो गई ज्ञान की बात फंक्शन के बेसिस पर जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं क्या क्या असर्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस ऑप्टिटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ये तो ज्ञान की बातें हैं ये फंक्शन के बेसिस पे टाइप है सेंटेंसेस का लेकिन हमें दिक्कत होती है स्ट्रक्चर को समझने में सो स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इनको आप किस तरह से अंडरस्टैंड uh, करें कैसे इनको डिफ्रेंसीट करें इनमें कंजंक्शन का क्या रोल होता है किस तरह के कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं कैसे कंजंक्शन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं ये सारी चीज़ें डिटेल्ड मैनर में डिस्कस हुई हैं और पूरे ज्ञान के बाद आपके पास है एक प्रैक्टिस शीट जिसमें अगेन क्वेश्चनस जो हैं वो सॉल्व करने हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे वीडियो वहाँ पे पॉज करें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर आप देखें कि आपका सक्सेस रेट क्या है तो अगर धैर्य के साथ ये वीडियो आपने पूरी तरीके से देख ली सो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक बहुत बड़ा बैरियर है स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ना होना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड देन यू वुड स्टार्ट इंजॉइंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहे वो सुनने की बात हो पढ़ने की बात हो या देखने की बात हो राइट right? सो so, किसी भी तरह का लैंग्वेज का एक्सपोजर आपके लिए आसान हो जाएगा सो so, अब मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़ता हूँ राइट धैर्य के साथ पूरी वीडियो आप आराम से देखें आप अपनी नोट मेकिंग भी कर सकते हैं एंड बिलीव मी जो मैंने बातें कही हैं वो सारी की सारी बातें आपको खुद में रियलाइज होंगी एंड यू विल फील मच लाइटर एज फार एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट स्टार्ट ग्रामर प्राइमर जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि सबसे पहले शुरुआत हमारी ग्राम से होती है जैसे कि दीवार पे पेंट करने से पहले आप प्राइमर लगाते हैं उसके बाद पेंट की कोटिंग होती है वही अप्रोच यहां पर भी है कि क्योंकि हमने कल भी इस बात को समझा था कि वो कैब में भी जो सबसे बेसिक लेवल का चैलेंज है वो चैलेंज आपकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को ना पहचान पाना है और अगर हम वो नहीं पहचान पाएंगे तो बहुत आसान से शब्द जैसे मैंने कल ट्रू और ट्रुथ की बात की थी या सपोज हमारे पास शब्द है अपोलॉजी अपॉलोजाइज अपॉलोजेटिक अपोलटिकली अब सभी को पता है कि अपोलॉजी का मतलब माफी होती है क्षमा होता है बट अगर आप सिर्फ हिंदी अर्थ याद रख रहे हैं तो आप उसका सही इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं कर पाएंगे अब अगर आप कहो कि आई नीड एन अपॉलोजी फ्रॉम यू तो यहां अपॉलॉजी नाउन है यू नीड टू अपॉलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक तो यहां पे टू प्लस बी वन वो क्षमा मांगना हो गया ही इज अपॉलोजिटिक यहां ही को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया तो पॉइंट यही है कि बहुत ही आसान से शब्द भी अगर ग्रामर आप नहीं पहचानते हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पहचानते पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है तो आप वकैब का भी सबसे बेसिक लेवल नहीं संभाल पाओगे तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें कि हम एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचान पाएँ शब्दों को पहचान पाएँ क्योंकि अभी जैसे मैंने जब तीनों एरियाज़ की बात की ग्रामर वकैब कॉम्प्रिहेंशन तो आपने ये तो समझ ही लिया कि वकैब में भी सबसे बेसिक लेवल पर ग्रामर की समझ चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है तो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं आप पहचान पा रहे कि क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है क्या ऑब्जेक्ट है राइट आ, कौन सा शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है तो अंडरस्टैंडिंग कभी हमारी पूरी नहीं होती इसी को मैं अंडरस्टैंडिंग में हैंडी अंडरस्टैंडिंग या डिलेड अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ जैसे आपने न्यूज में भी कई बार देखा होगा कि आप पढ़ना शुरू करते हो आपकी आंखें आगे निकल जाती हैं आपकी समझ पीछे रह जाती है आपको दोबारा फिर उन्हीं सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ता है जिन सेंटेंसेस को पहले आंखों ने तो पढ़ा बट दिमाग ने रजिस्टर नहीं किया तो हमारी प्रोसेसिंग एबिलिटी जो है वो जो है वो स्लो है ठीक है आइए शुरू करते हैं ग्रामर <coughs> प्राइमर कल मैंने आपसे बात ये की थी कि ग्रामर की समझ का मतलब क्या है कि हमें वर्ड सेलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट की समझ हो कल इसका जिक्र हमने किया था जो लोग कल की क्लास में नहीं थे जरूर देख लीजिएगा वर्ड सेलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट की समझ यानी हम अगर एक ही शब्द की प्लेसमेंट को बदलें तो उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बदल जाता है जैसे वाटर नाउन भी है वाटर वर्ब भी हो सकता है पुलिस नाउन भी है पुलिस वर्ब भी हो सकता है हु विल पुलिस द पुलिस कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था तो यानी उसी शब्द की प्लेसमेंट को चेंज करोगे तो उसका काम बदलेगा काम बदलेगा तो नाम बदलेगा तो इसीलिए ग्रामर प्राइमर में हम फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं और सही शब्द का चुनाव भी हम तभी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी ब्लैंक प्लेस का ही उदाहरण दिया था कि फिलर का क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है लेकिन ब्लैंक प्लेस को देख के आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे नाउन चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए तो आपका तुरंत काम वहां पे बन जाता है तो वर्ड के सिलेक्शन के लिए भी ग्रामर की समझ चाहिए अगर ये दोनों समझ है इसका मतलब ग्रामर आता है इसमें होती है हमें दिक्कत तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं और uh, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है अक्षर लेटर लेटर अक्षर इंग्लिश में कितने अक्षर हैं छब्बीस अक्षर हैं देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अब लेटर को बहुत सारे लोग अल्फाबेट शब्द से कंफ्यूज करते हैं अल्फाबेट एक्चुअली वर्ड माला को कहते हैं तो जब आप ए से लेकर जेड तक पूरा सीक्वेंस में लिखते हो ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसको कहा जाता है क्या अल्फाबेट वर्ड माला तो सबसे छोटी इकाई हो गई लेटर जिसको हिंदी में आप अक्षर कहते हैं जिसका और क्षरण न हो सबसे छोटी इकाई अक्षरों से मिलकर बनता है क्या हमारे पास शब्द और जैसी वर्ड्स की बात आएगी तुरंत वहां पे पिक्चर में आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या कि इंग्लिश भाषा में कोई भी सेंटेंस अगर लिखा गया है या बोला जा रहा है बोला गया है तो उसमें जितने भी सेंटेंस किनसे मिलकर बनते शब्दों से मिलकर बनते उसमें जो शब्द हैं वो इन्हीं आठ में से कुछ न कुछ होते हैं ये आठ कौन कौन से हैं एट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एड वर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन अब इसमें इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी के जो सातों पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है इनकी समझ का इनकी अंडरस्टैंडिंग का ग्रामर बेस्ड किसी भी तरह के क्वेश्चन टाइप को करने में यानी जो भी एग्जाम आपका ग्रामर के ऊपर ज्ञान टेस्ट कर रहा है वो चाहे एस का पेपर है यूपीएससी का पेपर है बैंक का पेपर है मैनेजमेंट का पेपर है और ग्रामर के क्वेश्चन भी कई तरीकों से डिजाइन किए जा सकते हैं अब जैसे एस में जो थोड़ा बदलाव अब देखने को आपको मिल रहा है जो लास्ट वाले सीजीएल मीनस में हुआ कि डिटेक्शन के क्वेश्चन में उन्होंने स्पेलिंग्स में भी गलतियां दी और वो गलतियां आपको देखनी है करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचने के लिए हो सकता है आने वाले दो चार साल में पंक्चुएशन की भी ये चर्चा की थी, कि डिफिकल्टी में लोवेस्ट लेवल का एग्जाम है जबकि आप अगर मैनेजमेंट एग्जाम्स के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखें तो वहां चार पांच पैरामीटर पर सेंटेंस कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये पूछा जाता है वहां सिर्फ ग्रामर के कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते ग्रामर भी है अप्रोप्रिएशन भी है पंक्चुएशन भी है यूसेज भी है कॉन्टेक्स्ट भी है बड़े सारे पैरामीटर पे वो पूछते हैं कि भाई बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है एक सेंटेंस को दे दिया उसी सेंटेंस को चार अलग अलग तरीकों से लिखा और पूछ लेते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें कोई एरर नहीं है वो बताइए तो एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट एस और बाकी के सरकारी एग्जाम्स में ये पैटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलता है बट बैंक में वो पैटर्न चार पांच अलग अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है

जो कल मैंने सिलेबस डिस्कशन में बताया कि हम इन्हीं सारे चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ते हैं फिर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज और जब अलग अलग चैप्टर पे आपकी कमांड हो जाती है तब हम फिर मिसलेनियस पे जाते हैं क्योंकि तो एग्जाम में खिचड़ी ही हमें पूछी जाएगी तो ये है वर्ड का महत्व कि वर्ड की जैसे चर्चा आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा पिक्चर में कि हमें आइडेंटिफिकेशन आती है या नहीं आती है वर्ड्स के बाद जो अगला पड़ाव है जो हम सीखते हैं यहाँ पे ग्रामर प्राइमर में वो है फ्रेजेस का मामला फ्रेज़ क्या होता है ये शब्दों का समूह होता है तो आप कहेंगे सर शब्दों का समूह का तो वाक्य कहते हैं बचपन में हमने ये पढ़ा था बिल्कुल पढ़ा था सर कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेकिन वो बात वही कि उस समय मासूम सेंटेंसेस थे अभी जिस तरह के सेंटेंसेस आपको न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में मैगजीन्स में मिलते हैं वैसे सेंटेंसेस नहीं है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे जो पेपर में मिलेंगे जो डिटेक्शन के क्वेश्चन में मिलेंगे एरर डिटेक्शन के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के यहाँ लेंदी सेंटेंसेज हैं उनमें फ्रेजेस भी होते हैं और फ्रेज के बाद अगला पड़ाव आता है क्लॉज clauses भी होते हैं और तब बारी आती है सेंटेंस की तो जैसे मेरा आज जो सबसे पहला सवाल था कि किस एरिया में आपको दिक्कत है बहुत सारे लोगों ने सभी ने कहा कि सर तीनों एरियाज में दिक्कत है और बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर ग्रामर और वोकैब पर आपकी डिसेंट कमांड नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिक्कत जरूर होगी आपको भाषा समझ नहीं आएगी क्योंकि कोई भी भाषा के अंदर होते हैं शब्द यानी वर्ड्स वोकेबलरी और उन शब्दों को अरेंज कैसे करना है ये उस भाषा का व्याकरण सिखाता है अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि अपॉलोजी अपॉलोजेटिक अपॉलोजाइज ये शब्द हैं तो ये कहाँ इस्तेमाल होंगे ये कौन सिखा रहा है ये व्याकरण सिखा रहा है तो हर भाषा के ये दो पिलर होते हैं शब्द की भी समझ चाहिए और शब्दों को कैसे अरेंज करना है वो व्याकरण सिखाएगा उसकी भी समझ होनी चाहिए तब तो भाषा समझ आएगी अब जैसे आप ये तो नहीं कहते कि मैं मैं खाते हैं आप क्या बोलते हो मैं खाता हूं तो आपको पता है ना हिंदी में कि भाई मैं के साथ हूं लगता है हम के साथ हैं लगता है हम खाते हैं वह खाता है तो कहाँ हूं लगेगा कहाँ है लगेगा कहाँ है लगेगा ये कहाँ से पता लग रहा है ये ग्रामर ही तो सिखा रहा है ना आपको तो वही बात अंग्रेजी के ऊपर अप्लाई होती है कि कौन सा शब्द कहाँ लगेगा ये व्याकरण का ज्ञान हमें सिखाता है और तब जा के हमें पूरी भाषा जो है वो समझ में आती है तो सबसे पहले तो जो हम ये दो स्टेप को बाईपास कर जाते हैं मैं इसका थोड़ा महत्व आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस हम कहते थे वर्ड्स के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और ये दो स्टेप हम जो है इसको बाईपास कर जाते थे और इसलिए हमें फिर लैंग्वेज में होती है दिक्कत तो आइए चलते हैं आगे अब जैसे सपोज मैं यहां पर लिखू एक सेंटेंस सचिन का ही नाम यहां अभी सबसे ऊपर आ गया सचिन इज अ स्टूडेंट दूसरा सेंटेंस हिज फादर इज अ Clinical psychologist What you did is. करेक्ट या और मैं लिखूं इज एब्सोल्युटली करेक्ट अब देखो आप आपकी आंखों के सामने तीन वाक्य लिखे हैं मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं ठीक है सेंटेंस की पहचान होती है फुल स्टॉप का साइन या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अब जरा इन सेंटेंसेस पे आप निगाह डालें तो आपको क्या समझ में आ रहा है सचिन इज अ स्टूडेंट सचिन यहाँ पे क्या है एक नाम है कोई भी नाम जो होता है उसी को हम नाउन कहते हैं अभी सारे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रश अप करूंगा लेकिन जस्ट मैं ये फ्रेज और क्लॉज और वर्ड का क्या रोल है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको तो सचिन एक शब्द है तो हम इसे क्या बोलेंगे इसे नाउन बोलेंगे एक नाम है ये सचिन एक शब्द है और एक नाम है तो ये क्या हो गया ये नाउन हो गया इज अ स्टूडेंट स्टूडेंट भी क्या है एक नाउन ही है आर्टिकल उसके पहले लगा हुआ है अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो इसको कॉमन नाउन कहते हैं आप सबने बचपन में पढ़ा क्योंकि ये कॉमन शब्द है जो मैं आप सभी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं अभी आप जब इस बैच में एनरोल्ड हैं और यहां पे पढ़ रहे हैं अभी सेशन के अंदर तो अब आपका प्रॉपर नाउन क्या है तो सबका सचिन दीपा कुमार विशाल डी अभिषेक नितिन स्नेहा ये क्या है ये सब प्रॉपर नाउन है ये स्पेसिफिक नेम है आप सब अपने आप में यूनिक हैं तो जो यूनिक नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं वो प्रॉपर नाउन हो गया और कोई भी ऐसा कॉमन शब्द जो सभी के लिए इस्तेमाल हो सकता है एक क्लास के उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं तो अगर मुझे आप सभी को अड्रेस करना हो एक साथ तो मैं क्या बोलूंगा क्लास इसीलिए टीचर्स क्या बोलते रहे गुड मॉर्निंग क्लास राइट स्कूल्स में कॉलेजेस में गुड मॉर्निंग क्लास तो अब यहां पे क्या था एक, -एक शब्द था नाउन लगा अब अगला सेंटेंस देखो अभी कोई कमेंट आप ना करें ठीक है प्रकाश रिक्वेस्ट है भाई बिकॉज एक फ्लो में क्लास चलती सब लोग बहुत ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं बहुत सटल चीजें हैं तो ध्यान से सुनिए बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस क्लास वो सब की बात हो जाएगी आगे कहीं नहीं जा रहे भाई जुड़ गए आप एक साल तक जुड़े रहेंगे फादर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अब देखो हम कहते हैं ना कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन बनता है हो सकता है सब्जेक्ट की परिभाषा में भी अभी दिक्कत हो वो सब दिक्कतें दूर होंगी लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये जानते हैं कि जो काम करने वाला होता है जो करता होता है उसी को हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला उसी को करता कहा जाता है उसको सब्जेक्ट आप जानते हैं लेकिन यहां पे देखो सचिन इज अ स्टूडेंट जब कहा तो सचिन कोई काम कर रहा है क्या जब हमने कहा कि उसके पिता क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे बचपन से आपको पूछा जाता था इंट्रोडक्शन में बेटा व्हाट इज योर फादर तो आप जवाब क्या देते थे माय फादर माय फादर इज अ माय फादर इज अ टीचर माय फादर इज अ फार्मर राइट my फादर इज a डॉक्टर my फादर इज an इंजीनियर my फादर इज a क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये क्या है ये पिताजी का परिचय मेरे पिता हैं तो वहां पिता कोई काम थोड़ी कर रहे थे तो यहाँ पे जो हमारी रटने वाली जो प्रथा है मैं हमेशा उसके खिलाफत में रहता हूं काम करने वाले को कर्ता कहते हैं अरे कहते हैं भाई उससे कोई इनकार नहीं है डूअर ऑफ द एक्शन जिसे कहा जाता है काम करने वाला डू दू से डूअर जैसे प्ले करने वाला प्लेयर तो काम करने वाले को तो करता बोलते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन साथ ही साथ किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है ठीक है तो सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा है तो यहां किसके बारे में बात हो रही है सचिन के बारे में एक सचिन विद्यार्थी है यहां किसके बारे में बात हो रही है उसके पिता के बारे में हिज फादर लेकिन अब यहां पे क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि यहां एक शब्द नहीं है दो शब्दों का समूह इस्तेमाल हो गया हिज फादर और जैसे ही इट इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड अब आप इसको वाक्य तो नहीं बोलोगे ना भाई वाक्य तो नहीं बोलोगे कि हिस्स फादर वाक्य है तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते नहीं बोल सकते क्योंकि वाक्य होने के लिए वर्ब की जरूरत है किसी भी वाक्य की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है दो शब्द चाहिए अगर मान लो बस मैं इतना लिख दूं कि दीपा सिंग्स फुल स्टॉप बन गया वाक्य दीपा सिंग्स क्या हिंदी अर्थ हुआ दीपा गाती है सब्जेक्ट भी आ गया वर्ब भी आ गया सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट एक वाक्य की दो शब्दों की होती लेकिन वो दो शब्द में एक सब्जेक्ट होना चाहिए एक वर्ब होना चाहिए यहां पे कोई वर्ब थोड़ी है पिता नाउन है फादर कॉमन नाउन किसी भी पिता को पिता को कहोगे कॉमन नाउन का वर्ड है और हिज उसके पहले लग रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है पजिसिव एड्जेक्टिव है हिज उसका संबंध बता रहा उसका पिता तो उसका पिता में कोई वर्ब नहीं है तो हम इसको सेंटेंस तो बोल नहीं सकते और क्लॉज भी नहीं बोल सकते क्योंकि क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है इसीलिए देखो सेंटेंस सबसे लास्ट में लिखा मैंने जो सीरीज बनाई क्लॉज एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होगा लेकिन पार्ट होते हुए भी उसके पास अपना वर्ब होता है फ्रेज एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है शब्दों का समूह है लेकिन उसके पास अपना कोई वर्ब नहीं होता तो हिज फादर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में अब हम इसका नामकरण क्या करेंगे अब इसी को नाउन फ्रेज कहा जाएगा तो बात हमें बहुत क्लैरिटी से समझ आ गई एक लॉजिक के साथ हम आगे चल रहे हैं कि अगर नाउन का काम एक शब्द करे तो उसको नाउन बोलो लेकिन वही नाउन का काम नाउन का काम क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना ये सब अगर नहीं पता है अभी बिल्कुल मैं नील से शुरू करूंगा जीरो से बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो खैर सबको पता है और खैर उसके डेफिनेशन में भी लोगों को गल, गलतियां होती हैं कंफ्यूजन होता है उनको लगता है वर्ब के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट वर्व ऑब्जेक्ट है ना राम किल्ड रावण मारने वाला कौन राम किस को मारा रावण को तो बीच में क्या आ गया वर्व सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो ये रटने की चीज नहीं होती वर्व के बाद जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऑब्जेक्ट आए वर्व के बाद लिखा हर शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता जैसे डुअर ऑफ द एक्शन जो है वो सब्जेक्ट होता है वैसे ही रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है जो जो एक्शन को रिसीव कर रहा है जिसके ऊपर वो काम किया गया है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है तो किसको मारा गया तो रावण को मारा गया तो इसलिए रावण ऑब्जेक्ट है ठीक है अब यहां पे वर्ब है इज क्या ये स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बोल दोगे क्या आप नहीं ये भी तो नाउन है क्यों क्योंकि ये कोई कोई एक्शन एक्शन वर्ब नहीं है इज यहां पे कोई के बारे में बात नहीं बता रहा ये राम का परिचय दे रहा है बस राम इज अ स्टूडेंट तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं सब्जेक्ट का पूरक जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करे यहां ये नाउन सब्जेक्ट का पूरक है वही कहानी यहां पर भी है अब ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिखा है अगेन देखो आर्टिकल का इस्तेमाल यहां भी था यहां भी था अब इसको भी क्या बोलोगे आप ये भी नाउन फ्रेज है क्योंकि दो शब्द आ गए ना दो शब्द आ गए कि ये नाउन फ्रेज अब कल भी हमने इस बात की का जिक्र शायद किया था आज भी कर लो अब आर्टिकल का इस्तेमाल हमने बचपन से पढ़ा कि किसके पहले होता भाई नाउन के पहले होता है लेकिन क्लिनिकल शब्द तो एडजेक्टिव है साइकोलॉजिस्ट तो नाउन है आईएसटी लगा हुआ है कॉमन नाउन साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी का विशेषज्ञ हो सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजी का हो तो कहीं भी टेक्नोलॉजिस्ट कैपिटलिस्ट तो आईएसटी लगा करके आप एक कॉमन नाउन बना देते हैं इंसान की तरफ उस ग्रुप की तरफ इशारा करने लग जाते हैं और नाउन को जो डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं क्लिनिकल हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट नहीं है क्रिमिनल भी होंगे अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तो साइकोलॉजिस्ट के पहले आप एडजेक्टिव का शब्द लगा रहे हैं और आज हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई कि ये आर्टिकल इस एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता ये आर्टिकल लगता है नाउन फ्रेज के लिए तो हमारे ज्ञान में इजाफा क्या हुआ कि आर्टिकल नाउन के पहले तो लगता ही लगता है नाउन फ्रेज के पहले भी लगता है और नाउन फ्रेज बनता कैसे है वो आपको यहां दिख रहा है ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है सेम कहानी यहां भी है फादर नाउन है हिज उसके पहले लग करके उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसका पिता तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज बनता है क्योंकि तो हो सकता है कभी आपके मन ने ये सवाल पूछा हो कि यार बचपन से गुरु जी लोगों ने बताया कि आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है बट हम तो बोलते हैं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल हम तो बोलते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन ही इज एन ऑनेस्ट मैन तो ये ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट ऑनेस्ट ये सबके सब तो विशेषण के शब्द हैं जो अपने बाद लगने वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सुंदर लड़की है समझदार लड़का है ईमानदार इंसान है तो इनके पहले तो आप आर्टिकल लगा रहे हो तो आर्टिकल ये ऑनेस्ट ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट के लिए नहीं था ऑनेस्ट पर्सन इंटेलिजेंट बॉय ब्यूटीफुल गर्ल के लिए था नाउन फ्रेज के लिए आर्टिकल लगता है अब आइए अगले पे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस अब आप खुद सोचें कि ऐसा सेंटेंस अगर आपको देखने को मिले ना तो एक समय आप जो है आपका आप डिस्टर्ब हो जाओगे यार ये कौन सी अंग्रेजी है डिड भी लगा है इस भी लगा है लगा लग रहा सेंटेंस गलत है एक ही सेंटेंस में पास्ट भी आ गया अब जैसे मैं आपसे ही पूछूं अभी कि कि मुझे आप ये बताओ, ये ये बताओ, डिड क्या है? है है? हेल्पिंग वर्ब वर्ब मेन जो भी ज्ञान है थोड़ा बहुत बताओ मुझे मैं तो वैसे ये मान के चलता हूं कि बैच में मुझे सब नीचे से कराना बट जो भी आपका ज्ञान है जरा कॉमेंट में बताइए मेन है या हेल्पिंग वर्ब है मैं हट जाता हूं किनारे संस्कार का जवाब है हेल्पिंग वर्ब है नितिन का भी हेल्पिंग वर्ब फटाफट फटाफट आंसर करिए Helping, 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 helping. Main, helping. देखो तो ऐसा नहीं कि ये शब्द बड़े मुश्किल हैं, बट आपको दिक्कत हो रही है ना पहचानने में ये वाला जो डिड है ये एक्चुअली मेन वर्ब है और यहां पे कहानी क्या है यहां कहानी ये है भाई कि व्हाट यू डिड जो है ना वॉट यू डिड ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है वॉट यू डिड सेंटेंस का सब्जेक्ट है अब कोई पूछे What इज एब्सोल्यूटली करेक्ट कौन सी चीज बिल्कुल सही है जो तुमने किया इसका क्या हिंदी अर्थ हुआ जो तुमने किया तो ये डिड जो है ये मेन वर्ब है और यू यहां पे सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया अब ये कन्फ्यूजन क्यों है आपको क्यों आपको पता है कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन भाई साथ ही साथ ये मेन वर्ब भी तो होते हैं करने के लिए तो डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिड सेकेंड फॉर्म होता है और डन जो है ये थर्ड फॉर्म होता है जैसे किसी भी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के तीन फॉर्म्स हमारे पास होते हैं तो बिल्कुल वैसे ये भी है ये वी वन है ये वी है और यह वी थ्री है अब संस्कार ने यहां पे लिखा है कि डिड हेल्पिंग वर्ब है और इज मेन वर्ब है संस्कार भाई साहब ये मेन वर्ब इज है इज यहां पे मेन वर्ब कैसे हो गया अच्छा ये, ये हेल्पिंग और ये मेन है यह लॉजिक अब इज जो है ये पूरे के पूरे के लिए मेन वर्ब मेन वर्ब जब हम टिपिकली बोलते हैं ना तो वो एक्शन वर्ब को बोलते हैं जैसे आप कहो कि अभी मैं आपके लिए बोलूं कि यू आर स्टडिंग इन दिस बैच तो स्टडिंग मेन वर्ब हो गया आर पीछे हेल्पिंग वर्ब हो गया तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब के पहले लग करके उसको हेल्प कर रहे उसका टेंस डिसाइड करने में आर स्टडिंग कर दिया तो प्रेजेंट में चले गए आप वर्ग कर दिया तो आप पास्ट में चले गए वॉस कर दिया तो पास्ट में चले गए मेन वर्ग तो स्टडिंग ही है वहां पे तो जो हमारे टिपिकली एक्शन वर्ग होते हैं उनको मेन बोलते हैं ऐसा नहीं कि पहले लिखा है तो इसको हेल्पिंग बोल देंगे इसको मेन बोल देंगे ठीक है एनी तो वॉट यू डिड इज एब्सोल्यूटली करेक्ट जो तुमने किया वो बिल्कुल सही है ये इसका हिंदी अर्थ हुआ और क्या हमें जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो क्या हम ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलते अब मान लो आप और आपका दोस्त कल किसी पार्टी में थे और उस पार्टी में कोई घटना घटी और आपके दोस्त ने उस घटना में उस सिचुएशन में एक खास तरह से अपना रिस्पांस दिया और आज जब आप पार्टी से आ गए सो गए सुबह उठ करके फिर कल के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे यार जो तुमने कल किया ना वो बिल्कुल सही है यही तो बोलते हो जो तुमने किया वो बिल्कुल सही है वॉट यू डेड क्योंकि बात पास्ट की है कल किया था तुमने और वहां पे हम क्या लगाएंगे फास्ट का मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो तुमने किया वो बिल्कुल सही है क्या ये ऐसी बातें आपको बोलनी या कहनी नहीं होती लेकिन आप कर रहे हो ट्रांसलेशन सीख रहे हो ट्रांसलेशन सीखने के बाद भी मन में जो भाव है वो हम ना लिख पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं और ना लिखा हुआ समझ पा रहे हैं अगर लिखा हुआ है तो हमें दिक्कत होती है ये कौन सी अंग्रेजी है कि डिड और इज एक साथ आ गया ये कौन सी इंग्लिश है तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेजेज एंड क्लॉजेज और देखो मैंने जो वाक्य दिए हैं बड़े सिंपल से वाक्य हैं अभी कोई लेंदी सेंटेंस आपको नहीं दिखाया मैंने मैं एक दिखाता भी हूं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या फेस करने जा रहे हो ये पिछले साल की ही बात है मुझे लगता है सीजियल मेन्स का बैच था वो ये ग्रामर फाउंडेशन सीजियल मेन्स अब देखो वो मेन्स के बच्चे थे प्री एग्जाम दे चुके थे बट उनको मैंने वही एहसास कराने के लिए दिया कि भाई देखो आपको पता है कि पेपर जो है वो पैराग्राफ बेस्ड ज्यादा होगा तो आप जरा इस एक सेंटेंस को पहचानो ये पैराग्राफ आपको देखने में लग रहा है लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा हुआ है ये क्या है ये एक सेंटेंस है क्योंकि यहां जाके फुल स्टॉप लगा है बीच में कहीं आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा तो अभी हमने क्या बात समझी कि फुल स्टॉप का साइन जो है वो वाक्य की पहचान है और उसके बाद दूसरा वाक्य यहां से शुरू हो रहा है ट्रेजिडी और हॉस्पिटल में जाके खत्म हो रहा है यानी इतना बड़ा सा जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है इस पैराग्राफ में कुल मिला दो ही सेंटेंस है लेकिन एक पहले वाले सेंटेंस की जरा लंबाई देखो और आपको भी इस बात का पता है कि इन्हीं अखबारों के आर्टिकल से उठा करके हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें क्लोज टेस्ट हमें पैराजल हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन यहीं से उठा के दिए जाते हैं और हम सब पढ़ चुके हैं मतलब जिस ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं, कल भी मैंने यह दोहराया था कि दसवीं तक ही तो ग्रामर टेस्ट होती है आ, मतलब किसी भी बोर्ड में इन जनरल ग्यारहवीं बारहवीं में तो लिटरेचर का पोर्शन आ जाता है और जितने लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे वो सब या तो ग्रेजुएट होंगे या ग्रेजुएशन परसुईंग होंगे आप लेकिन अब आप खुद अपने आप को टेस्ट कर लें कि यहां पे क्या लिखा डायरेक्शन में एनालाइज द फॉलोइंग पैराग्राफ्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस आपके सिलेबस में भी उठा के देखना जो सितंबर 2021 में जब सिलेबस बदला तो उस सिलेबस के अंदर आ, क्या लिखा था ये कह रहा हूं 22 के अंदर जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी करी तो वहां पे क्या लिखा हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये सिलेबस के पहली लाइन में ही था वो क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अगर आपको नहीं समझ आएगा तो किसी भी तरह के क्वेश्चन टाइप में आपको दिक्कत होगी आप समझिए इस स्ट्रक्चर को तब आपको समझ आएगा कि सर क्यों ग्रामर प्राइमर कराते हैं मैं बार बार सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों बोलता रहता हूं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसीलिए बोलता हूं क्योंकि उसकी समझ आपको अगर नहीं होगी तो फिर आप कभी कॉन्फिडेंस के साथ पूरी बात को समझ नहीं पाओगे आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप्स ऑफ फ्रेज और क्लॉज द बोल्ड पार्ट बिलोंग यानी जो पार्ट मैंने बोल्ड किया है ये किस तरह का फ्रेज है किस तरह का क्लॉज है ये पहचानो यानी एक ही वाक्य में आप देखो फ्रेजेस भी हैं और क्लॉजेस भी हैं ठीक है द वर्स्ट पॉइजनस एल्कोहल रिलेटेड ट्रेजिडी इन बिहार सिंस द इम्पोजिशन ऑफ प्रोहिबिशन अपियस टू हैव फोर्स द गवर्नमेंट ऑन द बैकफुड विद अग्रेसिव रिस्पॉन्स बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार टू लेजिटिमेट क्वेश्चन अबाउट वॉट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डूइंग टू ट्रैक द सेल ऑफ स्पूरियस लिकर एंड हाउ इट वॉज अवेलेबल सो वाइडली इन अ स्टेट विद ऑल सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिकर इज बैंड अब आप अपने आप से पूछे आपको समझ आ रहा है एक वाक्य और ये रियलिटी कब है जब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं तो मैंने कल भी इसी बात का आग्रह और निवेदन आपसे किया था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टूगेदर यहां पे फोकस जो है ना वो रटने पे नहीं है समझने पे है कि काम समझ लो अब जैसे ये समझ में आ गया कि अच्छा नाउन का काम सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना है तो अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया ये क्या था आपको ये बात समझ में आ गई ना कि भाई यहां पे ये जितने भी लिखे गए हैं ये सब क्या हैं ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं वर्ब के पहले आ रहे हैं। अभी मैं इस पर नहीं आया कि किस तरह का वर्ब है ये अभी उसकी चर्चा में मैं गया ही नहीं सभी की सर चर्चा अभी आपको करूंगा अलग अलग लेकिन ये सब के सब सब्जेक्ट हैं जब एक शब्द था तो मैंने नाउन बोला जब दो शब्दों का समूह जिसके पास वर्ब नहीं है तो हमने क्या बोला उसको नाउन फ्रेज बोला और यहां पे हम इसको नाम क्या देंगे अब इसे कहा जाएगा नाउन क्लॉज तो मोटे तौर पे हमें बात क्या समझ आई कि इट्स फंक्शन Function समझना है नाउन का कि नाउन का काम क्या है Adverb का, का काम क्या 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 है, 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 का का काम 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 अगर जान गए उनका रोल जान गए एक सेंटेंस में तो पहचानना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा आप चाहते हैं ये वाला मैं एक्सप्लेन करूं इसकी मीनिंग हाँ या ना? चाहते हो आप या आप मीनिंग निकाल पा रहे हो या मुश्किल हो रही है बताओ मुझे पहले खुद एक बार पढ़ लो खुद एक बार पढ़ लो अब आपको इतना फर्क जरूर समझ में आ गया है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास वर्ब ना हो उसको फ्रेज कहते हैं और एक वाक्य का पार्ट होते हुए भी ऐसा समूह जिसके पास अपना वर्ब हो उसको क्लॉज कहते हैं जैसे व्हाट यू सेड में उसके पास अपना वर्ब था सेड सब्जेक्ट यू का वर्ब था सेड जो तुमने आ, किया सॉरी डिड था ना व्हाट यू डिड जो तुमने किया करेक्ट वो बिल्कुल सही है तो वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है बट उसके पास था अपना वो तो उसको हमने क्लॉज कहा आप पहचानिए जरा दिलराज सभी कोशिश करिए इसीलिए आप यहां पे जुड़ रहे हैं कि जो रियल इंग्लिश के चैलेंज हैं आप उनको समझें भुलावे में मत रहे हैं। दीपा पूछ रही है, सर है दीपा आएंगे उसके ऊपर बच्चे अभी वर्ब का इंट्रोडक्शन नाउन प्रनाउन सबका इंट्रोडक्शन करूंगा मैं एक एक करके जस्ट फ्रीज और क्लॉज पहले आपको समझाने लग रहा था मैं मैं बताऊं मतलब ये आप बता रहे हो समझ आ गया देखो ये कह रहा है कि सबसे द वर्स्ट पॉइजनस एल्कोहल रिलेटेड ट्रेजिडी इन बिहार सिंस द इंपोजिशन ऑफ प्रोहिबिशन अब यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा है ना सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर दिख रहा है क्योंकि इधर अपियर्स जा करके वर्ब लगा है अब हम जो बात कर रहे थे वो राम किल रावण वाली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो वहां पे तो आपको एक शब्द जो है वो क्या दिख रहा था वो दिख रहा था सब्जेक्ट के तौर पर बट यहां देखो सबसे ज्यादा बुरी जहरीली शराब संबंधित दुर्घटना दुखद घटना बिहार में कब से जब से की इंपोजिशन ऑफ प्रोहिबिशन हुआ है यानी शराब पे बंदी हुई है अपियर्स टू हैव फोर्स ऐसा प्रतीत होता है कि इस चीज ने सरकार को फोर्स किया है ऑन द बैकफुट की सरकार बैकफुट पे आ गई विद अग्रेसिवली रिस्पॉन्स बाई चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार टू लेजिटिमेट क्वेश्चन किसके साथ भाई चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज जो उनसे बड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए वाजिब सवाल पूछे गए किस चीज के बारे में अबाउट बारे में वॉट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लिकर एंड हाउ इट अवेलेबल कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था नकली जहरीली शराब के बिक्री को ट्रैक करने के लिए और कैसे ये अवेलेबल था सो वाइडली इन अ स्टेट इतने बड़े पैमाने पे एक ऐसे राज्य में जहां पे हर तरह की सेल और कंजम्पशन ऑफ लिकर इज बैंड जहां हर तरह के सेल और कंजम्पशन ऑफ शराब पे बैन है ये है पूरे सेंटेंस का मतलब इट्स वन सेंटेंस एंड मैं इसी की बात आपको कर रहा था कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको ये कमांड चाहिए ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि यस आई एम एबल टू ब्रेक दिस लेंदी सेंटेंस और जब ये ब्रेकिंग आपको आएगी तो ये आपकी स्पीकिंग में भी नजर आएगा कि कहां पे मुझे पॉज लेना है कहां पे स्ट्रेस देना है अब आइए फटाफट -फड़ पहचानने का काम कर लेते हैं सिंस क्या है भाई सिंस प्रपोजिशन है बचपन से कर रहे थे ना वो सिंस मॉर्निंग सिंस क्लॉक तो जो परफेक्ट टेंस में आप सिंस और फॉर लगाते हो तो वहां सिंस प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन प्लेस आर प्रोनाउन द बुक इज ऑन द टेबल यही तो बचपन से डेफिनेशन पढ़ी और एग्जाम्पल पढ़ा cow is in the field. तो बुक और टेबल टेबल के पहले ऑन लग रहा है तो प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और जिसके पहले लगता है उसका उसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है को हिंदी में संबंध लेकिन यहां पे देखो सिंस के बाद क्या लिखा दिन ऑफ तो यहां एक शब्द तो है नहीं कि टेबल के पहले ऑन लगा था तो वो टेबल नाउन था यहां पूरा का पूरा, पूरा चार शब्दों का समूह है और इस समूह में कोई वर्ब नहीं है तो इसको क्या बोलोगे भाई इसे क्या बोलोगे आप? ये पूरा का पूरा का आपका नाउन फ्रेज हो गया, हो गया गया। हो 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 ये। ये नाउन फ्रेज हो गया। और नाउन फ्रेज काम किसका कर कर रहा रहा है? है है है। के 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 का। का का जैसे बाद बाद जो 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 लगता वो वो जाता को वैसे लगेगा जाएगा अब ऑब्जेक्ट कौन बनता नाउन हमने बचपन में बस नाउन पढ़ा नाउन फ्रेज नहीं पढ़ा अब आपको समझ आ गई कि अच्छा पूरा का पूरा आगे देखो कहानी सेम कहानी फिर से टू क्या है preparation. Preparation किसके पहले position होता भाई noun, या pronoun, या noun phrase, या भी भी तो ये ये हो गया गया क्योंकि दो ही शब्दों का समूह है 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 अब फिर गया, about. अब फिर आ के बाद जो लिखा है, ये क्या है? उनको सवाल पूछे गए किसके बारे में कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था अब देखो यहां पे वॉज डूइंग यानी अब इसमें आ गया वर्ब और जैसे ही वर्ब आ गया अब हम इसको क्लॉज बोल सकते हैं सवाल तो इस बारे में कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था किस चीज के लिए इस पुरुष लेकर के सेल को ट्रैक करने के लिए एंड हाउ इट वाज अवेलेबल और कैसे ये अवेलेबल था तो यहां आपने वर्ब देख लिया तो जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है इसको अब आप क्या कह सकते हो इसे आप नाउन क्लॉज कह सकते हो ये नाउन क्लॉज अगेन प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन उन so, uh, है, है. बचपन से क्या पढ़ा जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे मॉडिफाई करे उनका गुड़ बताए उसको क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं तो जैसे ये बोला कि संस्कार इज अज मैन तो अभी संस्कार इज अ वाइज मैन में वाइज क्या है एडजेक्टिव है जो इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है एक शब्द था तो हम एडजेक्टिव बोलेंगे लेकिन यहां पर पूरा का पूरा क्या है यह पूरा का पूरा क्लॉज है क्योंकि इस बैंड आपको दिखाई दे रहा है तो अब इस पर्टिकुलर स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द नहीं एक फ्रेज नहीं एक पूरा का पूरा क्लॉज है और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है आर्टिकल लगा हुआ है ये नाउन है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं और डिस्क्राइब करने का काम जब एक क्लॉज करने लग जाए तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं यही बात है यह अखबार से के आर्टिकल से उठाया हुआ अखबार के आर्टिकल से उठाया हुआ यह सेंटेंस है तो यही सेंटेंस हमें मिलने वाले ये रियल टाइम चैलेंज अगर आप मोहन सोहन वाले सेंटेंसेस में अभी भी हैं वही रूल वही नियम वही सेंटेंस वही एग्जाम्पल तो आप किसी गफलत में हैं किसी कंफ्यूजन में बात समझ आ रही है तो दिस इज द चैलेंज और मैं इसके लिए आपको तैयार कर रहा हूं और इसीलिए हम ये ग्रामर प्राइमर इसमें लगते हैं पांच क्लासेस तो कम से कम जाती जाती हैं और लेकिन इन पांच क्लासेस के बाद आपकी काफी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाती है बात समझ आई हा या ना तो ये जो पढ़ाव है फ्रेज और क्लॉज का इंपॉर्टेंस एक सेंटेंस के बनने में मुझे लगता है मैं ये आप तक पहुंचा चुका हूं कि क्यों शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं ये वाले डेफिनेशन प्राइमरी क्लास तक बचपन तक ही ठीक थी नाउ यू आर वॉट यू आर गोइंग टू गेट वो लेंदी सेंटेंसेज हैं और उनमें एक ही सेंटेंस में आपको फ्रेजेस भी मिलते हैं और क्लॉजेस भी मिलते हैं और अगर हम एक शब्द को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो शब्द नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है तो आप फिर वो फ्रेजेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि काम तो अगर काम पहचान में आएगा तभी नाम दे पाओगे आप तो पहले एक शब्द को पहचानना और नाम देना जरूरी है जैसे ही आप एक शब्द को पहचानने लग जाते हैं कि ये शब्द क्या काम कर रहा है इस, इस आधार पर इसका ये नाम है तो तुरंत फिर आपको फ्रेज और क्लॉज को पहचानने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि का, आप, काम आपको पहचान में आ गया तो हमें लग जर जरूर, जरूर सकता है कि अच्छा फ्रेज क्लॉज तो बड़े लेंदी लेंदी है इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप सब आइडेंटिफाई करोगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ब्रशअप कराऊंगा उसके बाद हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे फिर मैं आपको फ्रेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी तो जस्ट एक मौखिक तौर पर बता दिया ना वो सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे कि फ्रेज होता क्या है डेफिनेशन उसको पहचाने कैसे नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज वर्बल फ्रेज फ्रेजल वर्ब फिर क्लॉज क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है इंडिपेंडेंट क्या होता है फिर डिपेंडेंट में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तो सब पहचानोगे और तब आती है बात सेंटेंस की कि सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं तो सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो इतना करने में आपकी एक सेंटेंस पे कमांड बेहतर होती है और आपको पता है कि अंग्रेजी में सेंटेंस एक बेसिक इकाई है ना आपको हर जगह पैराग्राफ अगर मिल रहा है तो पैराग्राफ वाक्यों से मिलकर बनता है और जिस बालक और बालिका को एक वाक्य नहीं समझ में आता क्या उसकी पूरी जिंदगी डिफिडेंट नहीं रहेगी इंग्लिश को लेकर के आप खुद सोचो अपना दिमाग लगा के सोचो कि बात तो सही कह रहा है आदमी आप अभी मैं सेंटेंस उठा के देता हूं सारे प्रीवियस ईयर कोई भी सब टॉपिक उठा लो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव टेंस वो हर उसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में ए बी सी डी ई जो लिखा रहता है किस पार्ट में एरर है उसमें भी देखोगे तो फ्रेजेस और क्लॉजेस भर भर के वॉयस के क्वेश्चन में फ्रेजेस क्लॉजेस है लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी समझ ही नहीं तो वो फिर रूल रटते हैं रटने वाले रूल पे अगर क्वेश्चन में सेटिंग बैठती है तो का फिट बैठता है तो एरर पर टिक लगाते हैं नहीं तो बेचारे फंस जाते हैं वहां पर जितनी बातें मैंने अभी आपको बोली हैं ये हमारी सच्चाई है या नहीं ये बता दो कमेंट में तब मैं आगे बढ़ता हूं हाँ या ना एडजेक्टिव का मतलब वही कि अगर विशेषण का काम विशेषता बताने का काम एक क्लॉज करे तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज करोगे वो स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा था एक ऐसे स्टेट में जहां पे शराब बैंड है तो वो स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलोगे आप वही लॉजिक है बस कि अगर हम नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पहचान ले रहे हैं तो वो काम अगर एक फ्रेज कर रहा है तो उसे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे क्लॉज कर रहा है तो उसे हम नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं ठीक है नाउ यू आर विद मी चलिए अब एक एक करके फटाफट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड्स पे ही कमांड करेंगे आ जाओ कितने हैं नाउन प्रोनाउन adjective, verb. एडवर्ब प्रशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन यही एट पार्ट ऑफ स्पीच है आज हम इनके फंक्शनल आस्पेक्ट की बात करेंगे यानी इनका क्या रोल है एक सेंटेंस में वो समझेंगे सबसे पहले नाउन को पकड़ो यहां पर टाइटल भी मैं डालूंगा फंक्शनल एस्पेक्ट काम समझो किताबी ज्ञान नहीं चाहिए कोई किताबी ज्ञान नहीं पूछ रहा फंक्शनल एस्पेक्ट की पहचान हो क्या काम है उसका फंक्शनल का मतलब रोल फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ नाउन देखो नाउन होता गया है डेफिनेशन वही बचपन वाली जो बचपन वाली डेफिनेशन वो अधूरी डेफिनेशन है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग आप कर लेते हैं बट इस डेफिनेशन के अंदर अधूरापन ये है कि नाउन का एक प्रकार जिसको हम कहते हैं क्या जिसे आप कहते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहते हो भाववाचक संज्ञा वो न तो पर्सन है न प्लेस है न थिंग है तो इसीलिए जो ऑथर से इस बात का ध्यान रखते हैं वो ब्रैकेट में ये लिख लेते हैं इनटैंजिबल थिंग एज वेल थिंग के बाद इनटैंजिबल जिसको टच ना किया जा सके क्योंकि भाववाचक संज्ञा भावनाएं हैं फीलिंग्स हैं और उनको टच नहीं किया जा सकता लेकिन ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन ये हो सकती है कि नेम ऑफ एनी थिंग कैन बी कॉल्ड नाउन किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कह सकते हैं राइट नेम ऑफ एनी थिंग कैन बी कॉल्ड नाउन और नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड नाउन कुछ और नहीं होता नाम रखने वाला शब्द होता है ये तो हो गई बात परिभाषा की ठीक है और ख़ासतौर से फंक्शनल एस्पेक्ट से हमने समझ लिया कि कोई भी नेमिंग वर्ड जहां नामकरण कैसे भी हो रहा है वो आपका नाउन के अंदर आ जाएगा अब नाउन का रोल क्या क्या है नाउन कितने तरह के काम में इस्तेमाल होता है तो सबसे पहला काम क्या है इसका सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस में आपको नाउन का रोल दिखाई देगा दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब तीसरा काम सब्जेक्ट का पूरक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दूसरा चौथा काम ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और पांचवा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ये पांच काम हैं और ये पांचों काम करता हुआ जो भी शब्द हमें नजर आएगा हम उसे क्या नाम देंगे उसे नाम हम नाउन देंगे ये है कुछ रटना नहीं कि नाउन होता है काम देख लो नाम उस हिसाब से मिल जाएगा उसको तो अब यहां पे जो सबसे पहले टर्म आता है वो आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्योंकि आप देख रहे हो ना चार जगहों पे इस्तेमाल चार क्या पांचों एक्सप्रेशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ तो पहले उसकी क्लैरिटी ले लो सब्जेक्ट किसको कहते हैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम करने वाला कर्ता जिसको आप कहते हो एंड वॉट इज बींग डिस्क इन देंटेंस वो भी क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है अभी जिसको मैंने सिंपल शब्दों में कहा कि डुअर ऑफ द एक्शन काम करने वाला अब सपोज मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा कि दिलराज इज लीडिंग दिस टीम दिलराज इज लीडिंग दिस टीम ठीक है ये पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इंग्लिश इज हिज फेवरेट लैंग्वेज देखो दोनों बातों के लिए यहां पे एग्जाम्पल आपको दे दिया पहले में करता है काम करने वाला है कोई पूछेगा हु इज लीडिंग दिस टीम ये दिलराज किसका जवाब है अगर सवाल पूछा गया हु इज लीडिंग दिस टीम कौन इस टीम को लीड कर रहा है कौन इस टीम को लीड कर रहा है तो इसका जवाब क्या दोगे दिलराज तो दिलराज हो गया काम करने वाला डूअर ऑफ द एक्शन और दूसरा क्या है यहां इंग्लिश कोई काम तो नहीं कर रहा लेकिन आपने कहा कि इंग्लिश उसकी फेवरेट लैंग्वेज है तो ये पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है अब कोई सवाल पूछे वॉट इज हिज फेवरेट लैंग्वेज वॉट इज हिज फेवरेट लैंग्वेज तो इसका जवाब क्या दोगे इसका जवाब आप दोगे इंग्लिश इज हिज फेवरेट लैंग्वेज अंग्रेजी उसकी फेवरेट भाषा है तो बात क्या समझ में आई कि अगर हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है तो कौन से ऐसे दो शब्द हैं जिनसे आप सवाल पूछते हैं वो दो शब्द हैं हु जिसका मतलब कौन या किसने और दूसरा शब्द है व्हाट क्या Who और जब हु का आप इस्तेमाल करोगे सवाल पूछने के लिए तो जो जवाब में मिलेगा वो डूअर ऑफ द एक्शन मिलेगा काम करने वाला मिलेगा राइट जो उस एक्शन को कर रहा है या कौन है जैसे मान लो आपने पूछा हू इज द प्रेसिडेंट तो आप नाम ले लिया आपने कि कीर्ति इज द प्रेसिडेंट कीर्ति इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन तो अब कीर्ति यहां पे कोई काम थोड़ी कर रही है कीर्ति यहां पे कोई काम तो नहीं कर रही बस आप ये बता रहे हो कीर्ति इसकी यहां की प्रेसिडेंट है तो ये किसका जवाब हो गया ये कौन का तो इसीलिए कौन और किसने दोनों हु का मतलब होता है लेकिन पॉइंट यही है कि चाहे जवाब कौन का हो या किसने ये किया या कौन है इस जगह का मंत्री अध्यक्ष हेड जो भी आप पूछो सवाल का जवाब कोई इंसान आएगा हाँ या ना तो हु का जवाब यानी इंसान आएगा वहां पे लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो अब आप कहें डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नॉर्मल सेंटेंस है ना तो आप क्या बचपन से पूछा जा रहा है वॉट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया आप डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया डेली कोई पर्सन थोड़ी है जगह का नाम है लेकिन इसका जवाब कहा से, आए? से, तो से, से इंसान आएगा बात क्लियर आगे बढ़े तो अगर हमारे पास ये अधूरा ज्ञान था कि काम करने वाले को करता कहते हैं तो आज उस ज्ञान में इजाफा हुआ वो बात सही थी लेकिन अधूरी थी काम करने वाला करता होता है लेकिन साथ ही साथ एक वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है। उसको भी तो सब्जेक्ट कहा जाता है उसी के बारे में बात हो रही है। पूरे वाक्य में कब तो कोई कहे कि योर आइडिया इज एक्सलेंट तो यहां पे किसके बारे में बात हो रही योर आइडिया तुम्हारा विचार नाउन फ्रेज हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट दो शब्दों का समूह आइए अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ अब वहां क्या था आपके पास ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन हो गया रिसीवर ऑफ एक्शन और दूसरा इसका काम क्या है वॉट इज बींग रिसीव जो रिसीव किया जा रहा है जो रिसीव किया जा रहा है वो भी क्या है वो भी ऑब्जेक्ट जो रिसीव किया जा रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है ठीक है तो अब यहां पर क्या देखते हैं आप यहां पर सपोज सेंटेंस है कि दीपा Gave हिम अ बुक अब देखो एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ गए दीपा गिव हिम अ बुक हिंदी अनुवाद क्या हुआ दीपा ने उसको एक किताब दी तो दीपा किताब देने वाली है एक्शन करने वाली थी तो सब्जेक्ट हो गया ठीक है जी किसको दिया ये जवाब किसका है हुम का रिसीवर ऑफ एक्शन किसने रिसीव किया वो किताब उसको यानी हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया यहां कोई नाम भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और उसको क्या दिया एक किताब दी तो दूसरा यह भी ऑब्जेक्ट हो गया यह किसका जवाब है यह व्हाट का जवाब है तो वही लिखा है व्हाट इज बीइंग रिसीव्ड क्या रिसीव किया गया उसके द्वारा एक किताब रिसीव की गई तो जो रिसीव करता है वो इंसान उसका सवाल कौन पूछेगा हुम पूछेगा हुम हुम डिड डिड गिव गिव अ बुक बुक उसने किताब किसको दी तो उस किसको का जवाब होगा उसको तो ये जवाब किसका हो गया हुम का हु का मतलब कौन या किसने हुम का मतलब किसको जो जब सवाल पूछेगा किसको वो किताब दी गई और उसको क्या दिया गया उसने क्या रिसीव किया इसीलिए यहां पे क्या लिखा व्हाट इज बीइंग रिसीव्ड जो रिसीव हो रहा है उसको भी ऑब्जेक्ट कहा जाता है तो किताब के लिए सवाल कौन पूछेगा वो व्हाट पूछेगा राइट सो व्हाट डिड ही गेट व्हाट डिड ही रिसीव तो उसका जवाब क्या होगा एक किताब तो हमें बात क्या समझ में आई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अब हमें अगर पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं हु जो है से जब सवाल आप पूछते हैं तो जवाब में मिलता है वो क्या मिलता है आपको सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मिलता है जब आप सवाल पूछते हैं तो जो जवाब में मिलता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है ठीक है और जब आप व्हाट से सवाल पूछते हैं तो आपको सब्जेक्ट भी मिलता है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी मिलता है और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी मिलता है यहां तक बात सबको समझ में आ गई यही तीन शब्द हु का मतलब कौन या किसने हुम का मतलब किसको जब सवाल पूछेंगे और व्हाट का मतलब क्या तो हु से सब्जेक्ट का पता लगेगा कौन या किसने यह किया Whom, किसको वो चीज की गई किसके ऊपर वो एक्शन अप्लाई किया गया किसको दिया गया और व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है एग्जाम्पल आपके सामने आ गया यहां तक क्लियर है सभी को हेलो कपिल काशी हां जी एवरीवन इज क्लियर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी हो गई पहले ये दोनों शब्द क्लियर हो गए सभी को आया ना कितने लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर के अधूरी बात ही पता थी अब तक कर्ता और कर्म काम करने वाला कर्ता होता है देखो इसीलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान ज्यादा डेंजरस है ज्ञान हमेशा पूरा रखो जरा फटाफट सेंटेंस बनाओ मुझे समझ में आ जाएगा दो सेंटेंस बनाओ आप दोनों सेंटेंस से शुरू होने चाहिए एक सेंटेंस में व्हाट का जो जवाब मिलेगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए एक सेंटेंस में जो व्हाट का जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वर्ब का राइट डाउन टू इन कमेंट सेक्शन दो वाक्य लिखिए कॉमेंट में दोनों व्हाट से शुरू करिए सवाल पूछिए एक सवाल का जवाब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और एक का जवाब ऑब्जेक्ट हो मैं वही जो बात बता चुका था उसी को रिपीट कर रहा था एक्चुअली नाउन का ही जिक्र हम कर रहे थे और मैंने आपसे यह गुजारिश की थी कि आप वर्ट का इस्तेमाल करके दो सेंटेंस बनाइए यहां तक बात हुई थी ना आया ना कि वॉट का इस्तेमाल करके दो सेंटेंस बनाइए जिसमें एक सेंटेंस में जो वाट का जवाब हो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो एक सेंटेंस जो आप वॉट से बना रहे सवाल पूछने वाला उसका जवाब ऑब्जेक्ट हो, हो इतनी बात हुई थी तो उसके बाद ये सारे पांचों रोल्स हम देख रहे थे आ जाओ फटाफट -फ़ड़ इसको एक बार और मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं है राज लाइक सिमरन मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा राज यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिमरन ऑब्जेक्ट है राज भी एक नाउन है सिमरन भी एक नाउन है नाम है काम करने वाला डूअर राज सब्जेक्ट हो गया जिसको लाइक कर रहा वो कौन है वो सिमरन है उसके ऊपर उसकी लाइकिंग अप्लाई की जा रही है वो ऑब्जेक्ट हो गया उसके बाद बात आई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पूरक की तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है नितेश सिजे डॉक्टर यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है तो नितेश सिजे डॉक्टर जब हमने कहा तो नितेश सेंटेंस का सब्जेक्ट है लेकिन ये वाला सब्जेक्ट अगेन देखो कोई डूअर नहीं है ये काम करने वाला नहीं है राज तो कर रहा था वो लाइक कर रहा था राज सिमरन को लाइक करता है बट यहां पे नीतिश कोई काम नहीं कर रहा लेकिन हम बता किसके बारे में रहे हैं नीतीश के बारे में इसीलिए सब्जेक्ट में देखो दो डेफिनेशन मैंने लिखी है वहां पे कि एक तो काम करने वाला डुअर ऑफ एक्शन और दूसरा क्या जिसके बारे में बात हो रही है तो किसके बारे में बात हो रही है नीतीश के बारे में ये हो गया सब्जेक्ट और इधर लगा है डॉक्टर डॉक्टर भी नाउन है नाम है एक प्रोफेशन का कॉमन नाउन है तो क्या इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं नहीं साहब क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब का होता है एक्शन वर्ब का होता है इसीलिए क्या बोला गया रिसीवर ऑफ एक्शन वो ऑब्जेक्ट है तो यहां पे कोई एक्शन वर्ब है क्या इज नहीं इज कोई एक्शन वर्ब नहीं है भाई लिखना पढ़ना बोलना खेलना दौड़ना रोना हंसना ये सब एक्शन है इसमें कुछ एक्शन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं कुछ एक्शन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं जब मान लो होल्ड है ग्रैब है तो ये बिना ऑब्जेक्ट के तो काम नहीं चलेगा ना इनका क्या होल्ड किया तुमने क्रिया ग्रैब किया यू ग्रैब द कॉलर ऑफ समवन यू ग्रैब द कॉलर ऑफ समवन किसी का कॉलर पकड़ लिया राइट यू ग्रैप द हैंडल बार तो कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको हम इन वर्ब बोलते हैं तो खैर यहां पे कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं तो और ये डॉक्टर किसकी इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है सब्जेक्ट है नितेश नितेश की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा ये पी एल ई लिखा हुआ है और इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कंप्लीट सभी स्पेलिंग जानते हैं कंप्लीट का मतलब पूरा क्योंकि एक होता है कॉम्प्लीमेंट उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट देखो बोलने में भी छोटी ई की मात्रा आ रही है क्योंकि पी एल आई होता है वो वो कॉम्प्लीमेंट होता है और ये कॉम्प्लीमेंट है पूरक जिसको कहते हैं मैथ्स में भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं जिसको पूरक कोण कहा जाता है पूरा जो नाइनटी पूरा कर दे तो अगर सिक्सटी डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थर्टी डिग्री हो जाएगा एनी anyway, वे अब अगला जो काम है नाउन का वो है ऑब्जेक्ट का उसके बाद मैंने एक और नाउन लिख दिया एक्सपर्ट वो नाउन है आर्टिकल उसके पहले लगा है ये एक्सपर्ट किसको कहा जा रहा है मुकेश को कहा जा रहा है तो मुकेश क्या है ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करे उसके लिए अगर कोई नाउन का इस्तेमाल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां नितेश की बात हो रही थी तो ये नितेश सब्जेक्ट था सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया अगला सेंटेंस है सी सिटिंग बिसाइड भावना जो कि हमारे पांचवें रोल ऑफ नाउन के दिखाने के लिए है ऑब्जेक्ट ऑफ तो प्रेपोजिशन की परिभाषा क्या है प्रेपोजिशन, प्री पहले जो हो किसके नाउन या प्रोनाउन के नाउन प्रोनाउन के पहले पोजिशन हो के, उसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या बताता है उसका संबंध इसीलिए हिंदी में कहते हैं इसको संबंध बोधक अव्यय और अभी आप ताजा ताजा ज्ञानी हुए हैं अब आपकी डेफिनेशन बड़ी हो गई आपको पता है कि प्रपोजिशन सिर्फ शब्द के पहले नहीं लगता फ्रेज के पहले भी लग सकता है और क्लॉज के पहले भी लग सकता है अभी हमने जो एक सेंटेंस के एनालिसिस की है उसमें आपने देखा सब प्रपोजिशन के बाद ही लगे थे तो उसके बाद क्लॉज लग गया तो उसको नाउन क्लॉज इसीलिए बोलेंगे हम एनी वे तो यहां लिखा है सिया इज सिटिंग बिसाइड भावना सिया जो है वो भावना के बगल में बैठी है तो बिसाइड क्या है प्रपोजिशन है भावना क्या है नाउन है तो भावना और सिया के बीच का जो रिलेशनशिप है सेटिंग के अंदर बैठने के अंदर वो कौन सा शब्द बता रहा है बिसाइड बिसाइड अगर मैं इसी की जगह पे बिफोर कर दूं तो भावना जो है वो सिया के सामने बैठ जाएगी तो ये काम होता है प्रपोजिशन का पहले पोजिशन हो गया और इसीलिए प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन जैसे वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहते हैं उसी तरीके से मैं नाउन के साथ देखो प्रोनाउन भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है यानी नाउन का जितना काम है वो प्रोनाउन भैया भी करेंगे कल उनकी बात करेंगे हम प्रोनाउन की आज नाउन की ही बात हो पाई कोई बात नहीं कोई जल्दबाजी नहीं मैंने इसीलिए कहा ये पांच से छह क्लास की इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी भर के कचरे को साफ कर जाएगी एंड यू विल यू विल फील वेरी लाइट एक्चुअली पढ़ने में और बहुत हल्का फील करोगे आप लंबे लंबे सेंटेंस जिनसे दूर भागते हो ना आपको लगता है कि ये पढ़ाई भी ऐसी होगी कि अच्छा कुछ रट लेंगे कुछ चैप्टर कर लेंगे कुछ वेरी ऐसे नहीं चलती बात भाई मैं कल भी वही बात आपसे कह रहा था इट्स नॉट अ स्कूल का एग्जाम और ऐसा भी नहीं कोई बहुत ऊंची चीज पढ़ रहे हो बातें वही हैं जो हमारी हमें पंद्रह साल तक पता होनी चाहिए थी ग्रामर की अगर मैं बात करूं नहीं पता है ठीक है उस समय रटी तुक्का मारा जैसे भी था अब उसी को समझ रहे हैं समझाने के लिए एक इंसान खड़ा है हैंड होल्डिंग करके एक एक उंगली पकड़ के एक एक शब्द समझा रहा है आपको क्या दिक्कत है आप प्यार से समझिए आप कि वो अपने अंदर खुद बदलाव महसूस होगा हो। तो यहां पर बात समझ में आ गई ये आपका प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हां जी. पांचों रोल सबको क्लियर हो गए. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की परिभाषा आपको बता दी आ, उसमें अगर अधूरा पन था तो वो अधूरा पन आपका पूरा हो गया आज तक अगर हम सिर्फ ये समझते थे कर्ता और कर्म काम करने वाला और काम का परिणाम भुगतने वाला होता काम का परिणाम भुगतने वाला भी नहीं बहुत सारे लोगों को तो ये कंफ्यूजन है कि वर्ब के बाद जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट है वो भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि भाई ऐसी गलत फहमी का शिकार हम ना रहें अब सपोज आ, मैंने यहां लिखा कि आ, सभी परफॉर्म्ड वेल well. सभी परफॉर्म्ड वेल well. तो यहां पे ये वेल क्या बोल दोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब तो है एक्शन वर्ब है वो परफॉर्म एक्शन वर्ब है लेकिन क्या वेल ऑब्जेक्ट है क्या नहीं वेल है एडवर्ब ऑफ मैनर सभी ने कैसे परफॉर्म किया उसकी बात हो रही है यहां पे उसकी बात हो रही है ऐसे मैंने लिखा कि इट अपीयर्स इट अपीयर्स ट्रू क्या ट्रू को यहां ऑब्जेक्ट बोल दोगे क्या आपने ये तो एडजेक्टिव है ये सही मालूम पड़ता है सत्य मालूम पड़ता है ट्रू या सिंपली यहां पे आपको ये वर्ब नजर आ रहे हैं तो ये वेल well जो है इस वर्ब के होने का तरीका बता रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर उसने कैसा परफॉर्म किया अच्छा परफॉर्म किया हाउ का जवाब है ये हाउ डिड शी परफॉर्म एंड इट अपियर्स ट्रू में इट प्रोनाउन है अपियर है प्रतीत होना मालूम पड़ना और अपियर को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब ये वर्ब में अभी आपको मैं बताऊंगा जब नाउन की चर्चा की ना हमने ऐसे प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब सबको ब्रशअप करेंगे पहले बस इनकी डेफिनेशन और इनका काम बाकी तो जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तब डिटेलिंग में जाते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव अभी बस ये है कि इनका डेफिनेशन और इनका काम समझ लें तो उसमें वर्ब की डेफिनेशन को समझाने में मैं इसकी बात करूंगा वैसे स्टेटिव वर्ब का मतलब जो स्टेट बताए कोई एक्शन नहीं ये इट जो प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव तो इसीलिए हमेशा स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आता है एडजेक्टिव तो वर्ब तो है अब जिसकी तो फिर बेचारा वो बच्चा कंफ्यूज होता है तो इसीलिए क्लैरिटी हो कि सब्जेक्ट है काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है ऑब्जेक्ट है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है जिसके ऊपर वो एक्शन अप्लाई किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है और जो रिसीव किया जा रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है एग्जाम्पल दे दिया शी अ पेन बचपन से पढ़ रहे हो तो मुझको दिया और क्या दिया एक पेन दिया तो जिसको दिया वो वही ऑब्जेक्ट वो होम का जवाब क्या दिया वो पेन दिया वो वॉट का जवाब हो गया और ये पांचों रोल्स आपको बता दिए क्लियर है सभी को आकाश पूछ रहे दिस बैच इज एन एफ फॉर यूपीएससी आकाश एब्सोल्यूटली फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन वेयर एवर दे आस्क गर वोकैबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस मैंने कल डिटेल्ड मैनर में आपको बता दिया है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए बाकी कुछ कुछ एग्जाम्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है जैसे मेरे बैच में टी जी टी वाले भी पढ़ लेते हैं पी जी टी वाले भी पढ़ते हैं अब डेफिनेटली मैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाता लेकिन अब वो पढ़ते हैं वो सलेक्शन के बाद मैसेज भी करते हैं अभी इंटरव्यूज वाले पैनल में भी था मैं तो बड़े सारे लोग एक तो ऑल इंडिया रैंक पता नहीं ट्वेल्थ थी एक मैडम की पी मध्य प्रदेश तो गाइडेंस तो हर तरह की है अब लेकिन कोई कहे कि मैं टीचिंग ये जनरल बैच है ये अब टीचिंग एग्जाम के लिए आपको लिटरेचर की ज़रूरत होती वो मैं नहीं पढ़ाता ठीक है नया कह रही सर इस तरह से कभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं देखो इस तरह से कभी नहीं किया वैसा नहीं किया जिंदगी को पास्ट में नहीं जीना चाहिए अपने वर्तमान के हालात देखें मैं मोमेंट में ही रहता हूँ वही पढ़ाने सिखाने की आपको कोशिश भी करता हूँ इसीलिए आपको नमूना भी दिखा दिया कि भाई देखो ये हालात हैं हमारे सब कुछ पढ़ने के बाद भी अखबार के एक आर्टिकल का एक सेंटेंस हमें मिलता है तो हम कई बार अपने आप को बड़े निरीह कंडीशन में पाते हैं कि यार आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से वी डोंट गेट दैट इफ आई आई एम वॉचिंग अ टॉक शो ऑन टेलीविजन ऑन इंग्लिश न्यूज चैनल ऑन अ बिजनेस चैनल देर आर फोर फाइव पीपल्स डिस्कसिंग ऑन अ सर्टन टॉपिक एंड वेल दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश आएम नॉट एबल टू गेट दैट most of the people feel that दैट is इज you know speaking in a fast pace. We are not going to get that. उसको process नहीं कर पाते हैं तो भारत अगर developing से developed होने की तरफ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं India story में दुनिया का belief बढ़ रहा है इतने बड़े मार्केट के तौर पे देखा जा रहा है इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं तो अगर आप लैंग्वेज में जो तौर से कैसी language लैंग्वेज है जो आपकी रेंज को बढ़ाती है इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्लियरिंग द पेपर माई अप्रोच ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट पेपर तो क्लियर करना बहुत आसान बात है वो तो बहुत प्यार से कर लोगे बट मैं थोड़ा वाइडर पिक्चर अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ हमेशा कि उनको इंपॉर्टेंस समझ आए हमारी जो मातृभाषा है वो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए उस पर कमांड होनी चाहिए आपने देखा भी पूरी क्लास में मैंने इंग्लिश अभी जाके बोली है ना लास्ट में अभी तो मातृभाषा पर कमांड बहुत जरूरी है बट द पॉइंट इज वॉट कि दैट विल लिमिट यू जैसे आप अपनी मातृभाषा या अलग अलग राज्यों से हम बिलोंग करते हैं तो उस भाषा में आपकी कमांड इंग्लिश नहीं तो आप उस राज्य में ही शायद सर्विसेज दे पाए लेकिन जब आप इस लैंग्वेज के साथ दो चार होते हैं योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इनहेंसेज वो कैबलरी कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट विल ट्रांसलेट इन टू योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल वेदर इट इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल और ओरल कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेर एवर वी आर वर्किंग वी हैव टू वर्क विद द पीपल ओनली लोगों के साथ ही तो काम करोगे आप कहीं पे भी काम करो किसी सेक्टर में काम करो तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको हमेशा तरजीह मिलेगी आप हमेशा बेहतर लेवल पे जाएंगे अभी मेरे एक स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ आठ साल से सर्विस में थे वो अभी जूनियर वो हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया दो ग्रेड पे से सीधे वो सोनी छियालीस ग्रेड पे सैंतालीस जो भी है उस ग्रेड पे में पहुंच पुलिस की जॉब करते और क्योंकि उनकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी थी तो वो हमेशा डीआईजी के साथ अटैचड रहे तो पॉइंट ये है ना कि उनके ऑफिस के साथ अटैच रहे क्योंकि उनको ट्रांसलेशन आता है लिखने आता है रिपोर्ट बना सकते हैं बहुत सारे कांस्टेबल नहीं बना सकते तो उनके पास वो तो पावर नहीं आएगी ना कि भाई डीआईजी के साथ अटैच है उसका एक अलग रुतबा होता है अब ऑफिसर्स के साथ तो पॉइंट ये है कि अगर आपने चीजें सीखी हुई हैं तो आप जहां पर भी हो ना वहां आपको इज्जत मिलेगी आपको वैल्यू किया जाएगा बिकॉज इट्स स्टिल अ बिग चैलेंज इन आवर कंट्री 90% परसेंट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली दिस इज द रियालिटी क्या कर सकते हैं तो आप पीछे ना रहें इसने कम फीस के अंदर इतना डिटेल्ड बैच हर एक चीज बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लियर करते हुए इसीलिए डिजाइन करता हूं मैं कि पिछड़े से पिछड़े इलाकों के जो बच्चे जो जिनको दिक्कत है परेशानी और सारे बच्चे जुड़ते हैं तो बताते ही है कुछ 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 कुछ, कुछ परिवारों में वो बच्चे पहली जनरेशन है जो पढ़ने वाले हैं या उनके पहले पांचवी सातवीं क्लास पढ़े या खेती किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं नहीं एक्सपोजर का लेवल है तो उन बच्चों को इसीलिए इस फाउंडेशन बैच का जन्म हुआ है मेटॉर uh, टीचर ये मेरी जिम्मेदारी कि मेरा स्टूडेंट कौन है किस बैच के लिए वो कितना फंसा हुआ है बेचारा उसको कैसे निकालना धीरे धीरे तो इसीलिए आप निश्चिंत भाव से बैच में जुड़िए निश्चिंत भाव से पढ़िए चीजों को समझिए अपने आप आनंद की अनुभूति होगी ठीक तो चलिए जहाँ पे कल हमने खत्म किया था वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं ग्रामर प्राइमर की शुरुआत कर दी थी हमने और पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे थे नाउन का काम हमने देख लिया था कि नाउन अलग अलग जो रोल्स में आता है वो कौन कौन से हैं तो पांच तरह के रोल में नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का पूरक ऑब्जेक्ट का पूरक और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये पाँच तरह के रोल में नाउन हमें नज़र आता है सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है या जो काम करने वाला है ऑब्जेक्ट कौन होता है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है या जो रिसीव किया जा रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट होता है और अब हमें बात करनी है किसके बारे में प्रोनाउन के बारे में नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें बिकॉज हम ये सारा प्रयोजन ये सारी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि हम किसी भी आर्टिकल के अंदर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाए तो आइडेंटिफायर ऑफ नाउन जो होता है वो कौन है वो यही तीन शब्द हैं कि भाई इनके जरिए जब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब में जो कुछ मिलेगा वो आपका नाउन होगा ठीक है अब आओ अगले पे कदम बढ़ाते हैं दैट इज प्रोनाउन ये कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था इनके बारे में बाद में फिर बात करेंगे जब सब कुछ पढ़ लेंगे तब तो भाई आइए प्रोनाउन की बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है वो शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता हो ठीक है तो ये डेफिनेशन सभी ने बड़ी प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन बट वाई इज़ इट सो तो? आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि हमें नाउन की जगह कोई इस शब्द इस्तेमाल करना है तो वो इसलिए कि नाउन के बार बार इस्तेमाल से हम बच सकें अब जैसे किसी का नाम सपोज छः शब्दों का हो जैसे बड़े बहुत बड़े बड़े, बड़े नाम होते हैं ना साउथ में भी आ, कुछ राज्यों में तो वो तीन पीढ़ियों के नाम एक नाम में होता है तो उसमें क्या है हरिहरन साहब जो हैं हरिहरन हरन सिंगर तो उनका नाम काफ़ी बड़ा है एक बार वो कपिल शर्मा के शो में आए थे तो उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था तो अब अगर उस तरह के नाम हो और पूरा नाम कोई लिखे तो हर सेंटेंस में वो छः छः शब्द को सब्जेक्ट के तौर पे लगाना पड़ेगा लोगों को वो वर्ड लगेगा ही नहीं वो फ्रेज लगेंगे तो इसीलिए लिए यह है कि आपने एक बार नाउन का जिक्र कर लिया उसके बाद आप प्रोनाउन लगा लीजिए ही शी दे वी जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं आप तो ये है प्रोनाउन का प्रयोजन अब काम क्या करता है प्रोनाउन तो भाई नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो नाउन का काम करेगा ही यानी प्रोनाउन भी नाउन के रोल निभाता है बट प्रोनाउन की डिस्कशन uh, में मैं इंट्रो क्लास में प्राइमरी क्लास में ये जरूर कुछ सेंटेंसेस देता हूँ और उसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ आपके लिए भी लिख देता हूँ मैं माइन इज अ डिफरेंट अप्रोच Yours was a different take on this topic. Hers is a beautiful watch. Ours are three companies operating in reality sector. एंड आवर्स इज अ ग्रेट नेशन अब ये पांच वाक्य हैं नीजर फाइव सेंटेंसेस आपको पूछा जाए इसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं तो आपको क्या लगेगा आप कॉमेंट नहीं कर पाएंगे बट फिर भी मैं आपको थर्टी सेकेंड का टाइम अभी देता हूं आप जरा इनके बारे में सोचें क्या लग रहा है फिर आपका जो भी मन बनेगा वो आप तक ही पता होगा कोई बात नहीं ज ए डिफरेंट अप्रोचरेंट टॉपिक रियलटी का मतलब रियल इस्टेट सेक्टर ग्रेट ने तो देखो जिन्हें नहीं क्लैरिटी है उन्हें यह पहली नजर में ये सेंटेंसेज गलत लगते हैं हर बैच की यही कहानी है करीब करीब फिफ्टी सिक्सटी परसेंट लोग ये कहते हैं कि सर सारे इनकरेक्ट हैं तो सही वाले भी होते हैं बट ज्यादातर लोग गलत होते हैं तो यहां पे क्या है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट हैं यहां पे माइन शब्द का इस्तेमाल हुआ है योर्स का हर्स का आवर्स का राइट ये चार वर्ड मैंने टिपिकली यूज किए हैं एक में आवर्स के साथ प्लूरल गया हूं एक में आवर्स के साथ सिंगुलर गया हूं अब ऐसा नहीं कि ये शब्द आप पहली बार देख रहे हैं आपने जरूर ये सेंटेंस बचपन में लिखा होगा पढ़ा होगा कि दिस इज माई हाउस दिस हाउस इज माइंड आपने सभी ने लिखा पढ़ा है ये भले ये ना जानते हुए कि ये माइन क्या है अगर पूछ लिया जाए कि वॉट इज द डिफरेंस तो कई बार ये जवाब आ जाता है कि सर एक ही बात को कहने के ये दो तरीके हैं मुझे इस पे एक घटना की याद आ जाती है जिसपे मैंने सेंटेंस में लिखा है हर्स इज अ ब्यूटिफुल वॉच आज से कुछ कुछ छह साल पुरानी घटना है ये आई वॉज वर्किंग इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम एंड उसमें दिक्कत क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी करियर पावर थी जो जिसका ऑनलाइन विंग अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन है तो सब चीज़ तो पब्लिक डोमेन में ही है तो मैं उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और उन्होंने एक फैकल्टीज़ के लिए एक ड्राइव चलाई थी कि मतलब देश भर से जो लोग फैकल्टी बनना चाहें अलग अलग शब्दों विषयों के लिए तो इंग्लिश के लिए भी कुछ पचास के करीब लोग आए थे और उनका पहले एक रिटर्न टेस्ट था रिटर्न टेस्ट के बाद आ, कुछ सात लोगों को उन्होंने फ़िल्टर आउट किया था सात से आठ लोग थे उसमें और बाकी लोग रिटर्न टेस्ट में ही जो क्राइटेरिया थी कि भाई तीस मिनट में पचास क्वेश्चन करने हैं और फिफ्टी से ज़्यादा मार्क स्कोर करना है उसमें वो नहीं कर पाए तो उनकी तो वहीं पर फिल्ट्रेशन हो गई ये सात लोग मेरे सामने लाए गए डेमो के लिए तो उस समय ऑफलाइन क्लासेस थी तो क्लास के बाद दो क्लासेस के बीच में समय था कुछ एक घंटे का तो उस दौरान डेमो के लिए मैं गया उनमें डेमो में छह सर लोग थे एक मैडम थी सबसे पहले मैडम को ही बुलाया मैंने और उनको कहा कि ये मैम बताइए क्या पढ़ाना चाहती हैं आप तो वो वॉयस पढ़ाने लग गई वो जैसे स्कूल में टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल अपने लेक्चर प्रिपेयर करके लेके जाते हैं ना बिल्कुल उस पैटर्न में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर इट्स नॉट अबाउट कि मगिंग अप वहाँ पे बड़ी क्लैरिटी चाहिए ये नहीं कि आज ये सारा लेक्चर तैयार कर गए वही मैंने कहा ठीक है मैम रुकी आप वो पूरा रूल वूल बताने लग गई मैंने सिंपली कहा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था मैंने ऐसे ही सेंटेंस उनको बोला कि लिखो आप दिस इज़ माई वॉच दिस वॉच इज़ माइन उन्होंने लिखा घड़ी पहनी हुई थी उन्होंने रिस्ट वॉच और मैंने उनको पूछा कि मैडम इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि सर एक ही बात को कहने के ये दो तरीके हैं और तब मैंने कहा कि आप एक सेंटेंस और लिखो माइन इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच माइन इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच अब यहाँ पे हमने हाउस लिखा है तो चलो उसी को हाउस ही कर देता हूँ मैं अब उन्होंने लिखा माइन इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच फिर मैंने उनको पूछा कि मैडम इस सेंटेंस के बारे में आपकी क्या राय है दस सेकेंड का पॉज लिया और फिर उन्होंने कहा कि सर ये सेंटेंस गलत है और बाकी छः सर लोग जो भी आने वाले थे उन लोगों से भी मैंने पूछा कि सर आप लोगों की क्या राय है तो उन्होंने भी गलत करार दिया उनको लगा मैडम गलत कह रही तो गलत ही होगा तो वही चीज़ इधर भी नज़र आती है ज़्यादातर बच्चे अब अब वहीं पर डेमो हो गया मैंने खैर उनको वहीं पर ख़ारिज कर दिया कि भाई एक स्टूडेंट अगर गलती करे तो बर्दाश्त है लेकिन आप टीचर बनने के लिए दावा कर रहे हैं आप डैश के इस तरफ रहेंगे तो आपको क्लैरिटी बहुत चाहिए तो वो भी तो बेचारा ऐसे ही बचपन से तो पढ़ा था उसने लेकिन अभी माइंड जब उसको मिलता वहां पे तो उसके उसको समझ नहीं आता ये क्या है कितने तो ऐसे मासूम लोग हैं जो आवर्स में और यस में आप भी लगाते हैं आप में से भी कई लोगों को ये समस्या होगी तो कोई बात नहीं वो समस्या कुछ हद तक दूर हो जाएगी यहीं पर बाकी जब प्रोनाउन का चैप्टर हम करेंगे तब और डिटेल्ड मैनर में बात होगी तो देखो यहाँ पे भी ये तीनों के तीनों सेंटेंसेज बिल्कुल करेक्ट हैं फटाफट समझ लीजिए क्या कहानी है माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है पजेसिव का साथ मेरा है तो हाउस नाउन नाउन के पहले उसको पजेसिव प्रो नाउन होता है ठीक है थीके? और प्रोनाउन है तो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा नाउन की जगह इस्तेमाल होगा तो नाउन वाला काम करेगा नाउन के काम आपने कल ही देखे ताजे ताजे पांच तरह के काम तो उस काम में एक काम तो यहां करता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये यह पजेसिव प्रोनाउन कौन सा रोल निभा रहा है सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है भाई वर्ब से पहले लगा है तो सब्जेक्ट है यहां पे कौन सा रोल निभा रहा है ये ऑब्जेक्ट तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि यहां पे कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं तो ये ये क्या है एक्चुअली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का पूरक है और डेफिनेटली नाउन अगर सब्जेक्ट का पूरक बनता है तो प्रोनाउन भी बनेगा और फिर पॉइंट ये है कि इस माइंड में छुपा क्या है तो इस माइंड में छुपा है माई हाउस माई हाउस ये छुपा हुआ है यहां भी इस माइन में क्या छुपा है माय हाउस छुपा हुआ है अब पॉइंट ये है कि माय हाउस हाउस है क्या तो माय हाउस है आपका नाउन फ्रेज माय हाउस क्या है नाउन फ्रेज है जहां पे माय एडजेक्टिव कल भी थोड़ी सी बात की थी और हाउस नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज बन गया यहां भी वही बात अप्लाई हो रही है यह भी क्या है नाउन फ्रेज और अब आपको समझ में आया कि अगर यह नाउन फ्रेज है तो इसकी रिप्लेसमेंट में कौन आएगा प्रोनाउन ही तो आएगा तो अब हमारे ज्ञान की वृद्धि कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पे इस्तेमाल होता हो क्योंकि आप उस एक शब्द के जरिए पूरे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अब यहां पे क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव लगा है माई हाउस माई हाउस तो उसको रेफर करने के लिए क्या आएगा पजेसिव प्रोनाउन आएगा और प्रोनाउन हमने इसीलिए इजाद किया कि भाई नाउन के बार बार इस्तेमाल से बच सके तो माय हाउस की जगह पे अगर माइन लिखने से काम चल रहा है और ये अंडरस्टूड भी है कि इस माइन के अंदर हाउस छुपा हुआ है क्यों क्योंकि इधर हाउस का जिक्र है इधर हाउस का जिक्र है तो वो अंडरस्टूड हो गया कि इस माइन में हाउस छुपा हुआ है तो माइन इज अ ब्यूटीफुल हाउस इसको अगर ओपन करोगे तो इसमें क्या छुपा है माई हाउस इज ब्यूटीफुल हाउस मेरा घर एक सुंदर घर है तो मेरा घर कहने के बजाय माय हाउस दो शब्द लिखने के बजाय ना उन फ्रेज लिखने के बजाय हमें प्रोनाउन से काम चल जा रहा है और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है हमारे इन सभी सेंटेंसेस में ये जो परेसी प्रोनाउन है ये कौन सा काम करते हुए नजर आ रहे हैं ये सब्जेक्ट है सब के सब सब्जेक्ट हैं तो बचपन से परिभाषा तो पढ़ ली कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है लेकिन काम पर कभी फोकस किया नहीं अपन ने फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ ग्रामर पर हमारा ध्यान रहता नहीं उतना रटने वाले में फिर समझने की गुंजाइश कभी रही नहीं तो इसलिए ये दिक्कत आती है तो आज वो दिक्कत आपको दूर हो गई तो अगर मैं पूछूं यहाँ माइंड में क्या छुपा हुआ है तो यहाँ माइंड में छुपा है माई अप्रोच माई अप्रोच ठीक है माइंड माई अप्रोच इधर योर्स में क्या छुपा हुआ है योर्स वॉज अ डिफरेंट टेक ऑन दिस टॉपिक तो योर टेक यानी तुम्हारा नजरिया तुम्हारा व्यू पॉइंट तो योर टेक की जगह पे योर्स कर दिया आपने तो वो अंडरस्टूड है कि इसमें योर टेक है क्योंकि हम बात इसमें टेक की कर रहे हैं यानी इस टॉपिक को लेकर के तुम्हारा नजरिया अलग था yours was a different take on this topic hers is a beautiful watch अब यहां पे ये हर्ष क्या है दिस इज हर वॉच इज अ ब्यूटीफुल वॉच हर वॉच इज अ ब्यूटीफुल वॉच ठीक है हर इज अ ब्यूटीफुल वॉच में हर वॉच इज अ ब्यूटीफुल वॉच अब इधर देखो ये क्यों आर और इज लगाया है क्योंकि हमारे मन में आएगा यार आवर का मतलब तो हमारा होता है ये तो वी से निकलता है वी का मतलब हम हम तो प्लूरल है तो यहां आर लगेगा कि इज लगेगा तो अगेन जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक मासूम बच्चा जिस तरह से सोच सकता है बेचारा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि उससे आपके कन्फ्यूजन दूर हों तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि ये पजेसिव प्रोनाउन है इस प्रोनाउन में जो नाउन छुपा हुआ है ना वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा अब देखो आवर्स आर थ्री कंपनीज तो अब इसमें कंपनीज लिखा हुआ ना तो इधर कंपनीज की तरफ इशारा आवर कंपनीज आवर कंपनीज तो कंपनीज कंपनील हो गया तो इसलिए यहां पे आर हो गया यहां पे देखो अ ग्रेट नेशन की बात हो रही है एक की बात हो रही है तो इसमें क्या छुपा हुआ है आवर नेशन छुपा हुआ है और ये हर पदेसी प्रोनाउन के ऊपर अप्लाई होता है राइट right? अब जैसे मान लो कोई कह रहा है कि माइन आर एक्सेलेंट कार्स तो आपको समझ में आ गया कि माई कार्स आर कार्स किसी के पास अच्छी कार कलेक्शन है तो क्योंकि तो उसके पास कई कारें कारें हैं तो तो मेरी कारें, माई कार्स तो आर लगेगा ही लगेगा ही ऐसा नहीं कि माइन मैं की बात कर रहा था सिंगुलर हो गया उसमें ये देखोगे उस माइन वो माइन पजेसिव प्रोनाउन है उस पजेसिव प्रोनाउन में नाउन छुपा हुआ है वो नाउन कैसा है इसके ऊपर कहानी चलती है तो यहाँ कंपनीज की बात हो रही है सावर्स के जरिए तो प्लूरल यहाँ एक नेशन की बात हो रही है तो सिंगुलर यहाँ माइन के साथ एक की बात हो रही है अ अ आप देख रहे हो लगा हुआ है ना अ लगा हुआ है इसीलिए सारे वर्ब क्या है सिंगुलर है अगर यहाँ पे नाउन को प्लूरल होता तो वर्ब कैसे होते प्लूरल होते तो इतनी कहानी है बाकी प्रोनाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो केसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं केसेस पे चलते हैं तो उनको हम देखेंगे एक छोटा सा कंफ्यूज़न और होता है मैं ध्यान आकर्षित करूँ आपका अभी या रहने दूँ एक तो थोड़ा कमेंट करते तो मज़ा आता हो नहीं पा रहा है चलो बाद में ही बात करेंगे तो अभी प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है पहचान तो वैसे भी आसान है ही शी इट दे देम हिम हर तो इनको पहचानना कोई खास मुश्किल नहीं होता यह वाली एक दिक्कत की एरिया था तो आपको अभी यह बात समझ आ गई कि ये जितने हैं ये है। आवर्स एस लग रहा है आवर्स योर्स ये सब पजेसिव प्रोनाउन हैं माइन uh, और माई आवर योर जिनके तुरंत बाद आपको नाउन लगाना पड़े तो माई माई कंट्री आवर कंपनी योर ऑर्गेनाइजेशन हिज कार हर बुक राइट देयर ऑर्गेनाइजेशन इट्स कलर तो आप देखिए जितना मैंने बोला इन सबके बाद तुरंत नाउन आ गया तो नाउन आ गया तो वो सब एडजेक्टिव है माइन के बाद कभी नाउन नहीं मिलेगा माइन कार योर्स बुक आप नहीं बोल सकते तो माइन के माइन योर्स प्रोनाउन है ये प्रोनाउन है तो या तो सब्जेक्ट का काम करेंगे जैसे तो आपने ऐसा लगा लिया या ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, का काम करते हैं पूरक का, का काम करते हैं अभी इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है जाओ एडजेक्टिव के ऊपर अब एडजेक्टिव अभी जिन दो की चर्चा हुई उसकी विशेषता के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है अब यहां पे जो सबसे बड़ी ये गलतफहमी होती है वो इस तरह की होती है जैसे मैंने अगर कहा कि शी इज इंटेलिजेंट एंड शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी शी इज इंटेलिजेंट एंड शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी अब इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है लेडी जो शब्द है ये नाउन है इंटेलिजेंट मैं पूछूं कहाँ एडजेक्टिव है तो दोनों में एडजेक्टिव है जब भी एडजेक्टिव से एंड होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और जब भी एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट्स द डिफरेंस ठीक है तो क्लास में पूछो कि कौन से सेंटेंस में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो अगेन 80% 75 80% लोग कहते हैं सर दूसरे वाले सेंटेंस में यानी जब नाउन से पहले आ रहा है तभी वो एडजेक्टिव कहते हैं इसको एडजेक्टिव नहीं कहते जबकि बचपन से परिभाषा तो वही पढ़ रहे हो कि विशेषण वो शब्द है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए तो ये इंटेलिजेंट इस शी प्रोनाउन की विशेषता ही तो बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है क्यों गले के नीचे नहीं उतरता तो अगेन कुछ कुछ हैं ऐसे ही फंडे हमारे तो अब आज से ये ध्यान में रख लीजिए कि जब भी किसी सेंटेंस का एंड एडजेक्टिव से हो तो आप उसको क्या बोलोगे उसे प्रेडिकेटिव बोलोगे जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट की हम बात करते हैं ना तो प्रेडिकेट हमेशा लेटर पार्ट होता है यानी सब्जेक्ट को छोड़ कर जो भी कुछ लिखा उसको प्रेडिकेट कहा जाता है तो वहां से याद रख लो कि जब एंड हो अब मैं बोलूं दिस मार्कर इज ब्लैक ब्लैक से एंड हो रहा है ना इस मार्कर के कलर को बता करके इसको डिस्क्राइब कर रहा है ही इज ऑनेस्ट शी इज ब्यूटिफुल तो ये क्या है ये सब एंड हो रहे हैं एडजेक्टिव से ही इज वेरी डिलीजेंट डिलीजेंट से एंड हो रहा है फूड इज डिलीशियस डिलीशियस से एंड हो रहा है तो ये सब क्या हो गए यहाँ एडजेक्टिव से ही आप एंड कर रहे हैं तो इनको हम प्रेडिकेटिव बोलेंगे और जब ये नाउन के पहले आ गए डिलीशियस फूड इंटेलिजेंट गर्ल डिलीजेंट बॉय ऑनेस्ट एम्प्लॉई तो अभी पहले आ गए तो आप इनको क्या बोलोगे एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूट का मतलब होता है ट्रेट्स लक्षण कैरेक्टरिस्टिक राइट तो जब भी नाउन के पहले आए एडजेक्टिव तो उसे क्या कहा जाता है एट्रीब्यूटिव अब इसके पीछे कारण भी है कि क्यों ज्यादातर लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा पहले ही आता है उसका कारण ये है कि जब आप एडजेक्टिव के टाइप्स की बात करते हैं ना तो सिर्फ एक टाइप का एडजेक्टिव जिसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है जिससे ये इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल ऑनेस्ट या शेप बता दो कलर बता दो जैसे मैं बोलूं कि दिस दिस इज अ बिग रूम दिस इज अ बिग रूम और दिस रूम इज बिग तो दिस इज अ बिग रूम और दिस रूम इज़ बिग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि दिस रूम इज बिग जब हमने कहा तो वहां पे बिग से एंड कर लिया आपने और दिस इज़ अ बिग रूम में रूम से पहले बिग आ गया तो एक में एंड हो रहा है एक में पहले आ रहा है जहाँ एंड हो रहा है उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव जहाँ पहले आ रहा है वहाँ एट्रीब्यूटिव तो साइज कलरशिप इनके लिए भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं तो ये दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं इसके अलावा जितने भी टाइप्स हैं चाहे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करो यानी किसी भी नाउन के पहले लग के जो क्वांटिटी बताए तो आप ये तो नहीं बोलोगे गिव मी वाटर सम आप क्या बोलोगे गिव मी सम वाटर मुझे थोड़ा पानी दो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है गिन नहीं सकते दो पानी पांच पानी तो वहां क्वांटिटी बताओगे या नंबर आई हैव फाइव बुक्स ठीक है तो फाइव बुक्स तो यहाँ पे क्या है बुक्स के पहले फाइव आ गया तो नंबर हो क्वांटिटी हो इवन uh, आपके डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस मार्कर इज ब्लैक तो मार्कर के पहले दिस आ गया डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पहले ईच आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव

सब के सब नाउन के पहले आते हैं तो सिर्फ़ एक टाइप का एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को छोड़ के बाकी सारे के सारे एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले ही आता है तो उस गलतफहमी आपकी दूर हो गई जो हमारे क्वालिटी वाले एडजेक्टिव हैं ये पहले भी आते हैं और आ, बाद में भी सेंटेंस के लास्ट में भी लगते हैं यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट नहीं भी बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट आप हमेशा नाउन के लिए ही इस्तेमाल करिएगा जबकि इंटरनेट पे आपको बहुत जगह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट का पूरक कह दिया जाता है कि भाई सब्जेक्ट को ही तो बता रहा है लेकिन फिर आप कंफ्यूज रहोगे ना कॉम्प्लीमेंट नाउन है अब हमने अगर ये कहा कि शी इज़ अ स्टूडेंट शी इज़ अ डॉक्टर शी शी इज़ इज़ अ साइंटिस्ट एन इंजीनियर तो स्टूडेंट इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट ये student, engineer, doctor, क्या है ये नाउन के शब्द हैं तो नाउन को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलो यहां पे ये यह डिस्क्राइब कर रहा है जब उसके लिए अलग शब्द है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं हम तो क्यों आप उसमें कंफ्यूज करोगे तो आगे से कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए ठीक है अभी इतनी इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव के लिए काफी है कि भाई इट डिस्क्राइब्स नाउन आर प्रोनाउन तो एडजेक्टिव यहां लिख भी देते हैं इसके लिए अलग छोटा सा डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन ये काम होता है एडजेक्टिव का अब चलो चलते हैं वर्ब की तरफ वर्ब क्या होता है वट इज वर्ब तो वर्ब की बात हो वर्ब क्या होता है तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड बोल देते हैं लोग तपाक से कि वर्ब कुछ और नहीं होता एक्शन वर्ड होता है अब ये एक्शन वर्ड बोल देना वर्ब के सभी गुण धर्म को अपने अंदर समाहित नहीं करता ऐसा नहीं कि हर तरह का वर्ब एक्शन की ही बात करता हो तो आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या काम है और क्या क्या नाम है देखो जब आप एक्शन वर्ड कह रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें वर्ब की तो वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग बताने का भी काम करता है और वर्ब साथ ही साथ आपको और किसकी इंफॉर्मेशन देता है वर्ब साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन देता है पजेशन की भी वर्ब ऑफ पजेशन और पता ये एक तरह से सेंटर में बैठा हुआ चैप्टर है जिसका लेना देना बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होता ही होता है कैसे सेंटर में बैठा हुआ है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन से इसका संबंध है नाउन प्रोनाउन बनते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट कैसा है उसी के ऊपर तो वर्ब डिपेंड करेगा कि भाई अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ तो उससे नाता रिश्ता है इसका फिर वर्ब का एक प्रकार जो स्टेट ऑफ बींग बताता है उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं एक्चुअली जैसे कि जो एक्शन वर्ड है ना इसको मेन वर्ब कहा जाता है ये मेन वर्ब है जबकि इसको क्या कहेंगे इसको हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे तो अब आपको भी पता है कि भाई वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है एडवर्ब क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण कि भाई कोई वर्ब कोई एक्शन कब हुआ आई मेट हिम यस्टरडे मैं उसको कल मिला तो मिलने का समय क्या था कल कोई एक्शन कहा हुआ कम हियर यहां आओ हियर क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है कैसे हुआ शी प्लेड वेल उसने अच्छा खेला कैसा खेला अच्छा खेला वेल well, क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है तो कोई भी काम को जो डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्शन कब हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ बारम्बार क्या थी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जिसको हम कहते हैं एक बार दो बार वंस ट्वाइस ऑलवेज हमेशा नेवर कभी नहीं तो जितने भी वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं वो एडवर्ब हैं तो यानी वर्ब का लेना देना तो एडवर्ब के साथ भी होगा और जो स्टेटिव वर्ब होते हैं जो स्टेट बताते हैं किसी भी चीज का चीज का मतलब नाउन और प्रोनाउन तो नाउन प्रोनाउन का जो स्टेट बताए जो उसको डिस्क्राइब करे जो उसकी अवस्था बताए वो तो एडजेक्टिव होता है तो स्टेटिव वर्ब्स को डिस्क्राइब हमेशा एडजेक्टिव करते हैं जैसे दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट स्वीटली नहीं स्मेल वर्ब है लेकिन स्वीटली नहीं लगाओगे आप स्वीट लगाओगे क्यों क्योंकि वो स्टेटिव वर्ब है आप गुजर रहे थे फूलों की महकाई आपने उसके बारे में अपना स्टेट बता दिया फूल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई यहाँ एक्शन नहीं हो रहा इस बात को समझिए आप खाना खा रहे थे खाने के बारे में अपनी राय दे दी आपने दिस फूड टेस्ट डिलीशियस डिलीशियसली नहीं ये वर्ब तो है लेकिन स्टेटिव वर्ब है ये खाने का स्टेट बता रहा है वो फूल का महक बता रहे हो आप वहां फूल कोई काम नहीं कर रहा खाना कोई काम नहीं कर रहा जैसे यहां काम कर रहा था शी प्लेड वेल तो फर्क समझिए शब्दों का लल्लू लाल की तरह एक ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट से सब कुछ नहीं चल जाता यहां फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर समझ रहे हैं आप कोई आपकी रटी रटाई डेफिनेशन पे नंबर नहीं देगा और कोई पूछ रहा है आपसे लेकिन समझ जरूर हो तो मैं बस आपको यही समझाने लग रहा था कि देखो भाई एडजेक्टिव से लेना देना है एडवर्ब से लेना देना है नाउन प्रोनाउन से लेना देना है अगला सबसे इंपॉर्टेंट टेंस को कौन डिसाइड करता है वर्ब ही तो डिसाइड करता है इज एम आर लगा हुआ है वर्ब तो आपको बताया वही प्रेजेंट है वॉज वर है तो पास्ट है हैज है तो प्रेजेंट है हैड है तो पास्ट है तो कौन बता रहा है ये ये तो आपको जानकारी कौन दे रहा है वर्ब दे रहा है तो वर्ब का लेना देना टेंस के साथ है वर्ब और टेंस अगर क्लियर है तो वॉयस और नरेशन आपके लिए बिल्कुल आसान होता है क्योंकि आप जानते हैं कि वायस और नरेशन जब हम पढ़ते हैं या हमें जब चेंज करना होता है एक्टिव से पैसे वायस या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन तो वहाँ वर्ब और टेंस के समझ की जरूरत पड़ती है ये सार नो जैसे आपको कोई भी सेंटेंस अगर पैसे वायस में लिखा है तो वहाँ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी ही राइट्स अ ब्लॉग अ ब्लॉग इज रिटन बाय हिम ही रोट अ ब्लॉग अ ब्लॉग वॉज रिटन बाय हिम

फिर उसी तरीके से जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस में बदलाव जो वर्ब है उसके टेंस में बदलाव कैसे होता है तो अगर रिपोर्टेड डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यही बदलाव होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो उसके वर्ब और टेंस के अंदर तो मेरा सिम, अब कुछ लोगों को शायद भूल भी चुका हो बचपन में पढ़ा था वॉयस नरेशन लेकिन जस्ट मैं इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं कि वर्ब और टेंस की अगर क्लैरिटी है तो देखो मैं सब चीज दिमाग में सारे चेंजेस कैसे होंगे एवरीथिंग इज इन माइंड बिकॉज हर एक चीज लॉजिकल पैटर्न में है तो अब तक आप तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि वर्ब जो चैप्टर है हमारा ये बड़ा बृहद चैप्टर है अब जैसे मैंने डेफिनेशन अभी जस्ट बता रहा हूं क्योंकि फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करनी तो मैंने तीन पॉइंट लिखे हैं अब जैसे यहां पे मेन वर्ब है तो मेन वर्ब भी होता है फिर हेल्पिंग वर्ब होता है फिर हेल्पिंग वर्ब में आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है और मॉडल्स होते हैं फिर मॉडल्स में भी पार्शियल मॉडल्स भी होते हैं नीड डेयर यूज टू उनकी कहानी अलग होती है

Like bring, brought, brought, तो इसको बोलते हैं फिर ट्रांजिटिव और इन सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया वो भी एक आधार है जिसके बेसिस पे आप करते फिर आपके पास और फाइनाईट वर्ब। फाइनाईट वर्ब और खैर कुछ नहीं होता मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं फाइनाइट का मतलब जो निश्चित किया जाए अपने सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा तो जैसे आप ही राइट्स बोलोगे और वहीं पे वी राइट बोलोगे या दे राइट बोलोगे आप वही वाली कहानी है तो इसको फाइनाइट कहा जाता है यानी मेन वर्ब ही फाइनाइट हुए क्योंकि वो वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग उनमें बदलाव होता है पास्ट में चले जाओगे तो आप रोट लिखोगे वहीं राइट की जगह पे लेकिन नॉन फाइनाइट वही जिनको आप एडवांस वर्ब बोलते हैं जिरंड इंफिनिटिव पार्टिसिपल फिर उनके यूसेज फिर इंफिनिटिव के डिफरेंट फॉर्म्स सिंपल इंफिनिटिव प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव आई वांट टू मीट हिम टू मीट सिंपल इंफिनिटिव हो गया

ऐसा प्रतीत होता है कि तुम पिछले एक हफ्ते से मेरा पीछा कर रहे हो अब इस बात को अंग्रेजी में कहना है कैसे कहोगे यू सीम टू हैव बीन 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 ऑन मी परफेक्ट तो ऐसे ही करते हो ना हैज प्लस प्लस बट इसमें टू लगा हुआ है क्यों क्योंकि सीम के बाद आ रहा है तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब के बाद आता है फिर इनके पैसिव फॉर्म्स फिर उधर आपका पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल तो वर्ब अपने आप में बड़ा बृहद चैप्टर है तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तो ज्ञान लेंगे ही लेंगे अभी मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज और अगर वर्ब पे कमांड है तो टेंस पे अपने आप कमांड हो जाएगी कई बार लोग सीधा टेंस शुरू कर देते हैं फिर टेंस शुरू करोगे करो तो वही बचपन वाली कहानी ती है ता है ते है करते रहो फिर फिर उम्र नहीं बढ़ती मतलब उम्र दिमागी उम्र वैसे तो उम्र बढ़ी गई पढ़ने के तरीकों में बदलाव लाओ आपको समझ आना चाहिए कि क्या कर रहा हूं मैं कहाँ बात चल रही है तो तब फिर आपको कुछ रटना नहीं पड़ता तो खैर एनी anyway, अभी हम इसी के ऊपर हैं फटाफट समझ लीजिए जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि, कि भाई क्या क्या रोल हैं इसके मेन वर्ब के ऊपर ही दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनीवे anyway, तो मेन वर्ब कितने तरह के बी वन बी टू बी थ्री बी वन में एस सी एस और वी वन प्लस आई एन जी ये पांच तरह के आपके मेन वर्ब की फंक्शनैलिटी है ठीक है अब v1 v2 v1 टू वी कहाँ लगाते हो भाई प्रेजेंट इंडेफिनट में लगाते हो v1 वन प्लस एस सी भी प्रेजेंट इंडेफरेंट में लगाते हो ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ व में एस लगेगा आई वी यू दे या प्लुरल नाउन के साथ की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे v2 सिर्फ पास्ट इंड डेफिनेट में लगता है v3 थ्री कहाँ लगता है तीनों टेंस के परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो फ्यूचर परफेक्ट हो या पैसेवाइस में किसी भी टेंस का पैसे वायस हो वी थ्री लगेगा वी वन प्लस आई एन जी कहाँ लगेगा तीनों टेंस के कंटिन्यूस में और तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस में

दिस प्रोजेक्ट अवी इज लीडिंग दिस प्रोजेक्ट अवी इज सिंसियर अवी इज सिंसियर अब दोनों में इज इस का इस्तेमाल हो रहा है पहले में इज को क्या बोलोगे आप पहले वाला जो इज है ना ये हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा क्यों क्योंकि यह लीडिंग जो की मेन वर्ब है उसके पहले आकर के सूचना दे रहा है उसके टेंस की टेंस डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है क्लास में ऐसे पूछ लो बेटा इज एम आर क्या होता छूटते ही बोलते हेल्पिंग वर्ब तो कल जो इस बात की मैंने चर्चा की थी कि ग्रामर इज ऑल अबाउट वर्ड प्लेसमेंट एंड वर्ड सिलेक्शन यार प्लेसमेंट पे चीजें डिपेंड करती हैं इस वाले इज को आप हेल्पिंग बोल सकते हो क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले लग करके इसके टेंस को डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है तब क्योंकि अगर इसी इज इस की जगह पे मैं वॉज लगा दूं तो अब हेल्थ बदल जाएगा अभी वॉज लीडिंग दिस प्रोजेक्ट अभी इस टीम को लीड कर रहा था ये पास्ट की बात हो गई अभी इज लीडिंग दिस टीम अभी इस टीम को लीड कर रहा है तो इज एम आर वाज वर को अब आगे से इस गलत फहमी के शिकार मत रहिएगा देखो ग्रामर फाउंडेशन में ही बेसिक तो हमारे क्लटर्स जो हैं कचरे जो हैं वो साफ हो जाएंगे कि ज एम आर वॉज वर्ग को आप हेल्पिंग तब बोलो जब ये किसी मेन वर्ब के पहले लग करके उसके टेंस को डिसाइड करने में हेल्प कर रहे हैं और टेंस कौन सा प्रेजेंट और पास्ट यही तो हुआ इज एम आर अगर लगा हुआ मेन वर्ब के पहले तो प्रेजेंट होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वॉज वर्ग लगा है तो पास्ट होगा ठीक है जब ये अकेले इस्तेमाल हो रहे हैं अब देखो इनके बाद मेन वर्ब नहीं लगा है। ये सिंसियर क्या है अभी पीछे आप एडजेक्टिव में पढ़ के आ रहे हो ना शी इज ब्यूटिफुल यहां पे ही अभी सिंसियर तो सिंसियर एडजेक्टिव का शब्द है जो कि अभी इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है और नाउन को डिस्क्राइब करने में नाउन का स्टेट बताने में मददगार कौन साबित हो रहा है ये इज तो अब हम इस इज को क्या बोलेंगे ये इज कहा जाएगा स्टेटिव वर्ब ये यह यहां पे स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है ये स्टेट बताने में मदद कर रहा है तो दूसरा ज्ञान आप तक क्या पहुंचा कि अब आगे से अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर के बाद कोई एडजेक्टिव लगा होगा और कोई हमसे पूछे कि भाई ये किस तरह का वर्ब है तो आप उसको स्टेटिव वर्ब बोलोगे क्योंकि एडजेक्टिव लगा है एडजेक्टिव का मतलब वर्ब से पहले जो नाउन प्रोनाउन है ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है अब जैसे यहाँ पे अवीर सिंसियर ठीक है शी वॉज इंटेलिजेंट इन हर स्कूल टाइम्स शी वॉज इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव है स्ट्रांग वे स्ट्रांग थे ठीक है। के बाद adjective आया। वो अगेन उसको helping नहीं बोल दोगे। बट वर फाइटिंग कहीं लिखा हुआ है वे हमसे लड़ रहे थे तब आप वर को हेल्पिंग बोलो क्योंकि अब उसके बाद फाइटिंग जो है वो आपका मेन वर्ब है वर फाइटिंग विद काइंड ऑफ क्लैरिटी सपोज टू अगर इन वर्ब के बाद इसको इसीलिए हम बी फॉर्म का वर्ब बोलते हैं बी का मतलब होना उसी होने से सेमारॉज वर निकलता है तो अगर इनके बाद कोई एडजेक्टिव आया तो इनका नामकरण हो जाता है स्टेटिव अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आया तो आप इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं तो काम के आधार पे नाम है ठीक है अब अगर मैं स्टेटिव वर्ब की बात करूं और तो इट सीम्स ट्रू या ट्रूली इट appears करेक्ट और करेक्टली क्या लग रहा है आपको दिस फूड टेस्ट delicious. ठीक है अब वही बात जिसको नहीं समझे वो कहेगा सर ये तो वर्ब है वर्ब को तो एडवर्ब करता है तो अभी खैर यहाँ पे मैंने च्वाइस ही नहीं दी आपको चलो दे ही देता हूँ यहाँ पे डिलीशियसली भी कर लो उस लिहाज से तो वही बात कि अब आप समझदार हो गए अभी इसी लेवल पे आपको पता लग गया कि भाई ये सारे के सारे जो वर्ब हैं हमारे ना ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं ये अच्छा फूड को हम गलत सर्कल में ले आए ये जो है अपीयर सीम और

फील स्मेल साउंड राइट ये सब स्टेटिव वर्ब है क्योंकि आप उस चीज के बारे में अपनी राय जो है वो दे रहे हैं ठीक है बात समझ आई तो स्टेटिव वर्ब की बात हो गई और अब लास्ट जो है वर्ब ऑफ पोजिशन इसमें क्या बात होती है यहां पे बात होती है इनकी ये तीन जो हैज हैव और फिर हैड और हैड अब इनमें पॉइंट ये है कि ये तीनों मेन वर्ब ऑफ पोजेशन भी होते हैं जो रखने के लिए आपको सूचना देते हैं साथ ही साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं तो बड़े सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है अब उनको वो वाली गणित लगा लेते हैं कि जैसे अभी सर ने बताया कि इज एम आर वाज वर जब किसी मेन वर्ग के पहले लगे हो तो उनको हेल्पिंग बोलते हैं अदरवाइज स्टेटिव बोलते हैं तो भैया स्टेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बी फार्म के वर्ब हैं बी का मतलब होना कोई चीज़ कैसी है ज हैव स्टेटिव थोड़े गैद हो गए आपके अगर ये मेन वर्ब के पहले लगे हैं तब तो हेल्पिंग वर्ब है तब तो हेल्पिंग वर्ब है।, तो है उसमें तो कोई दिक्कत डाउट है ही नहीं किट है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है ही हैजन दिस देव डन दिस और ही हैड प्रजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट इन तीनों के बाद डन लगा यह तब तो हेल्पिंग है। लेकिन जब अकेले हैं तब इनको स्टेटिव नहीं बोलोगे तब ये वर्ब ऑफ पोजिशन होते हैं रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फटाफट सेंटेंस लिख लेते हैं क्लैरिटी भी है आ जाएगी हमें So, अगर आपने ये कहा कि आई हैव परचेज अ न्यू बुक ऑन इकोनॉमिक्स I have a new book on economics. ठीक है तो इधर क्या देख रहे हैं आप पहले वाले में हैव जो है ये क्या कहा जाएगा दिस विल बी कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब क्योंकि परचेज यहां पे क्या है एम वी मेन वर्ब और इधर हैव जो है ये मेन वर्ब ऑफ पजेशन है कि मेरे पास है ठीक है और क्या है तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होगा आई हैव अ न्यू बुक तो न्यू बुक अगेन आपका क्या हो गया नाउन फ्रेज हो गया अब खैर मैंने अभी फ्रेज की डेफिनेशन आपको नहीं बताई है इस सेशन के अंदर बट उतनी समझ कल दे दी थी कि भाई शब्दों का समूह अगर नाउन का काम कर रहा हो जिसके पास अपना कोई वर्ब ना हो तो नाउन का काम कर रहा है आर्टिकल लगा है आर्टिकल तो भाई नाउन या नाउन फ्रेज के पहले ही लगेगा तो मेरे पास एक नई किताब है इकोनॉमिक्स पे तो ये मेन वर्ब ऑफ पजेशन हो गया तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए ठीक है कि भाई हैज हैव हैड को हेल्पिंग तब बोलो जब उनके बाद मेन वर्ब हो अदरवाइज अगर वो अकेले इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहां पे आप उनको क्या कहेंगे क्या नाम देंगे दैट इज मेन वर्ब ऑफ पजेशन अब आपको याद आ रहा होगा पहली सेशन में यानी परसों वाली क्लास में हमने एक सेंटेंस का जिक्र किया था क्या सेंटेंस दिया था आपको द लिटिल मनी आई हैड हैज stolen away. लिटिल मनी आई हैड हैज has been stolen अवे तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को क्यों होती कि हैड हैज़ उनको नजर आ रहा होता है लेकिन हम उस समय नाउन क्लॉज को समझ रहे थे कि भाई देखो ये जो है ये नाउन क्लॉज है क्योंकि द लिटिल मनी आई हैड इतना जो पोर्शन है ना ये काम किसका कर रहा है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसको नाउन क्लॉज बोलोगे और क्यों क्लॉज आप बोल रहे हो क्योंकि भाई यहां सब्जेक्ट है और वर्ब है अब ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये कौन से सब्जेक्ट वर्ब है भाई आई सब्जेक्ट हो गया और हैड यहाँ पे क्या कहा जाएगा ये कौन सी फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब है क्या नहीं ये V2 टू है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है भाई जो वहां पर लिखा है हमने दिस वन और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम जो भी मर्जी सब्जेक्ट हो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था वो चुरा लिया गया है व्हाट हैज बीन स्टोलेन अवे द लिटिल मनी आई हैड तो इफ यू डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी ना तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये क्या अंग्रेजी है हैज हैड हैव हैड तो समझ आता है जैसे कि एक सेंटेंस हम और सुनते पढ़ते हैं क्या I have had enough of this. अब ये आप कह बोल सुन रहे हो तो यहां से क्या समझ आ रहा है यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है, कि यार दिस है ये हैड क्या है ये मेन वर्ब है main verb कि मैंने बहुत देख लिया भाई अब अब बर्दाश्त नहीं होता और इस कंक्लूजन पे हम बहुत प्यार से समझ सकते हैं पहुंच सकते हैं कि कहीं भी अगर हैज हैड लिखा है लिखा लिखा है या had had लिखा है या तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वाजिब है यहां पे कहीं कोई कंफ्यूजन का स्कोप है नहीं इन जनरल कहानी क्या होगी कि पहले जो लिखे हैं वो हेल्पिंग होंगे ये मेन होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप जानते हो हैज और प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और हैड किसका हेल्पिंग वर्ब है भाई ये है आपका पास्ट परफेक्ट का ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और हम बात करें चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की या पास्ट परफेक्ट की मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है थर्ड फॉर्म तो वो तो आपने देखा ही हैज़ हैव वी टू भी हैड है और वी थ्री भी हैड तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए ठीक है तो बाकी की जो बातें हैं जैसे मैंने कहा कि वर्ब के टाइप्स वाइप वो वर्ब के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे बट यहाँ पे सिर्फ ये कन्फ्यूजन दूर करने का था मामला जैसे कल भी किसी कल, कल कोई पूछ रहा था ना कोई मैडम ही हमारी पूछ रही थी दीपा पूछ रही थी क्या शायद कि सर हैज़ हैव वर कहाँ लगता है तो आज थोड़ी सी जानकारी थोड़ी क्या काफ़ी जानकारी इसकी मिल चुकी होगी आपको ठीक है कि वर या इज एम आर सब उसी में आ गए वो बी फार्म के ही वर्ब है इज एम आर प्रेजेंटेंस हैं वर पास्ट में इज जो है वो सिंगुलर एम सिंगुलर आई के लिए लगता है आर प्लूरल के लिए लग जाता है या यू के साथ और आई आई के साथ तो आप एम लगाओगे और वही बात वाज और वर के साथ है लेकिन आज बात क्या समझ आई कि अब हम इनको सिर्फ हेल्पिंग तब बोल सकते हैं जब ये मेन वर्ब के पहले हो और अदरवाइज़ आप इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं अगर इनके बाद एडजेक्टिव लगा हो तो ठीक है और अगर इनके बाद नाउन लगा हो यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे मेघा इज अ स्टूडेंट तो स्टूडेंट एडजेक्टिव तो है नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नाउन है तब इस इज का नाम हो जाता है लिंकिंग वर्ब ये लिंक कर रहा होता है सब्जेक्ट को उसके पूरक के साथ तो शब्द वही अगर ये कहा गया कि मेघा याना लीडिंग दिस टीम तो वहाँ इज हेल्पिंग वर्ब मेघा इज इंटेलिजेंट इज स्टेटिव वर्ब मेघा इज अ स्टूडेंट इज लिंकिंग वर्ब ये नॉम क्लेचर है नामकरण है और पहले वाले दोनों का तो बिल्कुल क्लियर ही है आपको तीसरा बचा ही कौन लिंकिंग वर्ब तो कई बार लोग बस कहते हैं ये लिंकिंग वर्ब है तो वो ध्यान में रखना है वो स्टेटिव अगर एडजेक्टिव है तो स्टेटिव बोलो क्योंकि तो भाई स्टेट uh, बताने का काम एडजेक्टिव का है कोई नाउन लगा है तो वहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब बोलें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है ठीक है इतनी समझ आपको आ गई और हैज़ हैव हैड वाली भी समझ आ गई क्योंकि यही तो हैं बाकी तो मॉडल वर्ब्स है तो हैज़ हैव हैड आपको समझ आ गया भाई ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं प्रेजेंट और पास्ट के और साथ ही साथ ये मेन वर्ब भी है मेन आप पजिशन जो रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो एग्जाम्पल आपको सभी मिल गया अब स्टेटिव वर्ग पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ और करूंगा ये प्रोनाउन पीछे जाना चाहिए ना ये आगे चला गया बेचारा ये तो यहां होना चाहिए अब थोड़ी सी चर्चा और किस तरह की जैसे कि आप जब किसी का हालचाल पूछते हैं तो आप क्या बोलते हो हाउ आर यू और उसी को हालचाल में हाउ हैव यू बीन भी कहा जाता है और आजकल सोशल मीडिया जमाने में लोग बोलते हैं सिंपल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश कि हाउ आर यू की जगह पे हाउ हैव यू बीन बोलो बड़ा अच्छा लगेगा अरे भाई सबका कॉन्टेक्स्ट अलग है हाउ आर यू होता है हालचाल पूछना आप सपोज़ मैं आपसे रोज मिलता हूँ हम ऑफिस में काम करते हैं एक साथ या कहीं पढ़ते हैं तो आपकी रोज़ मुलाकात होती है हाउ आर यू तुम कैसे हो अब अगेन देखो आर यहाँ पे क्या है भाई तो स्टेटिव वर्ब है हेल्पिंग वर्ब थोड़ा ही है हालचाल ही पूछने के लिए तो यूज़ होता है हाउ आर यू अब उसी हालचाल को आप हाउ हैव यू बीन कब पूछोगे जब अब वो हालचाल उस मोमेंट की नहीं एक ड्यूरेशन की है अब सपोज आपका कोई मित्र कोई जान पहचान वाला कोई रिलेटिव कोई भाई बहन कजन आपसे लेट से दो साल दूर रहा ठीक है यूएस चला गया था कनाडा चला गया था कहीं दूर था तो अब जब आप की आज मुलाकात होगी ना तो आपका फोकस उस मोमेंट नहीं उस दो साल के पीरियड की तरफ है भाई कैसा रहा तुम्हारा दो साल वहां पे? हाउ हैव यू बीन कैसे रहे हो तुम तो? तो अब पॉइंट क्या है कि मोमेंट और ड्यूरेशन अब इधर जरा टेंस के नाम भी ध्यान में रखो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका नाम क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी काम पूरा हो चुका है थोड़ा सा परफेक्ट हो चुका है लेकिन काम अभी भी कॉन्टिन्यूड है तो इस इसीलिए जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है ड्यूरेशन के ऊपर होता है अब जैसे आपको सिंपली कहना है कि बारिश हो रही है तो आप क्या बोलते हो इट इज रेनिंग लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि नहीं दस बजे से बारिश हो रही है दो घंटे से बारिश हो रही है सुबह से बारिश हो रही है क्या लगाते हो फिर इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इट हैज बीन रेनिंग सिंस टेन ओ क्लॉक इट हैज बीन रेनिंग फॉर टू आवर्स तो ये क्यों किया आपने क्योंकि तो हिंदी में तो आप वही रहा है बोल रहे हो बारिश हो रही है और सुबह से बारिश हो रही है सुबह जैसे ही आ गया दो घंटे जैसे ही आ गया फोकस किधर शिफ्ट हो गया ड्यूरेशन के ऊपर और जैसे ही ड्यूरेशन पर शिफ्ट होगा वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपना रोल प्ले करने लग जाएगा यानी ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या हैज बीन हाँ बीन हैव हाँ हैड बीन यही तो है और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है हैज बीन रेनिंग लेकिन यहां पे आपको मेन वर्ब तो नहीं दिखाई दे रहा कोई अब थोड़ा और बात आपसे करता हूं अब सपोज आप किसी होटल में स्टे करके बाहर निकल रहे हैं तीन दिन का आपका होटल का स्टे था जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो होटल जो उस काउंटर पे सज्जन हैं वो आपसे पूछते हैं उन्होंने सवाल पूछा क्या सवाल पूछा कि हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस अब बेचारा वो मासूम बालक बालिका सोच रहा है ये कौन सी अंग्रेजी है यार है हमने तो बचपन में पढ़ा हैज बीन हैव बीन हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है यहां तो वर्ब ही गायब है ये कौन सी अंग्रेजी है बचपन में पढ़े थे कुछ और अब अंग्रेजी कुछ और हो गई समझ ही नहीं आता इंग्लिश बहुत मुश्किल है छोड़ो यही होते हैं हाल ज़्यादातर लोगों के वो इसीलिए कहते हैं कि अधूरा ज्ञान ज़्यादा डेंजरस है ज्ञान न होने के क्योंकि ज्ञान नहीं है तो कम से कम एक्सेप्ट तो करूंगा कि नहीं है सीख लूंगा बट अधूरा हो उसको पूरा मान के बैठ जाए ये पढ़े थे पता नहीं तब सही पढ़ाया था कि अब सही पढ़ा रहे हैं पता नहीं क्या है मैं इसीलिए हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सारी बातों को कनेक्ट करता हूँ क्योंकि तो जो पेपर में मिलेगा वो भी वहीं से उठा के देंगे वो कोई भी एग्जाम लिखो अंग्रेजी के पेपर में जो भी कुछ पूछा जाता है उसमें पैसेजेस कहाँ से आते हैं नहीं आर्टिकल्स न्यूज़ रिसर्च पेपर्स, पेपर्स वहीं से उठाएंगे एडिटोरियल्स ओपेड तो बात करो ना आसपास भाषा ही तो है ये विषय थोड़ा ही है लैंग्वेज है लेकिन हर लैंग्वेज का अपना साइंस होता है ग्रामर उस भाषा की गणित है कि कहीं उसके शब्दों को कैसे अरेंज करना है उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हैज बीन 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 हैव हैड के बाद आईएनजी लग जाता यहां क्यों नहीं लग रहा तो इज एम आर के बाद भी तो आईएनजी लग रहा था अभी तो नहीं लगा तो वही कहानी है अब थोड़े डॉट्स को जोड़ पा रहे हो तो पॉइंट यही है कि अब जब उसने ये सवाल पूछा है हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस तो इसका जवाब आप क्या देंगे आप जवाब देते हैं इट्स बीन ग्रेट इट्स बीन ग्रेट अब मैं पूछूं जरा इस इट्स को ओपन करें कहीं तो अभी ऐसे महानुभाव भी होंगे इट्स में भी कंफ्यूजन होगा अच्छा सर यहाँ पास ट्रफी लगा नहीं लगा वो कंफ्यूज रहते हैं

अगर मान लो सिर्फ इतना लिखा होता कहीं पे अगर सपोज ये लिखा होता इट्स गुड तब क्या समझ में आ जाता तब समझ में आ जाता कि इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर इज छुपा हुआ है इट इज गुड तो इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म था वो यहां पे इट हैज का भी कॉन्ट्रेक्टेड का मतलब छोटा कर दिया तो आप अस्ट्रफी लगाते हैं तो ये कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म हो जाता है इट्स के साथ तो आप बोलते हो इट्स बीन ग्रेट अब उसको ओपन कर दिया इट हैज बीन ग्रेट अब ब्रेक करो चीजों को चीजों को ब्रेक करो अब आपको पता है कि मैं पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ ये इट प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है तो ये इशारा कर रहा है इस योर एक्सपीरियंस ये नाउन फ्रेज के लिए प्रोनाउन लगा है आप ये नहीं कहोगे माई एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट वो अंडरस्टूड हो गया इट लगा लिया प्रोनाउन इसीलिए है कि भैया नाउन की जगह इस्तेमाल कर लो तो अब नाउन की जगह से आपका ज्ञान और बढ़ चुका है नाउन फ्रेज के लिए भी तो उस वो अंडरस्टूड है कि उस इट के जरिए आप अपने एक्सपीरियंस की तरफ इशारा कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इट उसके बाद लगा हैज बीन अब देखो ये हैज बिन क्या है भाई हेल्पिंग वर्ब बोल पाओगे क्या नहीं बोल पाओगे क्यों नहीं बोल पाओगे क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब तो लगा नहीं वो वाला सुबह से बारिश हो रही है वो दो घंटे से पड़ रहा है वो आधे घंटे से नाच रही है तो यहां पे तो आप लगा सकते थे शी हैज हैज बीन बीन डांसिंग फॉर फॉर द द लास्ट लास्ट यू नो ड्यूरेशन ही आवर्स वहां पे लगा है वहां वो हेल्पिंग था यहां ये स्टेटिव वर्ब है भाई ये स्टेटिव वर्ब है जैसे कि इस भी वर्ब हैं उनके बाद मेन वर्ब नहीं लगा लेकिन वो उस मोमेंट की बात करते हैं good, ठीक, अच्छा है बट ही ना किसी के लिए तो इसका मतलब ड्यूरेशन की तरफ फोकस है अब सपोज जैसे कोई नया नया एक्टर है uh, बड़े सारे नए नए एक्टर्स निकल गए प्लेटफॉर्म पे तो मान लो उनकी एक दो फिल्में आई एक दो सीरीज आया बहुत अच्छे एक्टर हैं आपने कह दिया ही इज गुड लेकिन वहीं पे अब कोई ऐसा इंसान है सपोज लेट्स से लाइक नसीर साहब या लेट्स मनोज वाजपेयी नहीं तो लंबे समय से एक्टिव हैं वो बीस पच्चीस साल हो गए तो आप क्या कहोगे ही हैज बीन एक्सेलेंट इन हिज करियर हैज बीन के बादलेंट एडजिज एक्सेलेंट और हैज बीन एक्सेलेंट में क्या फर्क है इज एक्सेलेंट अभी की बात कोई न्यू कमर है किसी भी फील्ड के अंदर सपोज क्रिकेटर है एक्टर है अभी एक दो साल पुराना है यू you नो know, तो आपने उसके लिए इज लगा दिया गुड लेकिन वो इंसान उस फील्ड में लेट से बीस साल से है पंद्रह साल से है पच्चीस साल से है और लगातार कंसिस्टेंट रहा है तो अब उसकी जब आपको तारीफ करनी है उसके लिए कोई विशेषण लगाना है ना तो सही तरीका क्या है हैज़ बीन लगाना है उस इंसान के लिए ही हैज़ बीन एक्सेलेंट इन हिज करियर ही हैज़ बीन ग्रेट ही हैज़ बीन गुड जो भी आपको बोलना है क्योंकि अब आप उसको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उस मोमेंट के लिए नहीं एक ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं जैसे ड्यूरेशन की बात आएगी वहां में आ जाएगा लेकिन पॉइंट यह है कि यहां ये यह स्टेटिव वर्ब है तो हैज बीन हैव बीन के बाद आप लगाएंगे क्या आप लगाएंगे विशेषण का शब्द तब ये होता है इट्स नॉट कूल इंग्लिश इट्स बीन ग्रेट आपको लगता है कुछ हवा वाली अंग्रेजी थोड़ी है भाई आप भी जो अंग्रेजी पढ़ रहे हो उसको वही बात की ढंग से नहीं पढ़ी तो तो हमें लगता है है। है है। कुछ और चल रहा ही no, क्या है? कि ये state duration का तो वैसे जैसे आप अपने दोस्त को पूछोगे हाउ तो वो क्या बोलेगे आई हैव बीन गुड आई पे क्या है दैट इज अगेन एडजेक्टिव है जो आई की विशेषता बता रहा है राइट right? तो वहां पे हालचाल पूछा आपने ये हालचाल फिर वही बात ड्यूरेशन का हालचाल है और हालचाल स्टेट है स्टेट से ही स्टेट ओवर में और ये मोमेंट का हालचाल होता है आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस मच बट अगेन हाउ यू विल नॉट बी एबल टू वैलिडेट दिस तो बात समझ आ गई अब आओ अब बढ़ते हैं आगे एडवोब की तरफ एडबॉब में एक बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि एडबॉब वॉब को डिस्क्राइब करता है ठीक है तो आज वो कन्फ्यूज़न दूर कर लें वैसे परिभाषा तो बचपन में पढ़ी थी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि सारी परिभाषाएं हम उनके ऊपर चढ़ी धूल की परत को साफ कर रहे हैं आपके सामूहिक सफाई कर्मचारी सत्येंद्र तिवारी <laughs> आपके धूल गर्दे की जो परतें हैं वो सफाई चल रही है उनकी सो so दैट आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाए तो यहाँ पे एडवोब uh, की डेफिनेशन क्या है कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब कॉमन एडजेक्टिव और अनदर सेम सेंटेंस सो तीन रोल निभाता है और इस बात के लिए मैं छोटी सी एक पिक्चर आपको बना देता हूँ सो so दैट जिंदगी भर आपके दिमाग में ये रहे कि देखो नाउन का जिक्र हमने कर लिया प्रोनाउन का कर लिया ठीक है फिर एडजेक्टिव का कर लिया एक सीरीज में हम इनको ब्रश अप करते हुए चल रहे हैं और फिर हम आ चुके हैं एडवर्ब पांचवें पड़ाव तक आ चुके हैं और अभी तक की जानकारी से हमें क्या क्या समझ आया है कि जो हमारे विशेषण भैया हैं इनका काम होता है अपने से ऊपर वाले दोनों को डिस्क्राइब करना तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है एडजेक्टिव और मोटे तौर पर यह ध्यान में रख लो कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताने का काम किसका है एडवर्ब का है और इसीलिए पूरे पार्ट्स इस ऑफ स्पीच में यही दोनों क्या हैं मॉडिफायर्स हैं और कमाल की बात यही है कि एक शब्द भी दोनों का काम कर सकता है एक ही शब्द एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है वो डिपेंड करता है कि आपने उसको लगाया क्या है उसका काम क्या है तो पहले काम वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है तो तीन एरो बने हैं तीनों के लिए सेंटेंस बना लो फटाफट तो पहला सेंटेंस अगर मैंने कहा कि ही स्पीक्स फ्लुएंटली He speaks quite fluently and he is a very fluent speaker. क्या नजर आ रहा है आपको यहां पे? यहां पे नजर ये आ रहा है कि स्पीक जो है ये वर्ब है वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर राइट तो यहां पे पहला वाला एस्पेक्ट आ गया कि एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को कर रहा है नेक्स्ट ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर था पहले से ही हमारे पास हाउ का जवाब था कि वो कैसे बात करता है अभी आपने क्वाइट एक और लगा दिया उसके पीछे तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये एक्चुअली फ्लुएंटली की डिग्री को जो है वो बढ़ा रहा है वो काफी फ्लूएंटली बात करता है एंड द लास्ट वन इज ही इज अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर स्पीकर इज कॉमन नाउन किसी भी वक्ता को वक्ता कहोगे इट्स अ कॉमन वर्ड नाउ द फ्लुएंट इज वर्ड दिस इज एडजेक्टिव एंड वॉट एवर इज कॉल्ड वॉट एडवर्ब तो ये वेरी क्या है अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये तीसरे एग्जाम्पल में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है एक एडजेक्टिव को तो तीनों बातें हमारी प्रूफ हो गई कि वर्डवर्ब वर्ब को तो करता ही है पहले में वर्ब को कर रहा है एडवर्ब घूम के एडवर्ब की, की तरफ आया यानी एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला एक एडवर्ब उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है और तीसरे में आपको क्या नजर आ रहा है ये वाला यानी एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है कोई नई बात नहीं आप बचपन से बोल रहे हो शी इज वेरी ब्यूटिफुल इज वेरी ऑनेस्ट यू नो इस तरह के सेंटेंसेज बोल रहे हैं वेरी क्या है वहां पे आपने वेरी ऑनेस्ट वेरी इंटेलिजेंट वेरी ब्यूटीफुल वेरी डेलीजेंट वेरी हैंडसम यही सब तो बोल रहे हो आप बचपन से कोई नई चीज़ है क्या है ये सारे शब्द जो वेरी के बाद लगे हैं वो क्या है विशेषण के शब्द और उनके पहले वेरी लग रहा है विशेषण कोई तो डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडवर्ब एडवरबाब डिग्री है तो एडवर्ब के ये क्या हो गए ये तीनों काम हो गए अब पॉइंट ये है कि हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एडवर्ब्स सो देखो हमारे पास शब्द जो है ना आइडेंटिफायर्स ऑफ एडवर्ब वो कौन कौन से हैं इडेंटिफायर ऑफ एडवर्ब देखो वर्ब को तो पहचान ही लोगे एडजेक्टिव को भी पहचान लोगे ये तीन ये पांच शब्द यहां कब हुआ कहां हुआ कैसे हुआ कितनी बार हुआ और क्यों हुआ ये सवाल पूछने वाले शब्द हैं व्हेन से सवाल पूछोगे तो ये कहा जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम राइट व्हेन डिड वी मीट हम कब मिले वी मेट यस्टरडे हम कल मिले तो so यस्टरडे क्या है दैट इज टाइम की बात तो कब हुआ कोई काम तो अब उसमें यस्टरडे एक शब्द है तो एडवर्ब ऑफ टाइम बोलोगे उसे मान लो लास्ट वीक हो जाए तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बोल लेंगे हम क्योंकि अब समय बताने के लिए एक शब्द नहीं दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर अ फ्यू मंथ्स बैक आई मेट हिम अ फ्यू मंथ्स बैक मैं उसको कुछ महीने पहले मिला था तो आई सब्जेक्ट मेट वर्ब किसको मिला उसको मिला हिम कब मिला अ फ्यू मंथ्स बैक सो अ फ्यू मंथ्स बैक विल बी कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम ये अंथस का जवाब है तो जो वेन का जवाब होगा जैसे हमने नाउन में क्या पढ़ा था हु हुम और व्हाट इन तीन शब्दों का जो जवाब होता है जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो जो जवाब मिलता है वो नाउन होता है या फॉर दैट मैटर प्रोनाउन होता है यहां पे जब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो जो आपको मिलेगा वो एडवर्ब मिलेगा ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्या है आप किसी भी काम के होने की जगह पूछोगे वेयर से हाउ से क्या पूछोगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है हाउ डिड शी परफॉर्म राइट शी परफॉर्म्ड वेल तो वेल किसका जवाब हो गया एडवर्ब मैनर का हाउ ऑफन क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ये बारंबारता पूछता है a week. A week. मैं में दो बार ये क्लास अटेंड करता हूँ तो ये ट्वाइस अ वीक क्या हो गया बारम्बार हो नेवर वंस ट्वाइस ये सब फ्रीक्वेंसी हैं और वाई क्या है आप किसी भी काम के रीजन के बारे में पूछते हैं क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ why did you come late? आप आप क्यों आए? तो तो को डिस्क्राइब करने ना उसका बताओगे कि वजह से मैं लेट आया तो ये सवाल पूछने वाले शब्द इंट्रोगेटिव कहे जाते हैं इनको रटिएगा मत बहुत सारे लोगों को ये भी गफलत होती, होती है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं जो सवाल पूछते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं तो ट विच और हुज यही सवाल पूछते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसी में वॉट विच हु हाउ मच जब ये सवाल पूछते हैं तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं विच बुक इज योर फेवरेट विच के बाद क्या आ गया बुक आ गया नाउन आ गया नाउन के पहले जो आगे डिस्क्राइब करे क्या कहते हैं एडजेक्टिव यहां सवाल पूछने वाला शब्द है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलोगे विच बुक इज योर फेवरेट लेकिन वहीं पे विच इज फेवरेट बुक विच के बाद जब इज आ गया तो वही विच प्रोनाउन हो जाता है व्हाट इज नेम का व्हाट प्रोनाउन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बट व्हाट टाइम आ गया interrogative adjective हो गया हर एक चीज लॉजिक पे रटना थोड़ी है Whose book is this? किसकी किताब है ये के बाद book आ गया Whose interrogative adjective हो गया हो दिस बुक अब यहां हुज जो है है के बाद लगा हुआ तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया लेकिन है है संबंध पूछ रहा है किसका तो जवाब भी क्या होगा मेरा दिस। लेकिन जवाब भी प्रोनाउन आएगा इज दिस इज हिज बुक दिस इज हर बुक तो हुज बुक एडजेक्टिव था जब तो जवाब भी पजेसिव एडजेक्टिव है हुज जब है Whose is? तो जवाब भी पजेसिव प्रोनाउन है हर चीज लॉजिकल है हाउ मेनी हाउ मच के बाद आप नाउन ही तो लगाते हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर कितने स्टूडेंट्स थे वहां पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर हाउ मच टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क तो हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन लगाओगे जिसका नंबर गिन सको हाउ मच के बाद क्वांटिटी वाले लगाओगे जिसको नहीं गिन सकते तो हाउ मच टाइम टाइम तो अनकाउंटेबल है मिनट्स आर सेकेंड ये काउंटेबल टाइम को मेजर करने की यूनिट्स को हम काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी मिनट्स डू यू नीड हाउ मेनी आर डू यू नीड बट हाउ मच टाइम डू यू नीड हाउ मच मनी डू यू नीड मनी इज इजाउंबल बट करेंसी इज काउंटेबल हाउ मेनी रूपीज तो रूपीज बोलोगे डॉलर बोलोगे तो, तो, तो हाउ मेनी लगा लो बट मनी के साथ तो हाउ मच ही आएगा तो ये क्योंकि हाउ मच हाउ मेनी के बाद भी आप नाउन ही लगाते हैं एक में काउंटेबल एक में अनकाउंटेबल तो ये भी एडजेक्टिव है और ये सारे सवाल पूछने वाले शब्द क्या हो गए ये हो गए एडवर्ब कि बर्ब कहा हुआ कब हुआ कैसे हुआ ये सारी जानकारी ठीक है अब चल लेते हैं फटाफट प्रपोजिशन कोई मुश्किल ही नहीं प्रपोजिशन किसे कहते हैं भाई प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस ये यानी प्रपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसका उसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध बताए तो पूरा काम ध्यान में रखना है एडजेक्टिव भी तो नाउन के पहले लगता है हाँ या ना शी इज अफुल लेडी आपने कहा तो लेडी के पहले ब्यूटिफुल आया वो भी तो एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है आ रहा है नाउन के पहले काम के आधार पे नाम होगा लेकिन यहीं पे अगर हमने ये बात कह दी या लिख दिया यहां पे कि रवि इज सिटिंग बिसाइड नेहा तो अब ये बिसाइड नेहा को डिस्क्राइब थोड़ी कर रहा है ये क्या बता रहा है भाई ये यहाँ पे ये बिसाइड जो है वो नेहा जो कि एक नाउन है उसके पहले प्लेस्ड है और नेहा और रवि की पोजीशनिंग कैसी है संबंध कैसे है बैठने में अगल बगल बैठे हैं कि आमने सामने बैठे हैं ये कौन बता रहा है ये बिसाइड बता रहा है तो प्रेपोजिशन का तो काम यही है ना प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन अर प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन आर प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस ठीक है संबंध बोधक अव्यय जो संबंध का बोध कराए ये होता है प्रेपोजिशन राइट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डेफिनेटली एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग वेल इफ यू आर ट्राइंग टू मगअप कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा नहीं और इसीलिए देर इज वन रूल ऑफ प्रिपोजिशन और नॉट द रूल पर से बट कह सकते हो प्रपोजिशन के हवाले से देर इज नो रूल ऑफ प्रेपोजिशन और हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए समस्या ये होती है कि वो प्रपोजिशन के हिंदी अर्थ हम याद करके आते हैं इसका मतलब ऑफ का मतलब की का के सो so, जब वहाँ पे सेंटेंस मिलता दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू तो उनको लगता है ये कौन सी इंग्लिश है भाई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू होना चाहिए ना तुम से क्योंकि फ्रॉम को तो से रटा हुआ है तो ये हिंदी वाली जो रटने की हमारी परंपरा रही है ना इट्स अ बिग बैरियर एक्चुअली तो थोड़ा सा इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश करो अगेन उतना जरूरी था बचपन के लिए ज़रूरी था जब भाषा की ट्रांजेशन हो रही होती है और आप सीख रहे होते हैं बट अगेन अब आप वैसे चलोगे तो वो ज़्यादा रुकावट का काम करेगा प्रेपरेशन में अगेन वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि कोई एक रूल या एक कॉन्सेप्ट उस प्रेपरेशन के सभी रंग नहीं यू नो अपने में इंक्लूड कर सकता है तो वही है कि भाई एक ही प्रपजिशन अब जैसे ऐट की बात करो तो ऐट प्लेस की भी बात करता है ऐट टाइम की भी बात करता है ठीक है ऐट रेट की भी बात करता है एट एज की भी बात कर लेता है तो आप क्या ध्यान में रखोगे तो बेहतर है कि जितना आप एक्सपोजर लेते हो जितने सेंटेंसेज आपके सामने से गुजरते हैं या जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ तो है मतलब बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट बट उसके बाद इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन तो और एप्लीकेशन आपको फ्रिजल वर्ब में भरपूर देखने को मिलता है तो हमारे एग्जाम्स में प्रेपरेशन को डायरेक्टली पूछने के बजाय प्रेपरेशन के जहां जहां पे एप्लीकेशन है वो ज्यादा जैसे फिक्स्ड प्रेपोरेशन है के साथ फ्रॉम बट अवर्स के साथ टू तो वहां पे आपको ज्यादा चीजें मिलती तो खैर परिचय बस यही कि कम से कम आप पहचान तो पाओ कि प्रपोजिशन है क्या वही मैंने कहा कि अगर सेंटेंस यहां पे बदल दो कि नेहा इज सेटिंग बिफोर अमित तो इधर क्या नजर आने लग गया कि भाई अभी बिफोर है प्रपोजिशन फिर वही कहानी अमित भी नाउन नेहा भी नाउन और बिफोर यहां पे हो गया ठीक है तो पहचानने में वही बात की काम आपको देखना है और लास्ट वन इस नाम से ही पता लग रहा है जो जंक्शन बनाए कंजंक्शन बहुत सारे लोगों की इसकी भी गलत होती है वो कंजक्शन बोलते हैं तो ये मत बोला करिए, सब बहुत सामने वाले को ना ऑफ कर देता है यार जंक्शन का मतलब जोड़ना कंजक्शन क्यों बोलते हो आप जंक्शन ही होता है ना रेलवे स्टेशन जंक्शन होता है बहुत सारी जगह से आगे जुड़ रही है वहां रही पटरी तो कौन का मतलब होता है इसीलिए है। तो कंजंक्शन ज्वाइंस क्या करता है जोड़ता है क्या क्या जोड़ता है भाई टू वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस ठीक है तो सबका काम ये करता है दो शब्दों को भी जोड़ेगा दो फ्रेज को भी जोड़ेगा और दो क्लॉज को भी जोड़ेगा लिख लें एग्जाम्पल जतिन एंड अभी शेख आर गोइंग टू तो मार्केट Sentence Your understanding of this topic and your dedication. For this field of study, are excellent. You will succeed. if you work systematically ठीक है अब क्या नजर आ रहा है जतिन एंड अभिषेक ये क्या है दो शब्द हैं तो टू वर्ड्स वाली बात हो गई है ये वर्ड्स हो गए तो एंड यहां पे आपका कंजंक्शन है जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है ठीक है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक ये फ्रेज नंबर वन है शब्दों का समूह ये फ्रेज वन हो गया एंड यहाँ आपका अगेन कंजंक्शन है कि तुम्हारी इस टॉपिक की समझ और तुम्हारा इस फील्ड ऑफ स्टडी के प्रति समर्पण एक्सेलेंट है तो फ्रेज वन फ्रेज टू शब्दों का समूह जिसके पास अपना वर्ब नहीं होता और आखिरी यू विल सक्सीड ये क्लॉज नंबर वन है और यू वर्क सिस्टमेटिकली ये क्लॉज नंबर टू है होता क्या है भाई एक सेंटेंस का पार्ट लेकिन पार्ट होते हुए भी उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब यहां पे का रोल कौन निभा भी एंड ही कंजंक्शन है तो तीनों बातों के मैंने आपको उदाहरण दे दिए ठीक है सो नाउ वी आर डन रिकैप ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इनकी फंक्शनैलिटी थी फंक्शनल आस्पेक्ट जो था ग्रामर का वो हमने समझ लिया नाउन का काम प्रोनाउन का काम एडजेक्टिव, वर्ब उसके बाद एड वर्ब और कंजंक्शन सो आई होप कि अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी थोड़ी ठंडी सांस आप ले सकते हैं और अब आपको ये समझ भी आने लग गया होगा कि ग्रामर इज़ नॉट अबाउट मगिंग अप द रूल्स राइट इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग कोई भी रूल मेरी क्लास के अंदर मेरे कोर्सेज में आपको रटने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इस लेवल की हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं मार्कर लेके शुरू हो जाता हूं यहाँ पे ऐसा नहीं कोई स्लाइड बनी स्लाइड अब मिलेगी की आपको तो मैं, मैं हाथ से क्वेश्चन लिखूंगा तो तो टाइम खराब होगा ना तो अब आ, आपको नेक्स्ट सेशन में यू विल गेट द स्लाइड एंड विल हैव द क्वेश्चन जहाँ पे हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो फ्रेजेस का इंट्रोडक्शन और फिर क्लॉजेस का क्या फ्रेज़ होता है फ्रेज़ के कितने टाइप्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करो लेकिन वर्ड आइडेंटिफिकेशन जैसे आप सीख जाते हैं और बहुत ही सिंपल सा फंडा है नाउन एडजेक्टिव एडवर पहचान लेते हो तो नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवरविल फ्रेज भी पहचान लोगे क्या दिक्कत है उसमें काम ही तो जानना है अब जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट का ही तो काम कर रहा है आर के पहले लिखा हुआ है तो आपको कोई पूछे कि भाई फ्रेज़ वन फ्रेज़ टू क्या है तो नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज है सेंटेंस का सब्जेक्ट का ही तो काम कर रहा है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक पांच शब्दों का समूह है ये तो नाउन फ्रेज हो गया तो काम के आधार पे भाई यहाँ दो शब्द थे एंड के साथ यहाँ एंड के साथ दो फ्रेज जोड़ दिए काम तो सेंटेंस के सब्जेक्ट का ही कर रहे हैं वर्ब के पहले आए हुए हैं कोई पूछे क्या है एक्सेलेंट तो बताओगे आप तो वही है कि काम आपको देखना है नाउन एडजेक्टिव पहचानते एड़्य। पहचान तो, तो नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवरबियल फ्रेज नाउन क्लॉज एडवर्बियल पहचान लोग जाएगी तो फिर आपको लेंदी सेंटें नहीं लगेगा राइट यू कैन इजिली ब्रेक दोज लेंदी सेंटेंसेज वॉट यू कम अक्रॉस इन न्यूज पेपर इन मैगजीन इन आर्टिकल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज विल बी इम्प्रूव इन अ प्रोनाउंसड मैनर तो ग्रामर फाउंडेशन जो है वो हम कर रहे हैं और uh, उसमें कल सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फंक्शनल एस्पेक्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था यानी ये जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें जो पहला पड़ाव है वर्ड्स का वो हमने कवर कर लिया आज हमें बात करनी है किसकी आज बात करनी है प्रेजेस की तो आइए हाँ शुरू करते हैं आपको फिर से वो याद दिला दूं कि भाई सबसे बेसिक इकाई हमारी थी लेटर लेटर के बाद आई बात वर्ड्स की और जब वर्ड्स की बात आई तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने ब्रश अप किए उसके बाद फिर आया आपके पास फ्रेज फिर है क्लॉज और फिर बारी आती है सेंटेंस की तो ग्रामर प्राइमर का पर्पज यही कि हम एक सेंटेंस को ढंग से समझ पाएं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन टाइप में हमें सेंटेंस से मुलाकात होती है तो चलो फ्रेज जो है आज उसको इंट्रोड्यूस करना है क्या होता है फ्रेज भाई व्हाट इज फ्रेज फ्रेज की पहचान है इसकी सबसे पहली पहचान कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फिर हम वही तो कहेंगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वाक्य भी होता है फ्रेज क्लास सेंटेंस सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट उनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये पहली पहचान और दूसरी क्या इट डजेंट हैव इट्स वर्ब इसके पास अपना वर्ब नहीं होता तो ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसके पास अपना वर्ब नहीं होता और इस कमी की वजह से ये पूरा मतलब नहीं बताता इसीलिए यहां पे तीसरा जो फीचर है फ्रेज का वो आप ऐसे लिख सकते हो कि इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग तो सिंपल शब्दों में फ्रेज शब्दों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसके पास अपना वर्ब नहीं होता और अगर वर्ब नहीं होगा तो उसका पूरा मतलब नहीं निकलेगा लेकिन अगर शब्दों का समूह है तो कुछ ना कुछ तो मतलब निकलेगा ही अब आइए जरा इसके एग्जाम्पल देखते हैं फ्रिजेस के तो सपोज मैंने अगर ये कहा बस इतना कि योर डीप नॉलेज ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स क्या है ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेज योर डीप नॉलेज ऑफ दीज टू सब्जेक्ट ये फ्रेज का उदाहरण है अब कितने शब्दों का समूह है तो आपको दिख रहा है देर आर सेवन वर्ड्स अब इसका पूरा अर्थ तो नहीं निकल रहा लेकिन अर्थ निकल रहा है वैसे इसीलिए लिखा है इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग कुछ तो ये मतलब बताता है लेकिन पूरा मतलब नहीं बताता तो कुछ मतलब क्या निकल रहा है कुछ मतलब यही निकल रहा है कि भाई तुम्हारा गहरा ज्ञान इन दो विषयों का यही निकल रहा है अब लेकिन इसके बाद आप सामने वाले का चेहरा देखोगे भाई साहब कुछ और बोलोगे तुम्हारा गहरा ग्या, ज्ञान इन दो विषयों का इसके आगे तो वही बात कि इसका कुछ तो मतलब निकलता है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता लेकिन क्या आप इसको वाक्य कह सकते हैं नहीं कह सकते इसको आप वाक्य नहीं कह सकते जबकि अगर मैं एक बहुत छोटा सा सेंटेंस यहां पे लिखूं सिर्फ लेट से रागिनी सिंग्स अपने वाक्य में सेंटेंस है इसको आप सेंटेंस कहोगे क्यों सेंटेंस सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए लेकिन ये आपका सेंटेंस नहीं है तो इसीलिए जो परिभाषा के शब्दों के समूह को शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं तो सार्थक समूह तो है अर्थ तो इसका भी निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा तो कभी भी हमें इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना जैसे मैंने यहां पे आप देखो तो एरो बनाते हुए जो लिखा है तो आप ये समझने से बड़ा फ्रेज फ्रेज से बड़ा क्लॉज और क्लॉज से, से बड़ा सेंटेंस ये मतलब नहीं है सेंटेंस तो जैसे सिंपल सेंटेंस भी होते हैं उसमें वही सब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो सब्जेक्ट है और वर्ब है ऑब्जेक्ट लगाना है लगा लो सब वर्ब को डिस्क्राइब करना है वो कर लो एडवर्क लगाते जाओ लेकिन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की है लेकिन जो हमारे लेंदी सेंटेंसेज हैं यानी जो कंपाउंड सेंटेंसेज है, हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी अखबारों में आर्टिकल्स में न्यूज में उन्हीं से मुलाकात होगी ना रागिनी सिंह जैसा सेंटेंस तो मिलेगा नहीं रागिनी गाती है तो उन सेंटेंसेस के अंदर फ्रेजेस भी होते हैं और क्लॉजेस भी होते हैं उदाहरण हमने लिया ही यहाँ पे वो क्वेश्चन अभी लगे ही हुए हैं आपने देखा था कितने लेंदी सेंटेंस हैं तो इस गलतफहमी का शिकार बिल्कुल मत होइएगा कि फ्रेज से बड़ा क्लॉज से बड़ा सेंटेंस सेंटेंस छोटा भी हो सकता है लेकिन एक लंबे सेंटेंस है जो कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो उनके बनने में इनका इस्तेमाल जो है वो डेफिनेटली होगा ठीक है तो खैर अब ये आपके पास किसका उदाहरण हो गया ये उदाहरण हो गया हमारे प्रेज का इसी तरीके से

तो यहां पे ये भी किसका उदाहरण है फ्रेज का उदाहरण है या मान लो आपने ये कहा फाइव मंथ्स बैक फाइव मंथ्स बैक तो तीन शब्दों का समूह है ये, लेकिन क्या इससे पूरा मतलब निकल रहा है नहीं बस इससे इतना पता चल रहा है पांच महीने पहले पांच महीने पहले ऐसे ही आपने कह दिया अ फ्यू इयर्स बैक ये भी क्या है ये फ्रेज है लेकिन क्या इसका पूरा मतलब निकल रहा है क्या नहीं कुछ साल पहले क्या कुछ साल पहले क्या हुआ था तो ये हो गई फ्रेज की जो मैंने आपको परिभाषा दी या जो उसके तीन फीचर्स बताए कि फ्रेज शब्दों का समूह होता है लेकिन ये ऐसा समूह होता है जिसके पास अपना वर्ब नहीं होता और इसी कमी की वजह से वो पूरा मतलब नहीं बताता कुछ तो मतलब बताएगा ही लेकिन पूरा मतलब नहीं बताएगा अब हम फ्रेज के टाइप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं कितने तरह के फ्रेजेस हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस सबसे पहले आ जाता है आपके पास नाउन फ्रेज फिर एडजेक्टिव फ्रेज फिर एडवोबियल फ्रेज फिर वर्बल फ्रेज और फिर फ्रेजलबोप ठीक है अब देखो पहचान बहुत ही सिंपल है मैंने कल भी आपको कहा था कि जब नाउन का काम एक शब्द न करके शब्दों का समूह करे तो उसे नाउन फ्रेज कहोगे वही एडजेक्टिव पे अप्लाई होता है वही एडबॉप पे भी अप्लाई होता है तो बस एडजेक्टिव का काम एक वर्ड न करके वर्ड्स का ग्रुप करे एडवर्ब का काम एक वर्ड न करके वर्ड्स का ग्रुप करे तो उसे आप क्या बोलोगे उसे नाम आप एडवर्बियल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज दे लोगे तो अब आओ नाउन फ्रेज सबसे पहले नाउन फ्रेज को एक्सप्लोर करते हैं जो सेंटेंस लिखा था मैंने पहले वाले उदाहरण में इसी को उठा के अगर मैं इधर लगा दूं कि आई अप्रिशिएट डीप नॉलेज ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट अब यहां पर अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले चश्मे से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है कि आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है इसके साथ ये लग गया वर्ब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा हुआ है ये इस अप्रिशिएट का क्या है ये इस अप्रिशिएट का ऑब्जेक्ट है कि मैं क्या अप्रिशिएट करता हूँ तो तुम्हारा डीप नॉलेज ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जो तुम्हारा गहरा ज्ञान है इन दो मुश्किल विषयों का मैं उसको क्या करता हूं अप्रिशिएट करता हूं अब इसी को अगर हम चाहें तो इसी नाउन फ्रेज को हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि योर डीप नॉलेज ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इज ऑब्लिक आर अगर मैं अब आपसे पूछूं सवाल तो आप क्या जवाब देंगे हाँ जी सी कुछ और सवाल पूछ रही हैं कल आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे थे ना कल का कोई कंफ्यूजन तो नहीं था सब अच्छे से समझ आ रहा है दीपा नैंसी विनोद मुझे खुद कमेंट के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा नीचे करने के लिए कृष्णा अभिषेक कीर्ति दीपा रजनीश नविका ओके समझ आ रहा है ना चलो अच्छी बात है अब देखो इसीलिए कंफ्यूजन होती है जब हमें इस तरह की समझ नहीं होती स्ट्रक्चर में अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट्स लिखा है यार सब्जेक्ट्स तो प्लुरल है तो आर लगा दो तो ऐसा नहीं है इस पर्टिकुलर वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है ये नॉलेज शब्द नॉलेज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज को गिनती तो है ना आप कि पांच ज्ञान दस ज्ञान सात ज्ञान बीस ज्ञान तो ये क्या है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर लगेगा लेकिन मोटे तौर पे देखो तो ये आपका वर्ब है और ये क्या है ये आपका एडजेक्टिव है अब हमें तो इस बात का पता है ही कल ही आपने समझा है कि जयमार वाजवर जब अकेले हों उनके बाद मेन वर्ब ना हो तो बिल्कुल वो एडजेक्टिव आगे लग सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे ही इज इंटेलिजेंट शी इज ब्यूटिफुल तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि तुम्हारा जो गहरा ज्ञान है इन दो मुश्किल विषयों का वो ज्ञान काबिल तारीफ है ठीक है तो रजनीश को आर लग रहा था वो सही हो गया अब आओ कुछ एग्जाम्पल आप भी दोगे और सिंपल सेंटेंसेस लिखो मैं आपके लिए अब जैसे आप किसी को कहो कि योर आइडिया योर आइडिया इज यूनिक और फिर आई लाइक योर आइडिया क्या दिख रहा है आपको अब मैंने उसी योर आइडिया को यहाँ पे क्या बना दिया सब्जेक्ट और उसी योर आइडिया को यहाँ पे क्या बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया तो पॉइंट वही है कि भाई नाउन फ्रेज है अगर तो वो काम दोनों करेगा ये सार नो यहाँ पे योर आइडिया सेंटेंस के सब्जेक्ट का, का काम कर रहा है अब सब्जेक्ट का, का काम एक शब्द तो नहीं कर रहा दो शब्दों का समूह कर रहा यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या लाइक करते हो उसका जवाब हो गया वॉट डू आई लाइक व्हाट का जवाब है योर आइडिया तुम्हारा विचार तो यहां पे भी ये नाउन फ्रेज हो गया क्या काम कर रहा है भाई ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है ठीक है यहां पे नाउन फ्रेज सब्जेक्ट यहां नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट क्लियर हो गई बात नहीं नहीं, नहीं। कल जो क्लास हुई थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी गरिमा बता रही ऐसा है क्या मैंने चेक नहीं किया क्लास तो कंप्लीट हुई थी कंजंक्शन तक कल क्लास नहीं देखी थी आपने गरिमा क्लास तो कंप्लीट हुई थी और कंप्लीट होगी भी कुछ ऐप के में कुछ दिक्कत चल रही थी कुछ अपडेशन था क्या था इसकी वजह से थोड़े कमेंट में भी दिक्कत है और कंप्लीट uh, क्लास में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी अभी ठीक है ना चलो जरा एग्जांपल्स लो आप, आप भी लिखो मुझे नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल्स दीजिए सेंटेंसेज में क्योंकि तो मैं भी समझ जाऊँ कि जो आप तक पहुँचा है वो आपको मिल गया Complete हुई थी ना संस्कार बता रहे हैं। दे दो भाई कुछ अच्छे अच्छे क्रिएशंस दे दो नहीं गरिमा बर्फ से क्यों स्टार्ट होगी आप देखो उसी क्लास नोट के आगे कंटिन्यू किया है उसी क्लास नोट के आगे कंटिन्यू किया है मैंने क्योंकि तो हम एक ही टॉपिक कर रहे हैं तो मेरा यह है कि भाई देखो कल प्रोनाउन से शुरुआत हुई थी मुझे लगता है उसके पहले हमने सिर्फ बात किसकी की थी नाउन की की थी आइडेंटिफायर ऑफ नाउन की की थी तो कल प्रोनाउन से चर्चा शुरू हुई थी वो से नहीं हुई थी ये सब आपके पास एक ही साथ आ जाएगा कल के नोट्स भी आप तक अभी क्लास के बाद आप देख लेना तो अपलोड हो चुके होंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीपा ने सेंटेंस बनाया योर कंट्री इज ब्यूट कीर्तिन बनाया कंट्री इज ब्यूटिफुल दीपा ने कहा है योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल आई लाइक योर ड्रेस ठीक है और विनोद बताओ कोई सेंटेंस अगर लग रहा है तो देखो मैं कोई चीज आपको रटने के लिए कहता हूँ नहीं हर एक चीज का लॉजिक बता देता हूँ तो लॉजिक पकड़ लो वही वर्ब जो है वो इस, पहली बात तो स्टैटिक वर्ब नहीं है स्टेटिव है शब्द का सही इस्तेमाल होना चाहिए स्टैटिक का मतलब जो रुका हुआ आपने विनोद यहां स्टैटिक लिखा है स्टेटिव है जो स्टेट बताए अवस्था बताए तो इसीलिए स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है अब जैसे आपने कोई गर्म रॉड को टच कर दिया तो आप क्या बोलोगे हाथ से टच कर दिया इट फील्स हॉट टच हो गया ना गलती से गलती से आपने टच कर दिया तो इट फील्स हॉट हॉट क्या है एडजेक्टिव इट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है रॉड के लिए फील क्या है स्टेटिव वर्ब स्टेट बता रहे हो उस रॉड का लेकिन वही अब सपोज आप किसी चीज को फील कर रहे हैं जैसे डॉक्टर कई बार नब्ज फील करते हैं कि नहीं फील करते हैं या छोटे बच्चों के डॉक्टर कभी उनका बैक ऐसे टच करके फील करेंगे कभी उनकी टमी को टच कर रख के फील करते हैं तो उस समय डॉक्टर लिटरली फील कर रहे हैं तो वहां उस फील को स्टेटिव नहीं बोलोगे वहां वो फील प्रोग्रेसिव वर्ब हो हो जाएगा वो एक्शन रहा है शायद कल भी भी मैंने ये टेस्ट वाली बात भी करी थी कि प्रोग्रेसिवर्शन आप कॉफी टेस्ट टेस्टर हो आप टी टेस्टर हो आप पेस्ट्री टेस्टर हो ऐसी नौकरी मिल जाए तो क्या मजे है नहीं कितनी कन्याओं को पेस्ट्रीज पसंद है तो अगर मान लो पेस्ट्री टेस्टर की जॉब आपको मिल जाए और किसी प्लांट में वो टेस्ट कराएं कि बताओ भाई टेस्ट कैसा है इसका इसमें जो हमने शुगर डाला वो ठीक है और डालना चाहिए जो भी है तो ऐसे में तो आप टेस्ट करोगे उसको वहां पे एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो तब जब एक्शन कर रहे हो तब प्रोग्रेसिव वर्ब है डॉक्टर साहब फील कर रहे हैं तब वो प्रोग्रेसिव है लेकिन वहीं पर आप किसी चीज को फील करके अपनी राय दे रहे हो उसके बारे में तो वो स्टेट बताने लग गए आप तो इसीलिए जब स्टेट बताते हैं तो इंडेफिनेट टेंस में लिखते हैं इट फील्स हॉट इट इज फीलिंग हॉट नहीं होगा बट डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज नर्व वन ही विजिटेड हिज क्लिनिक राइट तो डॉक्टर उसकी नर्व को फील कर रहा था उसी तरीके से स्मेल के बारे में भी बात है कि, कि किसी चीज के बारे में आपने ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे महकाई आपने अपना ज्ञान दे दिया उसके बारे में कि अच्छा महकता है खराब महकता है जैसा भी है लेकिन कोई फूल तोड़ करके नाक के पास लाके महक रहे हो तब वो किस तरह का वर्व हो जाएगा तब वो प्रोग्रेसिव वर्ब हो जाएगा और वहां स्मेल में आई लगेगा तो इंग्लिश ग्रामर में हर एक चीज कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होती है कॉन्टेक्स्ट को इसीलिए डिटेल्ड मैनर में कॉन्टेक्स्ट को समझते चलिए ठीक है योर बैग इज हैवी आई लव योर बैग योर अप्रोच इज यूनिक सत्य सर इज हैंडसम अच्छा जी सत्य सर इज हैंडसम में कौन सा नाउन फ्रेज है भैया बताओ मुझे सत्य सर कृष्णा सो One of my friends is great. कुछ कीर्ति ने लिखा है कॉमेंट साइज को मैं और छोटा करूं तब देख पाऊंगा हाँ ठीक है अच्छे सेंटेंसेस आपने बनाए और कीर्ति ने जो लिखा है मैं वहीं से पकड़ता हूं वो आस्पेक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा रिलेवेंट होता है अगर हम फ्रेजेस की बात करें कि वन ऑफ माई फ्रेंड is a teacher, सिंगर बनाओ इसको जो चाहो बना लो कोई दिक्कत नहीं है अब आपके लिए भी टीचर कहना थोड़ा सा वो रहेगा ना आपके दोस्तों की बात हो रही है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर या सिंगर दोनों में से कौन सा सही है दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है जहां जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कर दो आप हाँ रजनीश माई ओल्ड सिटी इज ब्यूटिफुल एब्सुलटली करेक्ट देखो ये बॉडी बहुत ही अटपटी सी इंग्लिश है लोग बोलते भी हैं और जबान पे चढ़ भी जाती है और इसीलिए आप इस बैच में हैं कि सारे कचरे हम साफ करें सो so, कभी भी वन ऑफ माय फ्रेंड वन ऑफ माय रिलेटिव वन ऑफ माय स्टूडेंट ये अंग्रेजी मत बोलिए थोड़ा सोच के बोलिए आप बात एक की कर रहे हैं एक की बात हमेशा बहुतों में से ही होगी एक की बात एक में से नहीं होगी क्योंकि माई फ्रेंड अगर आपने बोला है तो ये सिंगुलर है मेरा दोस्त मेरे दोस्त में से एक तो निकलेगा नहीं ठीक है तो इसीलिए ये बिल्कुल लॉजिकल है ये गलत है ये सही है वन ऑफ माई फ्रेंड्स अब देखो ये वर्ब है वर्ब के पहले ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज लगा हुआ है लेकिन इस नाउन फ्रेज में इस वर्ब को डिसाइड करने का काम कौन कर रहा है ये वन कर रहा है वन क्या है सिंगुलर है उसके लिए ये इज लगा हुआ है फ्रेंड्स के लिए नहीं लगा मेरे दोस्तों में से एक गायक है तो मैं मेरे दोस्तों की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्तों में से एक की बात कर रहा हूँ और इसी को अगेन रूल के फॉर्म में रट रटते हैं बच्चे जब सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट करेंगे कि भाई जब भी वन ऑफ लिखा हो या ईच ऑफ लिखा हो एनी ऑफ लिखा हो तो आफ के बाद का नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है तो उनको लगता है ये बड़ी बड़ा कठिन सा नियम है जिसको दिमाग में रखना पड़ेगा अच्छा प्लूरल होता है लेकिन तब भी सिंगुलर लगता है एक कॉमन सेंस अपना जगह के देखो आपको साफ नजर आएगा क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो मेरे दोस्तों में से बात आप एक की कर रहे हो ना दोस्तों की थोड़ी कर रहे हो तो एक तो सिंगुलर है तो अब ये रटने की क्या बात हो गई कि वर्ब जो है वो वन के अकॉर्डिंग फिर कुछ ऐसे भी रटते हैं कि प्रन के पहले जो लिखा होता है जैसे आप यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के जो पहले लिखा होता है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है वर्ब को डिसाइड करता है कि प्रेपोजिशन के पहले सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखो प्रिपोजिशन के पहले प्लुरल है तो भाई वो तो होगा ही अब यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई सब कुछ ठीक लिखा हुआ है मैंने यहां फ्रेंड लिख दिया तो सम ऑफ माई फ्रेंड नहीं सम ऑफ माई फ्रेंड्स यहां पे आपको सम ऑफ माई फ्रेंड्स करना पड़ेगा अब देखो अब मेरे दोस्तों से में, में से मैं बात कुछ की कर रहा हूं तो हमें यह गलत नहीं होनी चाहिए कि यहां पे जो आर लगा है वो फ्रेंड्स के लिए लग गया ये लगा हुआ है सम के लिए वही वाली बात की जो प्रिपोजिशन के पहले लिखा होता है वो डिसाइड करता है लेकिन इसको रट रट क्यों रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर मेरे दोस्तों में से कुछ और अगर कुछ हैं तो एक से ज्यादा हो गए ना एक से ज्यादा हो गए तो जैसे ही एक से ज्यादा हो गए वो प्लूरल हो गए दो दो से ज्यादा ही रहेंगे वो तो जैसे ही प्लूरल हुए तो उसके लिए क्या लग जाएगा आर लग जाएगा तो जब आपको नाउन फ्रेज की समझ है ना तो फिर इन सब चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती आपको खुद समझ आता है कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है भले ही कितनी ज्यादा अंग्रेजी क्यों ना लिखी हो और प्रेपोजिशन संबंध बो कव्य कल हमने बात की थी प्रेपोजिशन का काम ही होता है दो पार्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाना राइट तो आपके बाद और और आता किसके पहले नाउन के पहले आता है प्रोनाउन के पहले आता है और नाउन प्रोनाउन से ही संबंध बताता है तो प्रेपोजिशन तो रहेगा ही रहेगा तो इसीलिए फिर लोग रटते हैं कि जी प्रेपोजिशन के बाद जितनी मर्जी अंग्रेजी लिखी आपको ध्यान ही नहीं देना ध्यान आपको रखना है प्रेपोजिशन के पहले जो लिखा हो क्योंकि वही डिसाइड करेगा अब इसको रूल रट रट के करो या समझ के करो तो है ही है कॉमन सेंस की बात है ठीक है चले तो आप तैयार हो गए नाउन फ्रेज में कोई दिक्कत नहीं है आपको और पहचान भी लोगे आप तो पॉइंट सिंपल सा वही है कि नाउन का काम एक शब्द नहीं शब्दों का समूह करे तो नाउन फ्रेज का हो गया अब आ जाओ एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज She appears quite happy. This food tastes very delicious. you are required to figure out grammatically correct sentences अब आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर क्वाइट हैप्पी वेरी डिलीशियस और ग्रामेटिकली करेक्ट ये क्या है यही आपके एडजेक्टिव फ्रेज के उदाहरण है यानी का काम अब एक शब्द न करके शब्दों का समूह कर रहा है तो शी अपियस क्वाइट हैप्पी शी हो गया सब्जेक्ट अपियर्स हो गया आपका स्टेटिव वर्ब वह प्रतीत होती है मालूम पड़ती है कैसी बहुत खुश तो डेफिनेटली ये पूरा एक्सप्रेशन शी को डिस्क्राइब करने के लिए लग रहा है जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं यहां एक शब्द के बजाय दो शब्दों का समूह है तो हम इसे क्या नाम दे देंगे इसे एडजेक्टिव फ्रेज कह लेंगे आप सिंपल और एडजेक्टिव फ्रेज बन कैसे रहा है तो क्वाइट अगर जो शब्द है ये आपका एडवर्ब ऑफ आप डिग्री है और हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव मिलके क्या बन जाता है एडजेक्टिव फ्रेज जैसे नाउन फ्रेज में आपने क्या देखा एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज बनता है टिपिकली हा ना अब योर आइडिया को अगर हम फर्दर ब्रेक करें तो योर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है कल आपने पढ़ा ही प्रोनाउन में ध्यान समझा और आइडिया क्या है नाउन तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके क्या बन गया नाउन फ्रेज बन गया नाउन फ्रेज बन गया यहां भी अगर आप माई फ्रेंड को पकड़ो माई फ्रेंड को पकड़ो तो माई क्या है एडजेक्टिव है और फ्रेंड क्या है नाउन था भाई तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके क्या बन गया नाउन फ्रेज बन गया प्रेपोजिशन किसके पहले पोजिशन होता है भाईये नाउन के पहले प्रोनाउन के पहले और अब हमारे ज्ञान में वृद्धि हो चुकी है नाउन फ्रेज के भी पहले नाउन क्लॉज के भी पहले इवन जो आपने एग्जाम्पल देखा था वो जहरीली शराब वाला उसमें तो नाउन क्लॉज भी लगा था अबाउट के बाद तो पॉइंट यही है कि अब हमारी समझ बढ़ रही है तो नाउन फ्रेज एडजेक्टिव प्लस नाउन टिपिकली और वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव क्योंकि पहले एक शब्द चाहिए ठीक है अब यहां पे भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस ये भी क्या है ये भी आपके एडजेक्टिव फ्रेज के उदाहरण आपने कहा सॉफ्ट स्पोकन गर्ल सॉफ्ट स्पोकन तो वहां पे सॉफ्ट स्पोकन भी क्या है वो भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज है इवन जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था कौन सा ये योर डीप नॉलेज अब यहां पे भी अगर मैं आपसे सेपरेटली पूछूं कि ये योर डीप क्या है तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज़ है क्योंकि तो नॉलेज है नाउन नाउन को जो डिस्क्राइब करे वो क्या हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा दो शब्द मिलके कर रहे हैं तो योर डीप तुम्हारा गहरा ये दोनों एडजेक्टिव का, का काम कर रहे हैं मिल करके एडजेक्टिव फ्रेज़ कहा जाएगा वैसे ही देखो सब्जेक्ट जो है ये नाउन है अब नाउन के पहले ये दीज टू कॉम्प्लेक्स ये जो तो तीन शब्दों का समूह है दीज टू कॉम्प्लेक्स ये दो मुश्किल ये दो मुश्किल किसके लिए लग रहे हैं

तो प्रोनाउन और नाउन फ्रेज तो दीज टू कॉम्प्लेक्स में योर डीप नॉलेज यह भी नाउन फ्रेज है तो प्रेपोजिशन एक नाउन फ्रेज के पहले लग करके उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे नाउन फ्रेज से उसका संबंध बता रहे तो वही जो छोटे से फॉर्म में था शब्द के फॉर्म में था अब आप उसी को फ्रेज में देखने लग गए बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आपकी आंखें और आपका दिमाग इतना खुल जाए कि आप जब भी कुछ पढ़ो तो इस तरह से सेंटेंसेस को ब्रेक कर पाओ घबराओ मत ठीक है तो वो घबराहट धीरे धीरे दूर हो रही है या नहीं हो रही है लग रहा है कि लैंग्वेज समझ में आ जाएगी अब इसीलिए सारी कवायद चल रही है तो ये किसके उदाहरण हो गए एडजेक्टिव फ्रेज के उदाहरण हो गए काम वही सिंपल सा कि अगर एडजेक्टिव का काम एक शब्द नहीं शब्दों का समूह करे अब जिस तरह से हमने देखा कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में नाउन फ्रेज का क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चन में आपको अच्छे से फंसा देते हैं वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज के क्वेश्चन में फ्रेज का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कैसे विद्या गेव मी Five hundred rupees. Virat has made. इन पांचों सेंटेंसेस के बारे में आपकी क्या राय है दीपा पूछ रहे दिस फूड, दिस फ्रूट फूड नाउन फ्रेज होगा बिल्कुल दिस फूड नाउन फ्रेज होगा देखो खुद ही समझने लग गए तो दिस फूड इज वेरी डिलीशियस अब जैसे हमने मान लो ये कहा कि दीपा इज इंटेलिजेंट तो दीपा अकेले एक शब्द थी तो वो नाउन हो गई थी इंटेलिजेंट अकेला एक शब्द था तो दीपा की विशेषता बता रहा था उसे एडजेक्टिव कहा अब दिस फूड इज वेरी डिलीशियस सेम गणित पकड़ लो इज यहां पे भी बीच में आ रहा है इज के पहले दिस फूड ये खाना तो भाई सब्जेक्ट का काम कर ही रहा है वो उसी के बारे में तो बात कर रहे हो ना सब्जेक्ट वही तो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है दिस फूड नाउन फ्रेज हो गया और वेरी डिलीशियस अब अकेला एक शब्द तो है नहीं कि हम एडजेक्टिव बोलें दो शब्द मिल करके बता रहे हैं उसको कि ये खाना बहुत स्वादिष्ट है तो एडजेक्टिव फ्रेज बस कोई चीज रटनी नहीं है गणित पकड़नी है बस मैथमेटिक्स पकड़िए आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी चाहिए ठीक है आपने अपने दिमागी मशक्कत कर ली देखो पहला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यू गेव मी फाइव हंड्रेड रुपीज़ विराट हैज़ मेड सेवन थाउजेंड रन ये गलत है रवि गेव मी अ फाइव हंड्रेड रुपीज नोट ये भी गलत है एंड uh, रिया गेव मी टू फाइव हंड्रेड रुपी नोट्स ये सही है तो यानी पहला और चौथा सेंटेंस सही है दूसरा और तीसरा गलत है और अगेन इसके पीछे भी इन सेंटेंसेस के देने के पीछे भी कारण यही है कि हम चीजों को रटते हैं रूपी में ये लग जाता है यहां रूपीज होता है यहाँ रूपी होता है बेचारा बच्चा चक्कर हो जाता है कि यार कभी कहते हैं रूपीज होता है कभी रूपी होता है ये लगाओ तो ये मत लगाओ पूरी बात को समझ लो स्ट्रक्चर को समझ लो अपने बात अपने आप बात क्लियर हो जाएगी <coughs> विद्या सब्जेक्ट गेफ वर्ब किसको दिया मुझको दिया ठीक है ये ऑब्जेक्ट नंबर वन भाई जो कलम ने बात की थी कि जिसको दिया जाए या जिसके ऊपर एक्शन अप्लाई हुआ जाए वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है जो होम का जवाब है और उसको क्या दिया तो फाइव हंड्रेड रुपीज राइट right? तो ये दूसरा आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन इस ऑब्जेक्ट में आप क्या देख रहे हो ये नाउन है और फाइव हंड्रेड इस पर्टिकुलर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे ठीक है और एडजेक्टिव फ्रेज प्लस नाउन मिलकर क्या बन जाता है नाउन फ्रेज बन जाता है तो अब वही देखो एक ऑब्जेक्ट ये मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये नाउन फ्रेज हो गया ठीक है

हम मासूम होते हैं मन में सवाल पैदा होते हैं आप कहोगे सर पाँच है ना यहाँ तो ये तो फाइव की बात कर रहा है तो फाइव हंड्रेड्स क्यों नहीं कर सकते सर एक तो है नहीं तो पाँच है आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है बट जैसे कि गणित में अंकों का स्थानीय मान होता है वैसे ही शब्दों का स्थानीय मान होता है ग्रामर में यही आपको मैंने कहा भी ग्रामर इज ऑल अबाउट टू थिंग्स वर्ड का प्लेसमेंट वर्ड का सिलेक्शन वो लग कहाँ रहा है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं आप फाइव कर लेते हैं अगर वो, वो, वो जो है एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा होता यहां ये यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है और आपको पता है कि हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते सिंगुलर प्लूरल सिर्फ नाउन होता है या नाउन का इक्विवेलेंट, यानी प्रोनाउन कर सकते हो कि अच्छा हाँ ही और शी जो है वो सिंगुलर है और दे जो है वो प्लूरल है आई जो है सिंगुलर है वी जो है वो प्लूरल है मैं और हम या वह और वे तो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल होते हैं इवन हम ये भी बोल लेते हैं ना कि प्लूरल वर्ब तो प्लूरल वर्ब तो नहीं होता प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब लगता है उसको प्लूरल वर्ब बोल देते हैं कि जी आर है तो प्लूरल वर्ब हो गया ये या वर है तो प्लूरल हो गया हैव है तो प्लूरल हो गया क्योंकि वो लग रहा होता है प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल नहीं होता क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का मतलब नंबर नंबर ही तो होता है सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर एक वचन बहुवचन नंबर किसके लिए होता है भाई नाउन के लिए होता है नंबर होगा जेंडर होगा ये सब नाउन के ही पहचान है तो आ, आपको यहां पे यह देखना है कि भाई ये पर्टिकुलर जो शब्द है वो काम किसका कर रहा है अगर यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते यहां पे 500 हंड्रेड जो लिखा था यह बिल्कुल दुरुस्त था अगर हंड्रेड हो जाता तब गलत होता अब देखो वही गलती यहां पर हुई है रन नाउन है प्लूरल है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं यहां पे यह प्लूरल हो गया लेकिन सेवन थाउजेंड्स लिखा हुआ है अब रन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है वो एडजेक्टिव फ्रेज है और एडजेक्टिव को हम प्लूरल कर नहीं सकते तो इस सेंटेंस को करेक्ट हटाना पड़ेगा लिखा है, कोई नहीं है उसमें. वैसे अगला किसकी आ, किस आ गई है नोट देखो नाउन हो गया नोट अब नाउन है और नाउन के पहले जो भी कुछ लिखा है वो क्या है उस नाउन को नोट को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया और हमें पता है कि हम कभी किसी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते तो इसीलिए इसको रूपीज को रूपी करना पड़ेगा यहाँ पे यहां रूपीज क्यों हो गया क्योंकि ये नाउन था सेंटेंस के लास्ट में था प्लूरल कर सकते हो बट यहां पे नाउन नोट है नोट कितने का पांच सौ रुपए का नोट तो इधर आपका काम ये एडजेक्टिव का कर रहा है तो इसलिए हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते सिंपल सा फंडा कि एडजेक्टिव फ्रेज यहां पे भी हैं एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते इधर क्या था टू फाइव हंड्रेड रुपी नोट ये बिल्कुल ठीक है अब देखो यहां ये नोट किसके अकॉर्डिंग लगा है ए क्योंकि एक नोट है पांच सौ का अब नोट दो हो गए तो इसलिए यहां पे नोट्स लगा हुआ है ये दो के लिए नोट्स लगा है और टू फाइव हंड्रेड रुपी ये पूरा का पूरा चार शब्दों का समूह इन नोट्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है टू नंबर बता रहा है ये कितने डिनोमिनेशन का है पांच सौ रुपए का नोट है वो ये बता रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा एडजेक्टिव फ्रेज अगर मान लो मैं यहां रुपीज कर देता तो गलत हो जाता तो बहुत सीधी सी बात कि एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे अगर कोई भी एक्सप्रेशन लग रहा है तो उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि इन जनरल एडजेक्टिव प्यूरल नहीं होते नाउन प्लूरल होते हैं ठीक है नाउन प्लूरल हो गया तो ये इंपॉर्टेंस है इन चीजों का ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर पे तो भाई पूरी पूरी अंग्रेजी उसी पर तो आधारित है पूरी ग्रामर पढ़ते क्यों हैं क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही से लिख पाएं सही से बोल पाएं अब वेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ुलर मीडियम लाइक एवरी वन कम्स फ्रॉम वर्नेकुलर मीडियम यानी सब अपनी अपनी भाषाओं से ही आते हैं हम में से कोई अंग्रेजी में तो नहीं पैदा हुआ ना सब अलग अलग राज्यों में पैदा हुए हैं सभी की अपनी भाषा है बोली है बट जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें कई बार वर्नेकुलर मीडियम से आप आते हैं वो झलकता है मदर टंग इन्फ्लुएंस झलकती है बोलने में एंड लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट स्ट्रगल इन मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ये सर नो ये उसी में ज्यादा एनर्जी लग जाती है कि भाई जो बोल रहा हूं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है तो फिर बाकी चीजों पे फोकस खत्म हो जाता है अपने यहां इंपॉर्टेंस दिस एरिया हैज़ जिसपे मैं इन जनरल हर बैच में फोकस कराता हूं बैंक का बैच चल रहा है वहां पर भी यही चल रहा है मुझे कोई झुंझुने जुन नहीं दे देता कि नहीं आ जाओ अरे भाई पहले देखो अपनी बीमारी सब कुछ तो सेंटेंस में बेस्ड है चाहे कोई ग्रामर का क्वेश्चन करो वो कैब का क्वेश्चन करो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन करो हर जगह मुलाकात होगी एक वाक्य से वाक्य भी बड़े वाक्य होंगे हर वाक्य में फ्रेज होगा क्लॉज होगा जिस मासूम बालक बालिका को वही नहीं समझ आता बेचारे को वो सब कुछ पढ़ रखा है पढ़ रखी है बट स्टिल दे स्ट्रगल सो वंस यू आर क्लियर विद दिस दिस विल हेल्प यू आउट इन योर रीडिंग इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड इवन इन योर स्पीकिंग एज वेल बिकॉज यू डू नो दैट वॉट इज सब्जेक्ट ट इज ऑब्जेक्ट व्हाट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हाट इज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यू नो तो ये सारी बातें आपको समझ आएंगी जैसे एडजेक्टिव फ्रेजे एडजेक्टिव क्लाजेज कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं आप अभी क्वेश्चन में देखोगे सब्जेक्ट लिखा है पहली लाइन में वर्ब लिखा है चौथी लाइन में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सब्जेक्ट का परिचय है सब्जेक्ट का परिचय है अब आज पता नहीं आपने मॉर्निंग में एडिटोरियल सेशन अटेंड किया है कि नहीं आज का सेशन डिस्टर्ब भी हो गया था अचानक से सारा ब्लैकआउट हो गया था इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट हुई इंटरनेट डिसरप्ट हुआ वो तो फिर मैंने उसको फिर से लाइव नहीं ही किया मैंने लेकिन आज हम कर रहे थे एडिटोरियल में दिखाता हूं आपको द हिंदू और देखो ये उस पर जरूर ज्वाइन हो जाइए आप बहुत जरूरी है वो आपके लिए बार बार उस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आपको अभी जो समझाया उसी का नमूना दिखा देता हूं यहां पे तो ये आठ बजे मेरे चैनल पे होता है ये तो वो कैब हो गई और उसके बाद ये था आपका ्यूमनाइड रोबोट इन स्पेस द नेक्स्ट फ्रंटियर ये आपको कई अखबारों में मिलेगा आप वैसे ही गूगल पे ही डालेंगे ना यही लाइनें डाल दो कई सारे अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस में भी है मिंट में भी है रॉयटर्स में भी है न्यूयॉर्क टाइम्स में भी है तो कई जगह ये छपा है कल का ही है तो आ, अब इसमें देखो स्टैंडिंग एट सिक्स फीट टू इंचज वन एटी एट सेंटीमीटर स्टॉल एंड वेइंग थ्री हंड्रेड पाउंड किलोग्राम नासाज ह्यूमनाइड रोबोट वेल्के इज एन इम्पोजिंग फिगर अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मुझे बच्चे अभी तो आप पढ़ रहे हो ये किस तरह का फ्रेज है तो आपको पता है अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये पूरी की पूरी जानकारी किसके लिए कही जा रही है नाशा का जो ह्यूमनाइड रोबोट है ह्यूमन जैसा रोबोट दिखने वाला जिसका नाम है वेलक्यूरी उसी के बारे में है कि भाई वो जो रोबोट है वो छ फिट दो इंच लंबाई है उसकी एक सेंटीमीटर और उसका वजन जो है वो तीन पाउंड एक किलोग्राम का है अब देखो यहां पर भी एडजेक्टिव फ्रेज वही जो पढ़ रहे हो वही तो है अब एडजेक्टिव फ्रेज इन्होंने शुरुआत में ही लगा दिया शुरुआत में भी लग सकता है अब बेचारा एक मासूम बालक बालिका सोच रहा है यार इसका सब्जेक्ट कहां गया हमने तो बचपन से पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहां है वो जूझेगा या नहीं जूझेगा बताओ मुझे मैं एक मासूम बच्चे के ही ब्रेन के पर्सपेक्टिव से माइंड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं तभी मैं इतना परेशान रहता हूं क्योंकि आपका उद्वेलन अंदर का बेचैनी समझ आती है क्योंकि अब उम्र भी हो जाती है किससे पूछे जाकर के ये सब चीजें जो से पूछ रहे पढ़ाई उसने भी कर रखी है तो ढूंढो यहाँ पे सब्जेक्ट भाई सब्जेक्ट तो इधर आ रहा है ये इज पे लगा हुआ है ना जो कि नाशा के ह्यूमनाइड रोबोट वेलकरी की बात हो रही है नाशा का ह्यूमनाइड रोबोट वेलकरी अब अगेन ये पूरा का पूरा देखो तो ये भी वेलकरी का ही परिचय इज एन इम्पोजिंग फिगर अब जब वो छह फिट दो इंच का एक सौ छत्तीस किलो का है तो रोबोट तो तगड़ा होगा ही इम्पोजिंग फिगर होगी उसकी और ये उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया

कि आफ्टर फीमेल फिगर इन नॉर्स माइथोलॉजी इसका जो लेकिन वेलकरी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि उसको डिजाइन किया गया है डिग्रेडेड डैमेज ह्यूमन इंजीनियर इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के लिए ठीक है तो देखो यही है स्ट्रक्चर की बात इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं बिकॉज इन्हीं आर्टिकल से से इन्हीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में ह्यूमनाइड रोबोट रिजेंबल्स क्या है वर्ब है तो ह्यूमनाइड रोबोट क्या हो गया एनपी हो गया नाउन फ्रेज हो गया आर्टिकल किसके पहले लगता है नाउन के नाउन फ्रेज के पहले तो ह्यूमनाइड रोबोट है तो वो रिजेंबल करता है एक इंसान से टिपिकली विदर्सो हेड टू आर्म्स एंड टू लेग्स ठीक है

सीधी गणित पकड़ लो अब स्टर्डे अकेला एक शब्द है तो इसको हम एडवर्बल फ्रेज नहीं बोलेंगे ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया बट उसी में अगर आई मेट यू अ फ्यू ईयर्स बैक ये कर दिया ना कुछ साल पहले तो अब ये अ फ्यू ईयर्स बैक क्या है ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया शी परफॉर्म्ड इन अ ब्रिलियंट मैनर अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि दिस इज अ फ्यू इयर्स बैक ये क्या है दैट इज एडवोबियल फ्रेज ऑफ टाइम ए डी वी पी एच ऑफ टाइम हो गया ये समय की बात कर रहा है लेकिन शब्दों का समूह है और वैसे ही अगर देखो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली तो अगर शी परफॉर्म ब्रिलियंटली कहा तो ब्रिलियंटली अकेला एक शब्द था जो जिसने बताया कि उसने कैसा परफॉर्म किया अब उसी के लिए यहां पे क्या लग रहा है पूरा का पूरा आपका फ्रेज लग रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे एडवोबियल ऑफ वट मैनर ऐसे ही आपने मान लो सेंटेंस ये बोला कि बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम आई कुड नॉट कम ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम आई कुड नॉट कम ऑन टाइम अब मैं आपसे पूछू यहां पर यह बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम क्या है यह क्या है तो ये आपका एडवोबियल एडवोबियल फ्रेज ऑफ रीजन हो गया एडवरबियल फ्रेज ऑफ रीजन हो गया यह कारण बता रहा है ये आपका कारण बता रहा है कि ट्रैफिक जैम की वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच सका तो इस वर्ब के होने का कारण कुड नॉट कम कोई पूछे क्यों नहीं आ सके तुम समय पर तो क्यों का जवाब है ये कल हमने बात की थी क्यों का जवाब कब का जवाब कहां का जवाब कैसे का जवाब जो भी होता है वो सब एडवर्ब होता है तो वो एडवर्ब का काम अगर एक शब्द करे तो आप उसको एडवर्ब बोलिए अदरवाइज अगर फ्रेज कर रहा है तो एडवरबियल फ्रेज बोलेंगे आप बात समझ आ गई सभी को एवरी वन इज क्लियर विद दिस एग्जाम्पल लिखेंगे थोड़े एडवोबियल के, एडवरबियल फ्रेजेस के एवरी जो सीखो उसको तुरंत प्रैक्टिस में उतारो गलत करोगे आप तो कम से कम वो सही हो जाएगा मैं देख लूंगा उसको तो इसलिए बिल्कुल हिचकिचाइए मत और दिल खोल के रख दीजिए कहता कहा जाता है ना डॉक्टर और टीचर से कुछ छुपाते नहीं छुपाने में नुकसान हमारा ही होता है कई बार उसको पता तो है आपकी बीमारी जैसे मुझे तो पता ही है इतने सालों से पढ़ाते हुए भी किस कहाँ बीमारी है बट स्टिल आप उसके बारे में जाने बताएं बात करें तो और अच्छा रहता है सर इन ब्रिलियंट मैनर में भी एडजेक्टिव और नाउन भी है ना बिल्कुल 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 बट हम पूरे के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना हम पूरे के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कीर्ति किसने पूछा ये हां कीर्ति नहीं पूछा है। अब इसको मान लो बस इतना मैं पूछ लूं आपसे कि ब्रिलियंट मैनर मुझे बताओ तो आप कहोगे इसे क्या अगर मैं सिर्फ इतना पूछ लू कि ब्रिलियंट मैनर क्या है तो आप कहोगे सर ये नाउन फ्रेज मैनर तरीका ब्रिलियंट एडजेक्टिव ठीक है एडजेक्टिव प्लस मिल के नाउन फ्रेज और उसके लिए हेल्पिंग मददगार आपके लिए आर्टिकल ए लगा ही है तो आपको पता है कि आर्टिकल जो वो noun है वो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगता है बट यहाँ पे पूरा का पूरा जब देखेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा एडवर्बियल फ्रेज क्योंकि इस वर्ब के होने के तरीके के बारे में बता रहा है क्लियर हो गई बात कीर्ति बहुत रिलेवेंट पॉइंट कीर्ति ने पूछा है इसीलिए मैं तो घुस घुस के पूछता रहता हूँ बताओ, बताओ ये क्या है बताओ ये क्या है बताओ ये क्या है तो उसको आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है He played very well, बहुत अच्छा दीपा तो he played very well में very well दो शब्द मिल गया ना तो इसको क्या कहोगे आप? Adverbial, of manner. बहुत अच्छे। क्वाइट ब्रिलियंटली क्या हो जाएगा अभी ब्रिलियंटली जगह पे क्वाइट ब्रिलियंटली मान लो कह दिया या इन अ ब्रिलियंट मैनर कह दिया एक शब्द से जैसे ही ज्यादा हुआ उस पर्पज के लिए वो तुरंत क्या बन जाएगा फ्रेज बन जाएगा हाँ ड्यू टू रेन आई वॉज लेट क्या मन, मनिका क्या लास्ट वाला पूछना है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम अब देखो इसको आप जो है क्लॉज तो नहीं कह सकते ना इसमें कोई वर्ब तो है नहीं तो ट्रैफिक जैम की वजह से आई कुड नॉट कम ऑन टाइम मैं समय पर नहीं आ सका और एक छोटी सी बात और भी यहां पर समझ लीजिए सभी के लिए कि जो हमारे एडवर्बियल्स होते हैं ना वो सेंटेंस के शुरू में भी लग सकते हैं लास्ट में भी लग सकते हैं जैसे आप ये भी कह सकते हो कि आई कुड नॉट कम ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम ठीक है या फ्यू ईयर्स बैक कॉमा आई मेट यू जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना आई मेट यू अ फ्यू ईयर्स बैक तो a few ईयर्स बैक स्टार्टिंग में भी आ सकता है और फिर लगेगा कॉमा और फिर आएगा आई आए। तो यानी एडवर्बियल के बाद फिर सब्जेक्ट लगता है तो वही वह हो हों जैसे जो पैराग्राफ आपको दिखाया मैंने एडिटोरियल वाला तो वहाँ पे आप देखो पहले उसका पूरा परिचय कि उसकी लंबाई कितनी है वजन कितना है ये बता दिया तो ये मॉडिफायर वाले फ्रेज हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को कंबाइंड तरीके से मॉडिफायर कहा जाता है बिकॉज इन दोनों के पास काम क्या है बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताना तो जो मॉडिफायर वाले फ्रेजेस होते हैं वो कई बार एडजेक्टिव भी हो सकते हैं एडवर्ब भी हो सकते हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं अभी आपने उसी आर्टिकल में वो उदाहरण देखा ह्यूमनाइड रोबोट वैलक्री क्या नाम है ही सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी नाइसली सी सिंग्स वेरी वेल ठीक है गरिमा आ जाओ अब चलते हैं वर्बल फ्रेज की तरफ बहुत ही आसान है यानी वर्ब का काम जब एक शब्द करे तो वर्ब बोलो जब आपके पास वर्ब के एक से ज्यादा शब्द हो तो वो वर्बल फ्रेज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल गरिमा कंप्लीटेड हर असाइनमेंट हर टास्क क्यों ज्यादा अंग्रेजी लिखी जाए चलो अब इसके बाद अब अकेला एक शब्द है ना जो वो ई गरिमा -E. कर दो बाकी सब कुछ सेम हैज कंप्लीटेड हर टास्क अब इसी में गरिमा Will have completed और गरिमा will have been completing हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करिए अपने आप चीजें क्लियर रहती हैं अब देखो इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को सेम रखा हुआ है गरिमा और ऑब्जेक्ट भी सेम है हर टास्क ठीक है ऑब्जेक्ट भी आपका सेम है हर टास्क नाउन फ्रेज ठीक है दो शब्द आ गए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहां पे अकेला एक शब्द था तो हम क्या बोलेंगे वर्ब लेकिन नीचे के तीन सेंटेंसेस में क्या नजर आ रहा है नीचे के तीन सेंटेंसेस में आपको नजर आ रहा है शब्दों का समूह जो कि वर्ब का काम कर रहा है तो इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लिखा हुआ है अब हम उसे क्या नाम दे सकते हैं वर्बल फ्रेज वर्बल फ्रेज ठीक है इसी को वर्बल फ्रेज कहते हैं और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में या बैंक वालों को यही चीज फ्रेज रिप्लेसमेंट करके बोलते हैं वो फ्रेज रिप्लेसमेंट फ्रेज का मतलब ही क्या है भाई शब्दों का समूह सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता भी वही है दो चार वर्ड अंडरलाइन कर दिया फिर चार ऑप्शन दे दिया बताओ कौन सा करेक्ट होगा और वर्ब और टेंस तो बहुत कॉमनली है पूछा जाना तो वहां पे आपको ये देखने को मिलता है ठीक है तो सिंपल शब्दों में वर्बल फ्रेज क्या हो गया एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करने वाले सारे शब्दों को कंबाइंड मैनर में वर्बल फ्रेज कहा जाता है ठीक है सो तो एक सेंटेंस में वर्ब की कैटेगरी से अब हैज हेल्पिंग वर्ब है कंप्लीटेड मेन वर्ब है विल मॉडल वर्ब है बिल मॉडल वर्ब है प्राइमरी हेल्पिंग बीन प्राइमरी कंप्लीटिंग मेन वर्ब तो होगा तो वर्ब के ही किसी ना किसी टाइप से ना हेल्पिंग होगा मेन होगा मॉडल होगा मेन होगा कुछ भी तो सब के सब कंबाइंड मैनर में क्या कहे जाते हैं वर्बल फ्रेज और आखिरी जो पड़ाव है ना वो है फ्रेजल वर्ब का और वो समझना और जानना जरूरी इसलिए है बिकॉज वर्बल फ्रेज फ्रेजल वर्ब में लोग कन्फ्यूज होते हैं जबकि कोई कारण नहीं है कन्फ्यूज होने का नाम से ही पता लग रहा है वर्बल फ्रेज का मतलब वर्ब के शब्द एक साथ कर लो जैसे नाउन वाला काम करने वाले शब्द को एक साथ कर लो तो नाउन फ्रेज था प्रेजल वर्ब वर्ब में क्या है कि एक फ्रेज वर्ब का काम कर रहा है ठीक है एक फ्रेज वर्ब का काम करने लग गया अब जैसे मैं आपसे पूछू अगर कि वेयर डू यू पुटअप आप कहां पे रहते हो तो यहाँ पुटअप का क्या मतलब है ये फ्रेज है ना दो शब्दों का समूह है तो यहां पे पुटअप का मतलब है टू रिसाइड आप कहां रहते हो राइट right. बट वहीं पे अगर ये लिखा हो कि आई वॉज पुटअप विद हिम इन दैट रूम आई वॉज पुटअप विद हिम तो विद का मतलब होता है किसी को किसी को को झेलना बर्दाश्त करना टू टॉलरेट समय पुटअप विद हिम इन दैट रूम इसका मतलब मैं उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहता था बट मुझे रहना पड़ा वहीं पे जब आप पुट ऑन पुट ऑन क्लोथ्स है या पुट ऑन वेट है देखो दोनों इस्तेमाल होता है तो पुट ऑन वेट का मतलब वेट गेन करना पुट ऑन क्लोथ्स का मतलब कपड़े पहनना ठीक है के साथ इस्तेमाल होता है यानी आग बुझाना तो अब ये क्या दिख रहे हैं आपको पुट ऑफ अगर आपने किसी को पुट ऑफ कर दिया अपने आंसर से अपने एक्ट से तो इसका मतलब हो जाता है disappoint कर देना किसी को disappoint कर देना निराश कर देना दिस इज द कहानी राइट right? ऐसे बहुत सारे हैं और फ्रेजल वॉफ की संख्या हज़ारों में है उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाती है आपके नोट्स के सेक्शन में रीडिंग के लिए कुछ हंड्रेड थर्टी सिक्स पेज के मोर देन थाउजेंड क्योंकि इनको आप देखो रट नहीं सकते रटना यहाँ पे भी नहीं इट्स ऑल इट इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर एक्चुअली कितना आप पढ़ते सुनते देखते हैं जैसे तो पुटअप ही है तो आई पुटअप और नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड बोलोगे तो वहाँ पुटअप का मतलब नोटिस चिपकाना हो गया ठीक तो uh, अब जैसे अभी uh, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब श्री एस जयशंकर कॉल ऑन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन तो अभी कॉल ऑन का क्या मतलब है मीडिया में चल रही है ना विजुअल्स कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे विजिट किसी को जाकर के मिलने को हम क्या कहते हैं कॉल ऑन कहते हैं वहीं पे आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन शाहरुख खान टू अवार्ड, तो इसका मतलब इनवाइट टू डू टू डू समथिंग ठीक है आई कॉल डू अप आई कॉल यू अप का मतलब क्या हो गया किसी को फोन करना टू फोन आई कॉल यू कॉल फॉर कॉल फॉर सपोर्ट तो अगर आप कॉल फॉर कर रहे हैं तो इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं तो कहने का यह मतलब है कि भाई कॉल के आगे अलग अलग प्रपजिशन लगाए उससे मतलब अलग हो जाता है यानी ये सारे के सारे एक फ्रेज हैं शब्दों के समूह हैं लेकिन ये एक वर्ब के तौर पे काम करते हैं और अच्छी इंग्लिश में फ्रिजल वर्ब्स का इस्तेमाल हमें देखने सुनने को खूब मिलता है तो यहाँ पे क्लासेस में चीज़ों को आप पढ़िए समझते चलिए प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे साथ ही साथ यूट्यूब सेशन में भी जुड़िए मॉर्निंग में राइट वहाँ भी माथा बच्ची करिए तो यू विल फील वही बात यू विल फील मच लाइटर विद इन अ मंथ और सो आपकी इंग्लिश जैसे भी हालत में हो अभी बैच शुरू हुआ है काफ़ी बेहतर आप हो जाएंगे क्योंकि मैं हमेशा से प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे ही ध्यान देता हूँ पेपर भी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ही टेस्ट करता है वहाँ कोई बुकिस डेफिनेशन और आपको एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा वहाँ समझ की टेस्टिंग होगी क्वेश्चन में तो ये समझ भी बढ़ाइए यहाँ भी प्रैक्टिस करिए और मॉर्निंग सेशन में भी ज्ञान के साथ साथ क्वेश्चन ही हैं आरसी की भी प्रैक्टिस वहाँ पे साथ साथ होती रहेगी जब टॉपिक पढ़ोगे तब तो पढ़ोगे ही आप कि कैसे पैसेज़ को पढ़ करके उसमें से काम की बात निकाल के सवालों का जवाब दिया जाता है वो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस भी उस सेशन में होगी इस तरह से उसको डिजाइन किया है ठीक है तो एडवर्बियल फ्रेज को रिपीट कर दूं दीपा सारे रिपीट कर दे रहा हूं नाउन का काम एक शब्द न करके शब्दों का समूह करे नाउन फ्रेज एडवर्ब का काम एक शब्द न करके शब्दों का समूह करे एडवर्बियल फ्रेज एडजेक्टिव का काम एक शब्द न करके शब्दों का समूह करे एडजेक्टिव फ्रेज वर्ब का काम एक शब्द न करके शब्दों का समूह करे आपका वर्बल फ्रेज और जब एक फ्रेज वर्ब के तौर पे काम करे तो फ्रेजल वर्ब उसमें क्या रिपीट करना इतने तो उदाहरण हो गए दीपा तो कोई भी अब जैसे आपने कहा ही प्लेड वेल तो वेल अकेला शब्द था तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया वहीं पे कह दिया ही प्लेड वेरी वेल अब दो शब्द आ गए तो एडवर्बल फ्रेज ऑफ मैनर बोल दो ठीक है वही तो है तो कोई भी टाइम के लिए आपने यस्टरडे कर दिया तो एक शब्द था एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया लास्ट यस्टरडे अ वीक अगो मंथ अ गो अ फ्यू मंथ बैक अ फ्यू ईयर बैक जहां एक शब्द से ज्यादा बढ़ा उसी काम के लिए कम हियर गो देअ में हियर और देअर एक शब्द है तो एडवर वॉफ प्लेस बोलोगे राइट right? लेकिन वहीं पे काम कहां हुआ उस जगह को बताने के लिए शब्दों का समूह लग रहा है तो उसको एडवरबिल फ्रेज ऑफ प्लेस बोल देंगे सिंपल किसमें डाउट है दीपा एडवरबियल में एडवरबिल में डाउट है सब तो लिख ही दिया ये ये अकेला एक शब्द था इसी को नहीं लिखा क्योंकि ये एडवर्ब है ये तो बस आपको तुलना करने के लिए दिया ये एडवर्ब ऑफ टाइम है अकेला एक शब्द बाकी सब में में आप देख रहे हो शब्दों का समूह आ गया तो एडवर्बियल फ्रेज हो गए क्लियर हो गई बात सो so, दूसरे पड़ाव फ्रेज को भी हमने जो है वो खत्म कर लिया अब हम चलेंगे क्लॉज की तरफ ठीक है और कोशिश कल ये रहेगी क्लॉज आपका हो जाएगा और हम फिर प्रैक्टिस के भी कल फ्राइडे है ना हाँ तो कल कोशिश मेरी रहेगी कि ये हम इसको कंप्लीट कर लें तो क्लॉज बचा है क्लॉज और उसके साथ साथ अब एक्चुअली बहुत तेजी से आप गाड़ी पकड़ते हो अब ट्रेन को पकड़ने में ना देरी नहीं लगती वर्ड जैसे ही समझ आता है फ्रेज क्लॉज अपने आप समझ में आने लग जाते हैं थर्ड में समझ में आ गया शी परफॉर्म्ड इन अ ब्रिलियंट मैनर ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है दीपा मैनर की तो बात कर रहा है ना कैसे किया मैंने वही बोला अगर इसी को ब्रिलियंटली लिख दिया जाता तो सिंपली एडवरबाफ मैनर हो जाता या क्वाइट ब्रिलियंटली कहते तब भी एडवरबियल फ्रेज हो जाता क्योंकि क्वाइट डिग्री हो जाता डिग्री बढ़ा देता क्वाइट ब्रिलियंटली काफी अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया इन अ ब्रिलियंट मैनर भी कर दिया तो भी वही काम कर रहा है क्लियर है एवरी तो जिन लोगों ने भी आ, आज इस बैच में ज्वाइन किया है आप आज इस बैच में जुड़े हैं आपका वेलकम है लेकिन पीछे की क्लासे ज़रूर देख लीजिएगा बिकॉज एक लॉजिक के साथ चीज़ें चलती हैं और ग्रामर फाउंडेशन हम कर रहे हैं ग्रामर का प्राइमर कर रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख रहे हैं आज आज की क्लास में आपने देखा ही मैं किस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि अगर हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा तो पढ़ने में दिक्कत समझने में दिक्कत बोलने में दिक्कत लिखने में दिक्कत हर जगह दिक्कत ही दिक्कत होगी तो इसीलिए लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये नहीं क्या आते ही नाउन शुरू कर दिया अरे नाउन भी पढ़ोगे वहाँ भी क्वेश्चन आप करोगे तो सेंटेंस तो मिलेगा ना उस सेंटेंस में भी फ्रेज और क्लॉज है तो पूरा सेंटेंस आपको कभी समझ नहीं आएगा बस नाउन का जहाँ एरर है उतना ही देख पाओगे तो फिर समझ आपकी हमेशा संकुचित रहती है और इसीलिए परफॉर्मेंस भी फिर एक लेवल पर जाकर रुक जाती है तो ये पूरी समझ इसीलिए है क्योंकि कॉम्प्रहेंशन वुकैब ग्रामर किसी भी एरिया का कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे वाक्यों से मुलाकात होगी और उस एक वाक्य को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो इसीलिए मेहनत हो रही है जरूर देख लें और आपके जो भी मित्र जानने वाले इंग्लिश को पढ़ना ढंग से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं रटने वालों को बिल्कुल रिकमेंड मत करिएगा टिप्स और ट्रिक्स वाले शॉर्टकट वाले हंड्रेड रूल्स फिफ्टी रूल्स गोल्डन सिल्वर उनकी कोई आवश्यकता नहीं वो बेचारे पजल्ट हो जाएंगे और ठीक है कई बार ठोकर खा के पता लगता है कि हाँ ठोकर लगेगी तो आ, मैं इसीलिए आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि उस तरह की पढ़ाई में फिर ठोकर लगनी है एक लेवल तक आप सीमित होते हैं हो सकता है कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उतने से तो फिर बात वही है कि कोई भी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा जहां पे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी फिर ज़िंदगी हमारी है चॉइस भी हमारी है आपको छोटा खेलना है छोटे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं छोटी लेवल की ज़िंदगी जीनी वो भी आपकी कॉल है और आपको चीज़ें बेहतर करके अपने आप को उठाना है एक इंडिविजुअल के तौर पर एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग हो जब आपसे कोई मिले तो लगे हाँ किसी से मिले वो भी आपकी चॉइस है तैयारी यही होती है जो इसी में ढंग से करता है उसके रैंक ऊपर आती है सैलरी पैकेज अच्छा होता है ग्रेड पे अच्छा होता है इसी तैयारी में जो कामचोरी करता है उसको लोअर लेवल की जॉब्स मिलती हैं वैसे ही संगति रहेगी वैसे ही सर्कल रहेगा तो चॉइस हमारी होती है ज़िंदगी में हम ही च्वाइसेज लेते हैं हमें कई बार पता नहीं लगता तो मेहनत करने के लिए तैयार रही अब ज़्यादा मेहनत है नहीं घर पर बैठे बैठे सारी चीज़ें रेडीमेड फॉर्म में मिल रही हैं बस जो कराया जा रहा है उसको डिसिप्लिन के साथ करते रहिए जो कराने के बाद भी एक्स्ट्रा बातें मैं बोलूंगा करने के लिए से अभी तो बस आपसे इतनी दरख्वास्त करिए कि यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेक्सो विद सत्येंद्र तिवारी वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए सेशंस देखिए जो भी सेशंस वहाँ पे हो रहे हैं छोटे छोटे सेशंस भी आपको आगे मिलेंगे हर एरिया से संबंधित तो करते हैं ग्रामर फाउंडेशन का ज्ञान हमने ले लिया था ग्रामर प्राइमर बोलो ग्रामर फाउंडेशन बोलो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शनल आस्पेक्ट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वर्ब कंजंक्शन ये सब आपने समझ लिया उसके बाद हम फ्रेजेस पे आए जो शब्दों के समूह होते हैं लेकिन इनके पास अपना वर्ब नहीं होता उनकी आइडेंटिफिकेशन सीखी नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज़ वर्बल फ्रेज फ्रेजल वर्ब और फिर हमने बात की थी किसकी क्लॉज की क्लॉज की एनालिसिस करी कि भाई डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और फिर डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स हमारे नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज और फिर सेंटेंसेस के टाइप्स सिंपल कम्पाउंड कॉम्प्लैक्स तो ये पूरा का पूरा ज्ञान आपने ले लिया था और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में ये कहा था कि आज हम उस ज्ञान का एप्लीकेशन करेंगे अपने आप को टेस्ट करेंगे तो आज वही दिन है ये शीट आपके सामने हैं और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो वर्ड के भी हैं फ्रेजेस के भी हैं और क्लॉजेस के भी हैं और फिर आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे जहाँ से आपको फिल्टर करके बताना होगा कि किस तरह का फ्रेज़ है किस तरह का क्लॉज है और उसका नाम क्या है तो आओ सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने से आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड सिंस दिया सेज सो आई बिलीव इट एंड माई ब्रदर हैज बीन इल सिंस सिंस वर्ड कॉमन है उसकी प्लेसमेंट और उसके फंक्शन के बेसिस पे आपको बताना है कि क्या है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल गुड मॉर्निंग अंकिता सागर स्नेहा नितिन अभिषेक सुमित पूजा सभी को गुड मॉर्निंग हाँ जी फटाफट क्योंकि तो क्वेश्चन हमारे पास खूब सारे हैं तो मैं थोड़ा वार्म अप कर दूं आपको ये क्या है सेंस यहां पे ये कंजंक्शन है और आपने कल ये जानकारी ली थी लास्ट सेशन में ये जानकारी ली थी भी अपने पास कंफर्म भी किया था कि भाई अगर कंजंक्शन से आप शुरू करते हैं तो फिर कॉमा बीच में आ जाता है इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ कंजंक्शन तो कॉमा बीच में आएगा राइट अदरवाइज uh, अगर आप ऐसे भी कहें आई बिलीव इट सिंस दे आर सो लेकिन जनरली सिंस के साथ हम शुरुआत ही करते हैं तो ये कंजंक्शन है जो दो को जोड़ रहा है एंड माय ब्रदर हैज बीन इल सिंस यस्टरडे यहां ये क्या है ये प्रेपोजिशन है ये कल के दिन का नाम और जो भी नाउन या प्रोनाउन के पहले पोजिशन होके उसका रिलेशनशिप बताए उसे क्या कहेंगे दैट विल बी कॉल्ड प्रेपोजिशन तो ये आप परफेक्ट में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल तो वहां वो सिंस क्या होता है प्रोपोजिशन होता है तो शब्द एक काम आओ, अब तीन सेंटेंस ऐसे हैं को कॉमन रखा है मॉरल लॉ इज अब सिविल लॉ एंड आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अब गुड मॉर्निंग क्या है नाउन जो नाउन के पहले आके उसको डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव तो ऊपर वाले सेंटेंसेस को एनालाइज़ करो द मॉरल लॉ इज़ अबब द सिविल लॉ जो मॉरल लॉ है वो सिविल लॉ के ऊपर होता है तो सिविल लॉ भी एक नाउन फ्रेज हो गया सिविल एडजेक्टिव लॉ नाउन और नाउन फ्रेज है तभी उसके पहले द लगा है और इधर भी ये नाउन फ्रेज है द लगा है तो ये क्या हो गया ये प्रेपजिशन हो गया प्रपजजिशन का काम ही क्या है एक नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज के पहले लग करके उसी सेंटेंस के दूसरे नाउन फ्रेजेज नाउन से उसका संबंध बताना तो मॉरल लॉ और सिविल लॉ में क्या रिलेशनशिप है? है वो अब, अब बता रहा है कि मॉरल लॉ जो है वो सिविल लॉ के ऊपर है और हमारा आशीर्वाद ऊपर ऊपर से आता है है कम फ्रॉम यहां किसकी तरफ इशारा कर रहा ये वाले का नाम हो गया ठीक है तो दिस इज वॉट यहां पर आप इसको नाउन बोल लो ठीक है ऊपर वाली जगह की तरफ ये इशारा कर रहा है भगवान की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारा आशीर्वाद ऊपर से आता है लेकिन एक रटा हुआ मन क्या रटा हुआ हो सकता है कि फ्रॉम प्रेपोजिशन होता है फ्रॉम दोनों एक साथ लगे हैं बट फ्रॉम प्रेपोजिशन है और अब यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ आती हैं आई लाइक ऑल ऑप्शन मी एंड ऑल स्पोक इन योर फेवर इन द मीटिंग आई लाइक ऑल ऑप्शन मी पहला वाला ऑल वाल क्या है बिल्कुल आसान ऑप्शन है यहाँ पे नाउन नाउन के पहले आके जो डिस्क्राइब करें वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव एंड ऑल स्पोक इन योर फेवर इन द मीटिंग यहां ऑल क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन या नाउन का कौन होता है? प्रोनाउन तो ऑल यहां पर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है हो गया वार्म अप? चलो अब मैं लगा देता हूं यहां पर टाइमर ठीक है और आप बताइए फटाफट फिफ्टीन सेकेंड्स का टाइम एक सेंटेंस के लिए यहां पे फास्ट वर्ड जो है वो कॉमन है चारों सेंटेंसेस में यादव साहब कुछ कमेंट कर रहे हैं हाय सर आई है परचेज दिस बैच फॉर टीचिंग एग्जाम पोपोस अलसो प्लीज ब्रिंग योर स्पीकिंग बैच इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ओके सर बट सर आई डू नो दैट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कोर्स कंटेंट ग्रामर वो क्या आप कंप्रेहेंशन यहां पे टीचिंग में जो लिटरेचर का पोर्शन आता है वो इसमें कवर नहीं होता बट कोई नहीं टीचिंग वाले बड़े सारे लोग इस बैच में होते हैं खासतौर से अपनी लैंग्वेज पे कमांड के लिए एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक बिकॉज इंटरव्यूज लेके भी समझ में आया ना कि बहुत कम जो क्राउड है वो उसकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर है और खास तौर से जब आप से के वी एस जैसे एग्जाम केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जाते हैं तो वहां पे अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है चलो तो अब ये हमारे फ्रेजेस के क्वेश्चन है उसके पहले इनको देख लेते हैं फटाफट तो शी नोज इट बेटर का बेटर क्या है शी हो गया सब्जेक्ट नोज हो गया वर्ब इट हो गया ऑब्जेक्ट वह इसको जानती है बेहतर तो कैसे जानती है बेहतर जानती है तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये बेटर क्या हो गया ये एडवर्ब हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर ठीक है ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया एंड आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान यहां प्लान नाउन है तो बेटर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा अब जैसे हम सभी ने बचपन से गुड बेटर बेस्ट ये एडजेक्टिव की डिग्री के तौर पर पढ़ा है बट मैंने जब आपको इंट्रोड्यूस किया था ग्रामर फाउंडेशन के अंदर जब ज्ञान हम ले रहे थे अभी तक तो ज्ञान ही ले रहे थे आज उस ज्ञान का टेस्ट चल रहा है तो वहां पे क्या बात हुई थी कि एक ही शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है ठीक है तो अगर आपने ये कहा कि आई हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन आई हैव लिटिल मनी तो इन्फॉर्मेशन और मनी दोनों क्या है नाउन है लिटिल पहले लग रहा है तो एडजेक्टिव हो गया बट आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज आई एम लिटिल टायर्ड अब यहाँ पे कन्फ्यूज और टायर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है काम विशेषण का कर रहे हैं आई को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेरा स्टेट बता रहे हैं। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और क्या हो गया एडवर्ब हो गया हमने पहले भी चर्चा करी है तो इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि यहां पे रटे हुए ज्ञान का कोई एप्लीकेशन नहीं है दिस इज नो फ्रेश पर्सपेक्टिव उसके काम को समझो और उसके हिसाब से उसका नाम दो ठीक है अगला शिवज फास्ट एनफ टू रीच देयर वी फास्ट इन नवरात्रि फॉर नाइन डेज अब साक्षी केव द फास्ट फॉर अ डे यहाँ फास्ट व्रत है ये हो गया नाउन आर्टिकल लगा हुआ है ठीक है साक्षी ने एक दिन का व्रत रखा भव्या रैन वेरी फास्ट टू कैच द बस भव्य बहुत तेज भागा बस को पकड़ने के लिए यहाँ ये फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है कैसे भागा तेज भागा धीमे भागा जो भी है और वेरी भी एडवर्ब है इसको हम क्या बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री ठीक है वी फास्ट इन नवरात्रि सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब आएगा वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हम नवरात्रि में नौ दिन का व्रत रखते हैं एंड शी फास्ट एनफ टू रीच देयर यानी वो उतनी तेज थी कि वहां पहुंच सकती थी यहां पे शी वॉज फास्ट ये फास्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि एक्चुअली शी को डिस्क्राइब कर रहा है और मैं यहां एनफ को पूछूं ये क्या है तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट एरिया होता है एक्चुअली ये एनएफ के ऊपर आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखें तो बहुत मिलेगा एनएफ जब भी एडवर्ब के तौर पर काम करता है तो एडजेक्टिव के बाद आता है लाइक फास्ट एनफ इंटेलिजेंट एनफ रिच एनफ स्मार्ट एनफ लेकिन वहीं पर नाउन के पहले आएगा एनफ इंटेलिजेंस एनफेलिजेंस एनफ स्ट्रेंथ एनफ स्ट्रेंथ लेकिन स्ट्रॉन्ग एनफ मनी बट रिच एनफ तो एडजेक्टिव के तौर पे उस शब्द के पहले आता है जिसको डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब डिग्री के तौर पर उस शब्द के बाद आता है जिस एडजेक्टिव को वो डिस्क्राइब कर रहा है तो एनी anyway, वही फास्ट नाउन भी है वही एडवर्ब भी है वही वर्ब भी है और वही एडजेक्टिव भी है तो हम चीजों को रटे ना समझे ठीक है ओके ग्रेट नाउ इज दिस ऑप्शन एनी बेटर

दैट दीज दोज ये शब्द टिपिकली इंट्रोगेटिविव सॉरी इंट्रोगेटिव कह रहा हूँ डेमानस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमानस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि दिस बोर्ड इज वाइट तो यहाँ पे दिस बोर्ड इज वाइट में दिस क्या हो गया डेमानस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि बोर्ड से पहले आ रहा है जो नाउन के पहले आके उसको डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं लेकिन अगर मैं कहता हूँ दिस इज अ वाइट बोर्ड तो दिस के बाद अब इज़ आ रहा है तो दिस क्या हो गया डेमानस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया तो इन जनरल जिनके फंडामेंटल्स क्लियर हैं उन्हें ये तो समझ होती है कि दिस जो है प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है लेकिन दिस में पुलो एडवर्ब भी होता है सो so, अब जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है दिस ब्यूटीफुल अब ब्यूटीफुल शब्द क्या है जैसे आई आई हैवेंट सीन एनी वन दिस ब्यूटीफुल इन माय इंटायर लाइफ ऐसे मान लो कोई ऐसा सेंटेंस कह रहा है किसी बहुत सुंदर कन्या को देखा उसने उसने ये ये लाइन बोल दी जो मैंने अभी जस्ट बोली आई हैवेंट सीन एनी दिस ब्यूटीफुल इन माई इंटायर लाइफ सोफार अभी तक की अपने जीवन में मैंने इतनी सुंदर कन्या कहीं नहीं देखी अब उसमें कन्या तो नहीं लिखा uh, someone लिखा उसमें सभी को पता है she is beautiful. और दिस उसके पहले लग रहा है तो यह काम क्या कर रहा है दिस ब्यूटिफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है तो यहां पर क्या कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री इतनी सुंदर दिस ब्यूटिफुल सो या हाउ कैन यू बी यू नो सो स्टूपिड हाउ कैन यू बी दिस तो सो भी एडवर्ब डिग्री दिस भी अगर मान लो लग रहा है कि यार मतलब ऐसी बी फिर तुमने करी तो यहां पे दिस क्या है ऑफ डिग्री है तो इसीलिए फंक्शन को समझिए एनी ऑफ यू इज नॉट अब यहां पे यह काम क्या कर रहा है प्रोनाउन का कि एनी ऑफ यू में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ इस जॉब के लिए इस प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक तरीके से एंड यू कैन गेट दिस आर्टिकल एट एनी शॉप ऑफ दिस लोकलिटी तुम्हें ये सामान इस लोकैलिटी के किसी भी शॉप पे मिल जाएगा तो शॉप यहाँ पे नाउन है नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है दैट इज एडजेक्टिव तो एनी anyway, यहाँ पे एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है इधर हमने कर ही लिया था ठीक है आइए अब चलते हैं फ्रेजेस की तरफ यहां पे आपको तीन तरह के फ्रेजेस पहचानने हैं और वही क्लॉज में भी पहचानना है नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज ये आपको पहचानना है जो रेड पार्ट है वही है यहाँ पे। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे आपके पास ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है ठीक तो है तो शुरू हो जाइए दस क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ और अब मैं आपका स्कोर कार्ड भी पूछूंगा कि कितने सही हुए वो भी जानना है मुझे चलो टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पे चलिए इतने को डिस्कस कर लेते हैं पहले यहां पे आपको ना डिहाइड्रेटेड और फीवरिस बताना है टाइपिस्ट महोदय से ये रेड नहीं हुआ बोल करना भूल गए वो द पेशेंट अपियर्स डिहाइड्रेटेड एंड फीवरिश डिहाइड्रेटेड और फीवरिस क्या लग रहा है आपको वट डू यू फील ये देखो ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज ये एडजेक्टिव फ्रेज है कैसे पता लगा क्योंकि ये इस पेशेंट को डिस्क्राइब कर रहा है अपियर्स कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं कि आप ये गलत फहमी में रहें कि हम इसको एडवर्ब बोल दें अपियर सीम फील टेस्ट स्मेल ये सब आपके स्टेटिव होते हैं तो ये चीज ऐसी प्रतीत होती है ऐसी मालूम पड़ती है पेशेंट कैसा प्रतीत होता है डिहाइड्रेटेड एंड फीवरिश तो ये दोनों एक्सप्रेशन इस पेशेंट के लिए हैं और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं ये दोनों शब्द एक साथ एडजेक्टिव फ्रेज कहे जाएंगे और इससे हम क्या कहेंगे स्टेटिव वर्ब क्योंकि ये स्टेट बताने का काम कर रहा है इस पेशेंट का अंडरलाइन द ग्रामेटिकली करेक्ट नाउन नाउन है noun के पहले आकर के जो इसको डिस्क्राइब करे उसे क्या कहा जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है सेंटेंसेज नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम वी मिस्ड आवर फ्लाइट यस्टरडे ट्रैफिक जैम की वजह से हमने कल अपनी फ्लाइट मिस कर दी तो ये क्या है फ्लाइट क्यों मिस हुई इस वर्ब के होने का कारण तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब कहते हैं और ये क्योंकि ये रीजन बता रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन कहा जाएगा पूरी बात आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट ड्यूरिंग माई विंटर ब्रेक तुमने अपना प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया था विंटर ब्रेक के दौरान तो यानी ये विंटर ब्रेक ड्यूरिंग माई विंटर ब्रेक क्या है इस पर्टिकुलर एक्शन के होने का टाइम बता रहा है तो इसे हम एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम कहेंगे आई कंसिडर माई पपी माई बेबी आई सब्जेक्ट कंसिडर वर्ब किस को कंसिडर करता हूँ मेरे पपी को तो ये नाउन फ्रेज हो गया जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कंसिडर वर्ब के तो मैं अपने पपी को क्या कंसिडर करता हूँ मेरा बेबी अब ये माई बेबी भी नाउन फ्रेज है बेबी नाउन माई एडजेक्टिव और ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे नाउन हो उसे क्या कहा जाता है ऑब्जेक्ट का पूरक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक है ये हमने नाउन के फंक्शन में पांच फंक्शन देखे थे ना नाउन के पांच like क्या है सब्जेक्ट है don't like. verb का हो गया क्या नहीं like नहीं करते तो biased perspective like नहीं करते तो काम किसका कर रहा है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब माई सिस्टर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरी बहन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है माई सिस्टर भी देखो नाउन फ्रेज सेंटेंस की सब्जेक्ट है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी नाउन फ्रेज है आर्टिकल लगा हुआ है और नाउन फ्रेज यहाँ पे काम क्या कर रहा है सब्जेक्ट का पूरक बनने का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आप बचपन से मेरे पिता ये हैं मेरी माँ ये है मेरा भाई ये है बताते आए हो तो वो सब सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे थे डॉग्स एंड कैट्स मेक एक्सलेंट पेट्स क्या है ये दो तो शब्दों का समूह नाउन फ्रेज है सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है ज अ कैंडिडेट ऑफ ग्रेट प्रोमिस ऑफ ग्रेट प्रोमिस किस को डिस्क्राइब कर रहा है इस कैंडिडेट को जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं क्या कहोगे दो फ्रेजे दे दिए योर अप्रोच आपको दिखी रहा है सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज बोलेंगे इज वेरी यूजफुल ये क्या है दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि आपके अप्रोच को डिस्क्राइब कर रहा है इज यहां सिंपल अगर मैं फिर पूछ लू दिस सिनेरियो क्या है तो दिस सिनेरियो भी नाउन फ्रेज है और क्योंकि इनके बाद आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपरिशन तो देखो ये पूरी कवायद हमने इसी लिए की कि जो बड़े बड़े सेंटेंसेस से आपको लगता है डर वो डर दूर हो जाए आप ब्रेक कर पाओ सेंटेंसेस को बताओ मुझे अपना स्कोर कार्ड जरा कितने सही किया आपने ग्यारह में ग्यारह बारह हो गया ना टोटल आई थिंक एक का नंबर गड़बड़ है इसमें ये दो के बाद सीधा तीन तीन के बाद पाँच आ गया था तो वो टाइपिंग की गड़बड़ होगी तो बारह क्वेश्चन हुए एग्जैक्टली exactly एक्चुअली तो बारह में कितने हैं आपके सही क्योंकि मुझे ऐसे ही पता लगेगा ना कि मेरी क्लास किस लेवल पे है बताओ साक्षी अंकिता शगुन सूरज नित्या अभिषेक पूजा और देखो ये आदत आपको अपने घर पे भी अप्लाई करनी जैसे कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट करते हैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसकी पहले मैं क्वेश्चन आराम से उसके बाद थोड़ा आपको टाइम के प्रेशर में प्रैक्टिस कराता हूँ सो दैट कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा प्रेशराइज सिचुएशन में डिसीजन लेनी है हमें तो आपका भी वो काम है कि सपोज जब हम नाउन चैप्टर पढ़ें या प्रोनाउन पढ़ें एडजेक्टिव कोई भी चैप्टर हम कर रहे हैं पूरा चैप्टर हो लिया प्रैक्टिस कर लिया क्लास में सौ डेढ़ सौ दो सौ जैसे भी जो भी टॉपिक में जितने क्वेश्चन की जरूरत है उसके बाद आप घर पे भी अपने आप को एक फिक्स टाइम में क्वेश्चन दे करके टेस्ट करो कि भाई सेवेंटी क्वेश्चन हैं अपने आप को ट्वेंटी मिनट का टाइम देता हूँ देखता हूँ कितने मेरे ऐसे अटैम्प्ट होते हैं कितने सही होते हैं तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और ये पता लगता है कि अभी मेरी तैयारी में कितना गैप है ठीक है ऋतिक के भी सेवन है सागर के भी सेवन है सर टेन क्वेश्चन हैं अच्छा दो करा दिए थे मैंने जो भी है प्रकाश आई अटेम्प्ट टेन क्वेश्चन राइट सर यू आर माई ओनली फेवरेट वन आई लव योर दिस अप्रोच ऑफ टीचिंग चलिए अच्छी बात है प्रकाश आ जाओ फिर से टाइमर लगा देता हूँ और अब पूरा खत्म करने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज को लॉजिक से समझिए ओके यू जस्ट नाउ परचेज दिस कोर्स वेलकम अब ग्रामर फाउंडेशन आज हमारी खत्म हो फुली हमारी ख़त्म होगी अब इसके बाद हम वोकैब के फाउंडेशन की, की बात करेंगे कि वोकैब में हम क्या करते हैं एग्ज़ाम हमसे क्या पूछता है जो करते हैं उसको करेक्ट कैसे करें वोकैब की आ, याद करने की समस्या को कैसे दूर करें उसके क्या मेथड्स हैं तो ये सारी बातें होंगी वकैब के यूसेज़ की समझ तो ये बेसिक चर्चा में फ़ाउंडेशन में कर लेता हूँ उसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं क्योंकि दोनों की मिट्टी थोड़ी थोड़ी भुर भुरी हो जाती है तब तक ग्रामर की भी और वोकेबलरी की भी फिर आपको हर टॉपिक और बेहतर समझ आता है चलिए सो टाइम इज अप नाउ अब आइए देखते हैं इन फ्रेजेस को पहचानते हैं शी हैज जस्ट इन्फॉर्मड मी ऑफ हर अराइवल उसने जस्ट मुझे इन्फॉर्म किया है उसके आने का तो यहां पे ये her arrival क्या है दिस इज नाउन फ्रेज ये नाउन फ्रेज है काम किसका कर रहा है प्रेपरिशन के बाद लगा है ना तो क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपरिशन ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपरिशन हो गया टायर्ड माइंड mind नॉट डू वर्क वेल Cannot डू well. क्या है भाई का है. verb का पोर्शन है कैन मोडल वर्ब डू मेन वर्ब वर्ब से पहले जो आएगा सब्जेक्ट होगा तो a tired माइंड को पूरा क्या बोलोगे नाउन फ्रेज ये sentence के सब्जेक्ट का काम कर रहा है टू विन द फर्स्ट प्राइज इज माई प्रायोरिटी यहां पे इस इज को भी ब्लैक कर दो टू विन द फर्स्ट प्राइज इज माई प्रायोरिटी दिस इज वॉट अगेन NP.

दिस प्रपोजल ऑफ योर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल अगेन वॉट का जवाब इसीलिए क्या कहा था कि भाई वॉट सब्जेक्ट भी वॉट से जब सवाल पूछते हो तो जवाब में सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है सो दिस इज वॉट नाउन फ्रेज अगेन काम किसका कर रहा है सब्जेक्ट का नो बडी नोज हर वेयर अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम किसी को भी नहीं पता है उसका पता वेयर अबाउट का मतलब कि कोई इंसान कहां पर है तो नो इज वर्ब है क्या नहीं पता नो बडी नोज कोई नहीं जानता है क्या नहीं जानता है उसका पता तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब अगर मैं ये पूरा का पूरा फॉर अ लॉन्ग टाइम पूछूं तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया क्योंकि समय की बात कर रहा है मिताली अंडर टू क्वाइट अ टायरिंग जर्नी टू रीच हेयर यानी मिताली ने बहुत ही थकाऊ यात्रा की है यहां तक पहुंचने के लिए जर्नी है नाउन जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहेंगे एडजेक्टिव शब्दों का समूह है एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा on being scolded, his son left the room. कोई पूछे उसके बेटे ने कमरा क्यों छोड़ दिया या कब छोड़ दिया दोनों तो हो सकता है तो डांट पढ़ने पर ऑन स्कोल्डेड डांट पढ़ने पर उसके बेटे ने कमरा छोड़ के वो चला गया तो ये क्या है एडवर्बियल फ्रेज ये एडवर्बियल फ्रेज है अब कोई पूछे कि डिड ही Why वाई डिड हिज सन लीव द रूम उसके बेटे ने क्यों तो जब उसको कारण के तौर पर बोल दो कि आन बींगल्डेड डांट पढ़ने पर डांट पढ़ने की वजह से अगर मान लो सिंस बिकॉज लिखा होता तो और बेहतर होता तो कब चला गया जब डांट पड़ी तब चला गया तो जो भी है तो एडवर्बियल फ्रेज है चाहे आप इसको टाइम कह लो या रीज़न कह लो हर हस्बैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगेट्स टू टेक आउट द ट्रैश उसका पति जो है वो लगभग हर रोज ही कूड़ा बाहर ले जाना भूल जाता है तो फॉरगेट्स यहाँ पे है वर्ब और जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं एडवर्ब तो दो शब्द हैं तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया ये और एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रिक्वेंसी बारम्बार ऑलमोस्ट ऑलवेज लगभग रोज ही भूल जाता है वो पत्नी ने कहा है पूरे दिन पिछली रात का या मतलब पूरे दिन का जो कूड़ा है ना जब तुम सुबह ऑफिस के लिए निकला करो तो वो कूड़े वाला बैग ले निकला करो वो बेचारा रोज भूल जाता है आई शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन हर प्रेजेंस आई शेल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन हर प्रेजेंस तुम ये क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे जब वो यहाँ होगी या इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की तुम्हारी शर्त क्या है भाई मैं क्वेश्चन तभी सॉल्व करूंगा अगर वो यहाँ होगी तो साफ साफ समझ आ गया कि इन हर प्रेजेंस जो है ये क्या है एडवर्बियल फ्रेज है चाहे आप इसको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ कंडीशन बोल लो कि उसने शर्त रखी है कि बस वो आ जाए मेरे सामने तो मैं सॉल्व कर दूंगा या टाइम बोल लो कब करोगे तो कंडीशन टाइम दो भी आई मेट हर अ फ्यू मंथ्स बैक मैं उसको मिला कुछ महीने पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ फ्यू मंथ्स बैक मिलने का समय बता रहा है एडवोबियल फ्रेज ऑफ टाइम री प्रैक्टिकल इन दिसरियो उसका उसकी सलाह इस सीनैरियो में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन फ्रेज सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है एट द लाइब्रेरी याल स्क्रीम्ड एट हर फ्रेंड तो कहाँ पर एक यंग गर्ल ने अपने फ्रेंड के ऊपर चिल्लाया एट द लाइब्रेरी ये वर्ग के होने की जगह है तो अब देखो एक छोटी सी बात जरूर ध्यान में रखो आप एड और फ्रेज ऑफ प्लेस कई सारे लोग जो पूरा ध्यान नहीं देते या पंक्चुएशन पे ध्यान नहीं देते उनको ये गलती भी हो सकती है कि सर ये नाउन फ्रेज है सेंटेंस के शुरू में आया सेंटेंस का सब्जेक्ट है अरे लाइब्रेरी थोड़ी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो है यंग गर्ल अ यंग गर्ल स्क्रीम्ड एट हर फ्रेंड सिंपली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो पॉइंट ये है यहाँ पे किसके ऊपर चिल्लाई अपने दोस्त के ऊपर चिल्लाई लेकिन कहाँ पे चिल्लाई ये एक्शन हुआ कहाँ एट द लाइब्रेरी तो ये होने की जगह है अब एट द लाइब्रेरी सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है और शुरू में भी लग सकता है और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे सेंटेंसेज में जो हमारे एडवर्बियल्स हैं यानी एडवर्बियल जो फ्रेजेज हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी लगें वो ड्यू टू ट्रैफिक जैम वी मिस्ड आवर फ्लाइट या स्टर्ड वहाँ पर क्या लिखा था तो शुरू में भी आ सकता है एंड में भी आ सकता है एडवर्बियल फ्रेज इस बात का ध्यान रखिए और जब भी स्टार्टिंग में कोई भी एडवर्बियल फ्रेज आएगा तो उसके बाद कॉमा जरूर लगा होगा उसके बाद तब सब्जेक्ट की शुरुआत होगी जबकि अगर ये इसको ये नाउन फ्रेज होगा तो आप देखो कॉमा थोड़ी लग रहा है ये तो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आएगा यहाँ उसके बाद वर्ब थोड़ी आ रहा है कॉमा लगा हुआ है तो ऑब्जर्व दीज ये गलती नहीं होनी चाहिए चलिए जी तो फोर्टीन से आपने अटेम्प्ट किया था छ क्वेश्चन इधर हो गए और छह ही क्वेश्चन इधर तो ट्वेल्व में क्या है स्कोर कार्ड ट्वेंटी तक था ना बाईस तेईस ठीक है नंबर कोई गड़बड़ तो नहीं है हाँ जी ट्वेल्व क्वेश्चन क्या है हमारा स्कोर कार्ड यहाँ पे बताइए 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 समझ आ रहा है और जो भी गलत हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए क्यों गलत हो रहा है कोई कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ लो तीन रॉन्ग हुआ दस करेक्ट हुआ अंकिता के भी दस प्रकाश के ग्यारह शगुन के आठ ऋतिक के आठ क्लियर है अभी सर नाउन फ्रेज को ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट फ्रेज बोल सकते हैं ना नहीं नाम नाउन फ्रेज है और वो डिसाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है सब्जेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट फ्रेज जैसा एक्सप्रेशन यूज नहीं होता नाउन फ्रेज होता है तो ना, क्योंकि काम हम सारे आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं काम के बेसिस पे फंक्शन के बेसिस पे मैं वही सिखा रहा हूं आपकी कोई चीज आप रटे ना तो अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है चाहे वर्ब का सब्जेक्ट हो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट का पूरक हो या ऑब्जेक्ट का पूरक हो या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, हो यही पाँच काम है नाउन के तो ऐसे में ये क्या है नाउन फ्रेज कहा जाएगा अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है उसके होने का टाइम प्लेस मैनर कुछ भी बता के तो एडवर्बियल हो गया

और इनमें जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो किस तरह का क्लॉज है वो आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तीन क्वेश्चन आपकी नजर इनायत बताइए तीनों ओवेन से शुरू हो रहे हैं कॉमन सेंस लगाना है हमें ओके okay, राशि के भी टेन है कॉमन सेंस लगाना आप कोई चीज रटो मत इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं जानबूझ करके नहीं तो बच्चा रट लेगा ओवेन से शुरू हो रहा है एडवर्बियल हो गया ये नहीं मेरी क्लास का मतलब कुछ रटना नहीं कॉमन सेंस इंटैक्ट रखिए पहले तीन का सही जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे हाँ जी तय कर लिया आई asked हर when शी would गो there. ब्रेक कर दो सेंटेंस आई हो गया सब्जेक्ट asked हो गया वर्ब किसको पूछा ये ऑब्जेक्ट नंबर वन हो गया और उसको क्या पूछा मैंने उसको पूछा कि वह वहां कब जाएगी तो ये क्या है क्या पूछा यानी ये ऑब्जेक्ट नंबर टू हो गया अब आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट जब इंसान होगा कोई तो वहाँ सवाल कौन पूछेगा हुम तो हुम का जवाब हो गया हर और उसको क्या पूछा उसका जवाब है ये तो जो व्हाट का जवाब है वो क्या होगा नाउन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे ये नाउन क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है बिल्कुल वही वाली गणित है कौन सी शी गेव मी अ बुक उसने मुझे एक किताब दी हमेशा टिव एनालिसिस कर लिया करो अपने आप दिमाग खुल जाएगा तो किसको किताब दी मुझको दी होम का जवाब है और मुझको क्या दिया एक बुक दी बुक अकेला एक शब्द था तो हम इसको नाउन नाउन बोलते अब वही काम एक शब्द नहीं क्लॉज क्लॉज कर रहा है है तो उसे नाउन क्लास बोलेंगे ठीक ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है अगला आई न्यू द टाइम वेन शी वुड गो देर मुझे वो समय पता था मुझे क्या पता था यह वर्ब हो गया और यह ऑब्जेक्ट है मुझे वो समय पता था कौन सा समय भाई तो अब ये जो क्लॉज लिखा हुआ है वो इस टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है टाइम है नाउन द लगा हुआ है तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा टाइम अरे वही टाइम जब वो वहां जाएगी एंड मनीष विल गिव मी बुक्स वेन आई विजिट हिस प्लेस मनीष मुझे बुक्स देगा जब मैं उस, जब मैं उसके घर जाऊंगा तो यानी मनीष मुझे बुक कब देगा ये एक्शन कब होगा जब मैं उसके घर जाऊंगा तो यह वर्ब के होने का टाइम बता रहा है इसे क्या बोलोगे आप ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है यह एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है तो इसीलिए तीनों ओवेन से शुरू कराया कि इन चीजों को आप रटिए मत कि इससे शुरू होता है तो यह होता है मैं इसी से तो हटाना चाहता हूं आपको कि आप बिल्कुल लाइट फील करें आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग हो और जैसे अंकों का स्थानीय मान मैथ्स में आप पढ़ते हैं वैसे ही लैंग्वेज आप उसको उस तरह से दिखने लग जाए आप मेरे साथ कॉम्पिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने आए हैं एम होते हैं वहां आपकी ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट होती है यानी लैंग्वेज में भी एक मैथमेटिकल अप्रोच हमें डेवलप करना है राइट ग्रामर और ग्रामर जब आप पढ़ रहे हो तो ग्रामर का तो का मतलब ही यही होता है मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज वो व्याकरण है वो भाषा किस तरह से व्यवस्थित होगी कौन सा शब्द कहाँ लगेगा यही तो व्याकरण सिखाता है अब आप व्याकरण को भी रट रहे हैं और उस रटने में हमारी बुद्धि जो है वो खत्म हो जाती है तो जैसे जितना रटोगे आप उतनी बुद्धि खत्म होती है सोचने समझने की ताकत एनालिसिस की ताकत सभी को क्लियर हो गया ये एवरीवन क्लियर आइए अब मैं टाइमर लगा देता हूं थोड़ा वार्म अप हो गया आप अटेम्प्ट करिए वही फिफ्टीन सेकंड्स फॉर वन सेंटेंस काम देखो और नाम बताओ ड करने का मतलब होता है फटकार लगाना शगुन कैन बी डिस्कस नाउ आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट हेल्प दोज स्टूडेंट हुट स्टडी सिस्टमेटिकली मैंने उसको बोला कि मैं उन विद्यार्थियों को मदद नहीं करता जो सिस्टमेटिकली पढ़ाई नहीं करते तो अब ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है सिस्टमेटिकली ये किसके लिए है दो स्टूडेंट्स के लिए दोस्टेंट क्या है नॉन फ्रेज जो नाउन ए नॉन को डिस्क्राइब करेगा उसे क्या बोलोगे आप एडजेक्टिव बोलोगे तो ये क्लॉज है लड़के दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन कौन से लड़के जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो ये क्या है इन बॉयस को डिस्क्राइब कर रहा है अगेन क्या हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और देखो ये समझ जरूरी क्यों है ये समझ जरूरी इसलिए है कि हमें कई बार सब्जेक्ट और वर्ब समझ ही नहीं आता सब्जेक्ट लिखा है पहली लाइन में वर्ब लिखा है चौथी लाइन में बीच में सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान लिखा हुआ है तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लॉज है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, है हो सकता वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट भी हो बहुत बारी वो रेलिवेंट भी होता है वो परिचय है बस ज्ञान है उसके बारे में तो आप कम से कम मेन बात को पकड़ पाए अच्छा सब्जेक्ट ये ये है वर्ब उसके लिए इसीलिए स्ट्रक्चर की एनालिसिस जरूरी है जब कभी भी वह 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 गाना गाती है द ऑडियंस अपलॉड एंथुजियास्टिकली कि पूछे ऑडियंस कब एंथुजियास्टिकली अपलॉड करती है बहुत जोर शोर से तारीफ करती है जब कभी भी वह वो, वो गाना गाती है यानी इस पर्टिकुलर वर्ब के होने की टाइमिंग ये बता रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? Adverbial clause. आप खुद भी समझ जाओगे। भाई और कुछ हो ही नहीं सकता ये। अब इस clause के बाद लगा लगा है है तो है तो तो का नहीं। और किसी नाउन को डिस्क्राइब कर नहीं रहा तो बचा ही क्या एडवर्बियल अब देख लो वेन एवर लगा है तो इस वर्ब के होने का टाइम ही बता रहा होगा वेयर दे वॉन्ट टू लिव आफ्टर दे गेट मैरिड इज सीक्रेट अब यहां ये यह गलत फहमी मत आ जाने की वेयर से शुरू हो रहा तो एडवर्बियल बोल दो वो वोडाफोन की पंचलाइन जो हमने एग्जाम्पल में ली थी वेर एवर यू गो कॉमा वी विल फॉलो यू वहां वो वेर एवर वाला क्लॉज क्लॉज ऑफ प्लेस था तुम जहां कहीं भी जाओगे हम तुम्हारा पीछा करेंगे हमारा सिग्नल इतना अच्छा है वो पपी दौड़ता था उसमें तो वेर एवर यू गो कॉमा वी विल वहां कॉमा लगा था यहाँ कॉमा लगा क्या यहां देख रहा मैरिड के बाद इज के पहले लिखा है कोई कॉमा वामा नहीं है तो आपको समझ आ गया कि इज तो वर्ब है और वर्ब के पहले जो कुछ लिखा है वो उसका सब्जेक्ट हो गया कोई पूछे वॉट इज स्टिल सीक्रेट क्या अभी भी एक सीक्रेट है कौन सी बात अभी भी एक सीक्रेट है यहाँ सब्जेक्ट चाहिए वे शादी के बाद कहाँ रहना चाहते हैं ये अभी भी सीक्रेट है सो वेयर दे वॉन्ट टू लिव आफ्टर दे गेट मैरिड इज स्टिल अ सीक्रेट तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है उस वर्ब के लिए उनका तलाक हो गया इससे हमें क्या तो वर्ब के पहले ये दैट लगा है। आज वाले एडिटोरियल में थे आप कितने लोग थे आज के एडिटोरियल में कि समय नहीं, नहीं मिल पाता आठ बजे क्लास होती है ये आज हमने एग्जाम्पल वहां पर देखा था आज जो एडिटोरियल में आपको करा रहा था द हिंदू का सो so,

कब उसका चेहरा लाल हो गया जब तो ये पूरा का पूरा इस ब्लश होने का टाइम बता रहा है कब चेहरा लाल हुआ जब टीचर ने उसको पूरी क्लास के सामने फटकार लगाई तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम द कॉफी मेकर दैट आई बॉट फॉर माई वाइफ इज एक्सपेंसिव अब एक्चुअल बात क्या है द कॉफी मेकर इज एक्सपेंसिव यानी कॉफी मेकर मशीन जो है वो महंगी है लेकिन कौन सी कॉफी में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी जो मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा वो कॉफी मेकर जो मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा वो महंगा है दैट आई बॉट फॉर माई वाइफ इज एक्सपेंसिव आई नो अ गर्ल हुज फादर सर्व इन द आर्मी मैं एक लड़की को जानता हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सी लड़की जिसके पिता आर्मी में सर्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया एडजेक्टिव क्लॉज ये इस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी नॉर्थ पोल मरने से पहले मैं नॉर्थ पोल देखना चाहता हूँ मैं नॉर्थ पोल कब देखना चाहता हूँ बिफोर आई डाई मरने से पहले वर्व के होने का टाइम है ये ये एडवरबियल क्लाज ऑफ टाइम हो गया ये बिल्कुल वही है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो बोल रहे हो टें ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन ठीक है तो वही है ब, बिफोर वहाँ पर भी क्या था बिफोर वहाँ पर भी आपका कंजंक्शन था कंजंक्शन ऑफ टाइम यहां भी वही है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम और आपको बताया भी था कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम जनरली एडवर्बियल क्लॉज की शुरुआत करते हैं तो मरने से पहले मैं अब यहां पे दोनों के दोनों प्रेजेंट में आई कन्फ्यस्ट दैट आई वॉज गिल्टी मैंने क्या कन्फ्यूज किया ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है अब क्या का जवाब है ना मैंने क्या कंफ्यूज किया कि मैं गलत हूं दिस इज नाउन क्लॉज

और जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम क्या कहते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं तो अब यही वाई यू हैव नॉट पास्ट क्या हो गया एडजेक्टिव क्लॉस हो गया जैसे मैंने आपको सबसे पहले वो एवन वाले एग्जाम्पल्स दिए थे क्योंकि तो वहां पर जब आप देख पा रहे हो तो आप यहां पर भी देख पाओगे कि अच्छा हाँ यहां पर यह कहानी चल रही है कि आप रट न लें कि ये यही होता है ही टोल्ड मी वॉट हिज ब्रदर हैड टोल्ड हिम उसने मुझको वो बोला जो उसके भाई ने उसको बोला था तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नंबर वन वही शी मी अ बुक वाली कहानी है उसने मुझको बोला और क्या बोला ये क्या का जवाब है तो ये किसको बोला ये होम का जवाब है और ये जो पूरा लिखा गया है ये वॉर्ड का जवाब है क्या बोला जो उसके भाई ने उसको बोला था सो दिस इज अगेन नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है लतिका हैज बीन द फायर वार्डन फॉर ट्वेंटी ईयर्स अब ये एक्चुअल सेंटेंस है दो कॉमा के बीच में लतिका के बारे में बात बताई जा रही है हु तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हो गया लतिका को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक ट्रेलर में रहती है विद सम स्क्रेपी डॉग्स एंड कैट्स नेवर लुक डाउन ऑन एनी बडी अनलेस यू आर हेल्पिंग हिम अप कभी भी किसी को नीची निगाह से मत देखो अगर तुम उसको मदद नहीं कर रहे तो अब यहां पे नेवर लुक डाउन इस वर्ब के होने की शर्त बताई जा रही है ना अनलेस लगा हो इफ लगा हो तो इसका मतलब ही क्या होता है कि वो कंडीशन है इसको हम टिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन क्लॉज ऑफ कंडीशन शुरू होगा इफ और अनलेस में फर्क वही होता है कि इफ वाले क्लॉज में आप नॉट लगा सकते हो अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं लगता जैसे कि आप बचपन से सुन रहे हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस तो इफ यू वर्क हार्ड और अगर इसी बात को हमें अनलेस लगा के कहना हो तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस तो दूसरे वाले क्लॉज में अनलेस के केस में नॉट लगता है अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट गेट सक्सेस तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी अनलेस में नॉट तरह से छुपा रहता है लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स राइट तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स जीवन क्या है तो यहां पे जब तुम दूसरा काम जो घटित होता है जब तुम दूसरा काम कर रहे हो अभी पीछे आई थिंक एक एडिटोरियल में आई थिंक ट्वेंटी नाइन डिसम्बर का एडिटोरियल था वो बहुत अच्छी थीम थी यही कि नया साल तो आ गया बट नया साल में नया जो हमारा नया वर्ज़न है वो हमारे ही जरिए आएगा और हम क्या करते हैं कि हम या तो पेन ऑफ द पास्ट में होते हैं या प्लेजर ऑफ़ द फ्यूचर में होते हैं जिसमें वर्तमान को तहस नहस कर रहे होते हैं और ये हर साल दर साल कैलेंडर दर कैलेंडर चलता रहता है तो इसीलिए पूरी तरीके से वर्तमान में रहिए तो जीवन वही है जो घटित होता है जब आप दूसरे प्लान्स बनाने में बिजी हैं अरे कल के बारे में अगर सोच रहे हो तो आज वाला भी कल तो पीछे वाले कल का ही आने वाला कल था क्या है आज तो क्या गारंटी है कि आज जो फ्यूचर के लिए इतना टाइम लगा रहे हो अरे आज के लिए पूरा टाइम लगा लो जहां पे हो फ्यूचर अपने आप सेट हो जाएगा तो खैर वही बात यहां पे लिखी थी थोड़ी फिलोसॉफिकल सा से सेंटेंस तो एड क्लॉज एज सुन एज यू फॉरबिट समथिंग यू मेक इट एक्सट्रॉर्डनरली अपीलिंग जैसे ही आप किसी चीज़ को मना करते हैं उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपीलिंग बना देते हैं मतलब फॉरवर्ड कर दो किसी को मना कर दो छोटे बच्चों को बोलो उधर मत देखो उधर और देखेगा हमें कहा जाए कि ये चीज़ बैन हो गई है तो जहाँ जहाँ सरकारें चीज़ों को बैन करती हैं वहाँ लोग कैसे कैसे रास्ते निकाल देते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है तो कोई चीज़ कब एक्स्ट्रॉनरि अपीलिंग हो जाती है जैसे ही हम उसको मना करते हैं तो अगेन आपको दिख ही रहा है स्ट्रक्चर से दिख रहा है भाई सब्जेक्ट है नहीं सब्जेक्ट होता तो वर्ब लगता इसके पहले कोई नाउन है नहीं जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा हो तो बचा एडवर्बियल और एट सुन एजर बिफोर आफ्टर टिल इन अगर इस्तेमाल हो रहा है तो टाइम की बात करेगा तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ऑन द साइड ऑफ मेजोरिटी इट इज टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट जब कभी भी तुम अपने आप को मेजोरिटी के साइड पे पाओ यही वो समय है जब तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि हम तो भेड़ चाल में चलते हैं ना तो वही बात यहां पे लिखी जब भी तुम्हें लगे कि तुम भेड़ चाल के हिस्से हो जो सब कर रहे हैं तुम भी वही कर रहे हो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है बल्कि हमें कॉन्फिडेंस बड़ा आता करे सब तो यही करते हैं सब तो बोलते हैं अपने परिचय में माई सेल्फ बोल दो फिर बोल दो किसी इंटरव्यू में माई सेल्फ फिर बोल देना आई बिलोंग्स फिर बोल देना लिसनिंग म्यूजिक पहले 20-25 सेकंड में ये तीन बम गिरा देना आगे वाला गर्दन नहीं उठाएगा उसको पता है अंग्रेजी कितनी आती है तुम्हें तो पॉइंट वही है कि अब ये कह तो नहीं नब्बे नहीं, परसेंट लोग तो ऐसे ही अपना परिचय देते हैं माई सेल्फ इसमें क्या बुरा है तो दुनिया में बात वही है ना कि वन परसेंट क्लब जिसको हम कहते हैं दुनिया में एक परसेंट लोगों के पास जितना है उसमें बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट है तो भीड़ कितने काम की होती है वो आपको समझ में खुद ही आ रहा है भीड़ अगर इतनी ही काबिल होती तो फिर एक के पास उतना क्यों होता जितना नाइन्टी के पास और उसमें भी एक ऐसा नहीं कि वो बाप दादाओं से ही लेके आए उनमें संख्या होंगी थोड़ी बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन होते हैं पहली बार होते हैं हमारे यहाँ फर्स्ट जनरेशन कितने हैं हमारे देश में तो फाइंट वो है कि तुम भीड़ चाल का हिस्सा हो या तुम कुछ अलग देख पाते हो तो वही यहाँ पे कह रहा है ये ये सेंटेंस कि कि जब कभी भी तुम्हें ये लगे तुम एक भीड़ का हिस्सा हो तो यही वो समय तुरंत रुको देखो सही दिशा में बह रहे हो कि जा कि नहीं बह रहे हो क्या कर रहे हो तुम तो वो वही है पता मैं इस मेरे इस पर्टिकुलर शीट में से ना कुछ सेंटेंसेज यूपीएससी ने अपने ऐसे लिखने में टाइटल में दिए थे एग्जैक्टली exactly, थोड़े थोड़े सेंटेंसेज चेंज होते रहते हैं बट मुझे याद है कि एक शुरू का ऐसे ही सेंटेंस था ग्रामर फाउंडेशन का ही एग्जैक्टली exactly वो सेंटेंस आया था आ, आपके ऐसे लिखने में पिछले दो तो तीन सालों से यूपीएससी लगातार फिलासफी बेस्ड टॉपिक्स भरपूर दे रहा है और इसीलिए स्पीकिंग इस ट्री मैं आपको करा रहा हूँ कि वहाँ पर अगर आप सी के स्परेंट हैं या ढंग से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं चाहे आप बैंक एस्पेरेंट हों एस एस सी के हों किसी भी तरह के एग्ज़ाम के हों बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रेशन इज़ द एरिया जो कि जैसे जैसे आप एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा वहाँ रीडिंग कॉम्प्रिशन ही टेस्ट होती है आपकी और वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को बात ही नहीं समझ आती वो फिलासफ़ी तो और पल्ले नहीं पड़ती तो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस मेहनत इन द मॉर्निंग एट एट एम एवरी डे फाइव डेज अ वीक वो आपके लिए ही है तो वहाँ पे हिंदू का एडिटोरियल भी चल रहा है और वहाँ स्पीकिंग ट्री भी चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो वहां पर जुड़िए जरूर जो भी नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैंने फिर से बता दिया वहां पर भी ये सब काम हम करते हैं वहाँ बिल्कुल लाइव टेस्टिंग होगी जो सीख रहे हो यहाँ तो देखो लिमिटेड ही क्वेश्चन है ना क्योंकि कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है वहाँ आप रोज करो मैं रोज पूछूंगा बताओ कौन सा क्लॉज है कौन सा फ्रेज है तो दिमाग आपका खुलने लगेगा चलिए तो ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर से ही नज़र आ रहा है एडवर्बियल ही है ये नाउन है नहीं एडजेक्टिव है नहीं तो बचाई क्या एडवर्बियल जब कभी भी तुम अपने आप को मेजोरिटी के साइड पे पाओ वो समय है जब तुम्हें पॉज और रिफ़्लेक्ट करना चाहिए हांजी सो दॉप दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई माई फादर हैज बिन रेंटेड टू द पर्सन हु केम हियर फ्रॉम माई होम टाउन येब कर रहा है ये पूरा का पूरा क्लॉज पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया यानी वो दुकान जो कि मेरे पिता के द्वारा बनवाई गई थी वो रेंट पे दी गई उस इंसान को जो कि यहां आया था मेरे टाउन से आई नो लेडी हु केम टू आवर ऑफिस इज टर्डे लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज वॉट शी हेड सेट इज नॉट करेक्ट कोई दिक्कत ही नहीं नाउन क्लॉज व्हाट इज नॉट करेक्ट का जवाब है सेंटेंस का सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट don't नो वर्क का पोर्शन हेल्पिंग मेन आई don't नो what नवीन इज डूइंग दीज डेज मैं क्या नहीं जानता हूं क्या का जवाब है जो नवीन आजकल कर रहा है नाउन क्लॉज काम किसका कर रहा है ऑब्जेक्ट का आई डोंट नो होम शीड स्पीकिंग ऑन फोन मुझे नहीं पता वो फोन पे किस से बात कर रही है मुझे क्या नहीं पता दिस इज नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आई डोंट नो द गर्ल मैं उस लड़की को नहीं जानता हुम यू मेट स्टर्ड जिसको तुम कल मिले थे तो ये इस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है राइट दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज बात खत्म तो टोटल मिला के आपके पास रोल कितने थे तीन हमने किए थे ना टोटल थे ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन में से तीन कम हो गए तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में क्या रहा स्कोर कार्ड अब देखो लास्ट में यहां से कुछ पैराग्राफ्स उठा के दिए गए हैं अलग अलग आर्टिकल से जहां पे आपको क्या करना है आइडेंटिफाई द फ्रेजेज एंड इन इन बोल्ड फॉलोइंग क्लॉजे तो उनको आइडेंटिफाई भी करना है उनका नामकरण भी करना है तो पहला सेंटेंस है द रियलिटी ऑफ सच प्रिंसिपल और नेचुरल लॉज बिकम्स ऑब्वियस टू एनी वन नो थिंग्स डीपली एंड एग्जामिन साइकिल्स ऑफ सोशल हिस्ट्री ठीक है स्नेहा के 18 हैं प्रकाश के 22 सूरज के ट्वेंटी ठीक है, जहां जहां कमियां थी वो समझ में आ गई नहीं दीपा अभी इसी टाइम पे होगी तो अब इधर देखो आप द रियलिटी ऑफ सच प्रिंसिपल्स आर नेचुरल लॉज ये क्या है ये सब्जेक्ट का, का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज ठीक है अब यहां पे भी देखो जो ज्ञान हमने लिया था मैं पूछूं ये बिकम्स इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है तो रियलिटी है भाई प्रेपोजिशन के पहले आया वो शब्द रियलिटी सिंगुलर है उसके साथ वर्ब में एस एस लगेगा टू एनी अब एनी क्या है प्रोनाउन है जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं हु थिंग्स डीपली एंड द सोशल सोशल ऑफ हिस्ट्री ये पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज तो अब ये एक सेंटेंस है बट एक ही सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में आपको फ्रेज भी मिल रहा है और क्लॉज भी मिल रहा है मैंने इसीलिए पढ़ाया और क्या ये सेंटेंस हमें एयर डिटेक्शन में नहीं मिल सकता बिल्कुल मिल सकता है ए बी सी डी करके चार टुकड़े तोड़ दो इसके बन जाएगा एयर डिटेक्शन का सेंटेंस तो वही दरखास्त मैं आपसे कर रहा था कि कि भाई आप कोई कोई भी क्वेश्चन टाइप करो कोई करो करो चाहे चैप्टर चैप्टर का वाइज नाउन का ज्ञान ले लिया नाउन के क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी तो नाउन का क्वेश्चन है ये भी तो नाउन का क्वेश्चन है कि रियलिटी किस तरह का नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर होगा सिंगुलर के साथ वर्ब में CS लगता है अब वहां पर मान लो बिकम कर दिया जाए तो वही तो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो चैप्टर कोई भी हो हर जगह हमें सेंटेंस मिलेगा लेकिन जिस बालक या बालिका को एक सेंटेंस को पढ़ने और समझने में कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको फिर दिक्कत होती है वो इंग्लिश को तुक्के पे चलाता है अभी आ, मैं आई थिंक कल या परसों बात कर रहा था एक अपने पुराने स्टूडेंट से आई थिंक छः साल पुराने वो स्टूडेंट हैं बैंक में काम करते हुए उनको करीब साढ़े पाँच साल हो गए तो आ, मैं उनसे बात कर रहा था थोड़ा और मैं उनको सोच रहा था कि उनको लेके भी आऊँ पॉडकास्ट में क्योंकि जो काम कर रहा होता उसको हैंड वो कहते हैं ना बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो वो अपना चैनल भी चलाते हैं कोई तो मैंने अचानक देखा और न्यू ईयर पे विश किया तो मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने वही कहा था कि सर जब पेपर देते तो वो आज तक वो बच्चे क्यों याद रखे हैं मतलब इतने मैसेजेस आते हैं जब भी कोई भी अवसर होता है बच्चे कप्तानी छः साल आठ साल दस साल पुराने पढ़ चुके ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं शादियाँ हो गई उनके बाल बच्चे हो लिए बट स्टिल दे विश में तो उनका ये होता है कि सर एक अलग ही नज़रिया मिला था मिलने के बाद अंग्रेज़ी को लेकर के खासतौर से जो हमारे बी टाउन सी टाउन के बच्चे हैं छोटे शहरों छोटे कस्बों के हैं जहाँ एक्सपोजर नहीं है लैंग्वेज का वो करते सर मैं दो साल से दे रहा था तीन साल से पेपर बट अंग्रेज़ी में ही नंबर नहीं आते थे और आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ पी में सेलेक्ट हो गया था तो अभी तो शायद असिस्टेंट मैनेजर है तो पॉइंट यही है ना कि भाई आपकी आंख खुले आपको पता लगे कि क्या कमी है अब आपको ही नहीं पता लग रहा कि क्या कमी है आप पहली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ ले रहे हैं कि आओ बच्चों तुम्हें टिप्स दिखाते हैं हंड्रेड इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ग्रामर ये कर लोगे कहीं इससे बाहर नहीं आने वाला बच्चा बालक बालिका भी मासूम है क्योंकि रट रट के पढ़ाई में दिमाग में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है वो ये नहीं सोच पा रहा कि पंद्रह पंद्रह साल की उम्र तक ही तो सारे ग्रामर थे यार दो दो दिन लगा दूंगा पंद्रह दिन में पूरा चैप्टर ब्रशप हो जाएगा क्यों रटने के ऊपर जाऊँ कोई गारंटी थोड़ी जो रट रहा है उस पर क्वेश्चन मिले ही मिले और क्या सिर्फ ग्रामर का क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन कैसे समझोगे अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता पढ़ने में एक बड़ा बैरियर ग्रामर का स्ट्रक्चर रीडिंग ही नहीं समझ आती आज भी एडिटोरियल में पहला सेंटेंस चार लाइन के बाद फुल स्टॉप लगा था तो वो इसलिए मेहनत कराता हूं फिर बच्चे को उसी लैंग्वेज से प्यार होने लगता है जिससे वो दूर भागता था जिसके लिए पूछता रहता है कट ऑफ कितना आएगा सर कट ऑफ के लिए पढ़ रहे हो कट ऑफ क्लियर भी हो जाएगा तो सिलेक्शन होगा क्या जहां पे इस तरह की मेरिट जा रही है जहाँ कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया जहां पोस्ट कम होती जा रही है अप्लाई करने वाले ज्यादा हैं अच्छे बच्चे भी ज्यादा हैं तो वहां आप कैसे सर्वाइव करोगे तो फिर उसी इंग्लिश में तीस में तीस लाने वाले भी हैं प्री के पेपर में बैंक के पेपर में जो मुश्किल माना जाता है सत्ताईस लाने वाले में जबकि कट ऑफ ग्यारह नंबर है दस नंबर है तो वो बच्चों को एम्पावर करना ही मेरा काम है कि उनके सोचने समझने का तरीका बदले और खुद अपने रास्ते को तय कर लें कोई दावे की जरूरत है ही नहीं हर चीज जमीन से शुरू हुई है ग्रामर फाउंडेशन में इसीलिए अक्षर से शुरू होकर वर्ड पे आए हैं कि एक वर्ड को तोड़ा समझा फिर फ्रेजेस तोड़े तोड़े समझे समझे क्लॉजेस और अब उसका इस्तेमाल सेंटेंस में देख के मजे ले रहे हैं कि अब जी हम ब्रेक कर लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है आओ द पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हॉग ऑन वेंसडे रूल्ड इन फेवर ऑफ एनर्जी फॉर कारन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड रूपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़

एक यहां पे लग रहा है, एक पे 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 लग लग रहा रहा है, यहां पे साफ, क्या है, है क्या किसके पहले पोजिशन होता है नाउन या नाउन फ्रेज या तो आपको समझ आ गया तीन शब्दों का समूह है नाउन फ्रेज है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इधर देखो हाउ एवर के बाद द विड्रॉल ऑफ द सिक्योरिटी टू लीडर्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ द गुपकर अलायंस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर कैंपेनिंग हैड रेज्ड वर्ब यहाँ पे आके लग रहा है वर्ब वर्ब और कोई पूछे व्हाट हैड रेज कंसर्न्स किस चीज ने चिंताएं रेज कर दी हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर के तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है देखो ये noun phrase है कितने शब्दों का समूह है खुद आप पढ़ के देख लो ये सेवनटीन वर्ड्स का ग्रुप है का तो भी दो शब्दों से बन जाता है ना दीपा डांस दीपा डांस करती है राइट सिंह गाता है, फुल स्टॉप बन गया सेंटेंस, सेंटेंस ऐसा तो नहीं मिलेगा सेंटेंस मिलेगा? अखबारों से उठा के क्वेश्चन तो की कि जो विड्रॉल है और और गुकर और उनके कैंपेनिंग रोक लगी है उसने पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए पोल्स अब क्या है NP, phrase, का का काम कर रहा है These polls also stand out for being a rare electoral process in the past 30 years where the militant outfits and the separatist group did not campaign vigorously uh, for a poll by Kis for what? Reason purpose. So adverbial phrase ho gaya ye. Ek poll boycott ke liye, toh, adverbial phrase of purpose. Reason or purpose. Hum Frequent encounters and locals joining military in the past one year in South Kashmir did impact. अब देखो डिड इम्पैक्ट ये वर्ब है ये सेंटेंस हो गया ना क्योंकि affirmative में भी आ रहा यानी इस चीज़ ने बहुत इम्पैक्ट किया टर्न आउट को तो ये किस चीज ने ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट है पास्ट वन ईयर इन साउथ कश्मीर सो दिस इज नाउन फ्रेज सब्जेक्ट द hundreds वायलेंस lawmakers to ऑफ लॉ मेकर्स टू टेक शेल्टर एट सेफ building विद इन द the बिल्डिंग एट के बाद सेफ लोकेशन नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन एंड द अनप्रेसिडेंटेड वाइलेंस क्या है दिस इज नाउन फ्रेज यह भी नाउन फ्रेज है आर्टिकल लगा हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट है यह द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट इज दैट आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ वर्क रिफ्लेक्ट्स फीलिंग्स एंड क्राफ्टमैनशिप इज द सॉर्ट ऑफ जॉब दैर रिजल्ट इन सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज मोल्डिंग एंड एनग्रेविंग तो अब देखो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है ये ये एक सेंटेंस है जो जिसमें फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं तो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट इज तो ये डेफिनेटली सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन फ्रेज हो गया सब्जेक्ट इधर देखो तो क्या डिफरेंस है कि आर्ट एक इस तरह का वर्क है जो कि रिफ्लेक्ट करता है फीलिंग को तो वर्क नाउन नाउन को जो डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव और क्योंकि इसमें वर्ब लगा हुआ है जो फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे यानी आर्ट फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है जबकि क्राफ्टमैनशिप इज द सॉर्ट ऑफ जॉब जो कि रिजल्ट करता है इन सॉलिड ऑब्जेक्ट तो सेम कहानी किस तरह का जॉब है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में रिजल्ट करता है यानी ये भी आपका क्या हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हो गया

लाइट ऑफ योर सोल तो आपको दिख रहा है बिलीव इन वॉट बिलीव इन वॉट तो नाउन फ्रेज हो गया नाउन फ्रेज हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन भाई अपने सोल के अनलिमिटेड पोटेंशियल में और उसके प्रकाश में विश्वास करो हम एक ऐसे ईरा की तरफ नए ईरा ऑफ कॉन्सियसनेस की तरफ मूव कर रहे हैं एंड अवेयरनेस की तरफ दैट विल बी गवर्न बाय ट्रू स्पिरिचुअल बीइंग्स जो कि गवर्न किया जाएगा तो ये कॉन्सियसनेस अवेयरनेस अ न्यू ईरा नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या कहा जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज जो गवर्न होगा उन लोगों के द्वारा जो सही मायने में स्पिरिचुअल बींग्स हैं और जहां पे जो एग्जिस्टिंग मैनिपुलेटिव माइंड्स हैं जो शातिर लोग हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विल बी रिप्लेस्ड तो विल बी रिप्लेस्ड के लिए ये क्या है सब्जेक्ट है कौन रिप्लेस हो जाएगा मैनिपुलेटिव माइंड्स तो ये नाउन फ्रेज हो गया जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये लाइट ऑफ ट्रूथ के जरिए रिप्लेस हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ डाउट बिकम्स द सर्च इंटेंसिटी ऑफ डाउट बिकम्स नाउनफ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है वन हुकेट पेन वन है प्रोनाउन जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे जो कि उस पेन से भागता है एडजेक्टिव क्लॉज हो गया इज डिप्राइब्ड ऑफ ऑफ जो है प्रेपोजिशन है प्रपोजिशन के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बहुत प्यारा सा सेंटेंस है इसको पढ़ के समझ भी लेते हैं दो मिनट में कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ डाउट बिकम्स द सर्च यानी जब आपको किसी चीज़ में डाउट हो और उस वो डाउट आपको बिल्कुल बेचैन कर दे तो वही तो बनती है सर्च कि यार मुझे जानना है मुझे समझना है अब आप बेचैन है अंदर से डाउट इज थर्स डाउट इज लॉन्गिंग डाउट बिल्कुल एक प्यास की तरह होती है लॉन्गिंग एक चाहत की तरह होती है जब तक तो वो पूरी ना हो जाए प्यास अगर लगी हो जब तक पानी ना मिले तब तक तो प्यास थोड़ी बुझती है तब तक तो इंसान बेचैन रहता है तो डाउट भी बिल्कुल वैसे ही है इट इज द फायर ऑफ डाउट फोर्स इज स्टेड एंड थिंकिंग इज बॉर्न वो डाउट का फायर होता है जिसमें लाइफ रूपी फोर्स जो है जो आपकी चिंतन मनन कॉन्सियसनेस की शक्ति है वो स्टिर होती है और थिंकिंग का जन्म होता है मैं बार बार ये रोट लर्निंग रोट लर्निंग क्यों बोल रहा हूँ पढ़ाई लिखाई रटने वाली पढ़ाई लिखाई दिमाग खराब कर देती है हमारे डम कर देती है हमें वो इन्ही कारणों से क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है आपने देखा होगा जब स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में हम कोई असाइनमेंट किसी की कॉपी से कॉपी कर रहे होते हैं तो हम इतने सुन्न होते हैं उस समय कि अगर उसने गलत लिखा है तो हम गलत लिख लेंगे एज इट इज क्योंकि तो कॉपी करने में या रटने में दिमाग के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और अगर ये काम पांच साल चला है सात साल चला है दस साल चला है तब तो और हालात खराब होते हैं तभी तो ये सोचने का मन होता है कि यार इतने लोग बेवकूफियां क्यों करते हैं क्यों उनकी बुद्धि नहीं खुलती नहीं खुलेगी ना प्रभाव में ही रहे हैं वो कॉपी किया है उन्होंने बंदर से ही हम इंसान बने थे तो वो तुरंत कॉपी करता हम भी कॉपी करते हैं अच्छा बड़ोस वाला कर रहा है हम भी कर लेंगे ऐसे ही क्यों कर रहा है नहीं पता तो फिर थिंकिंग का जन्म कहां से होगा हमें तो जहां सोचना पड़ता है वहां से पतली गली से निकल लेते हैं स्कूल वाले गुरु को बोलेंगे गुरु इतना मत समझाइए बता दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है वो लाल स्केच पेन से मैं मार्क बना लूंगा फाइव ईयर्स बता दीजिए टेन ईयर्स बता दीजिए गुरु जी बता रहे उनको क्या पढ़ी है सभी गुरु जी लोगों को इतनी क्या ही पढ़ी है आपको पांच दिन से चार दिन से ये जो ग्रामर फाउंडेशन वो क्या क्या ही जरूरत है बोल रहा हूँ एनर्जी जारी सीधे टॉपिक पढ़ा दूंगा बच्चे बोलेंगे भी नहीं क्योंकि ये तो कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता वो पहले क्लास में टेंस पढ़ा दे आपको क्या फर्क पड़ता है आप पढ़ोगे भी आप ये नहीं पूछोगे टेंस तो वर्ब वर्ब से डिसाइड होता है ना अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर उसके बिना टेंस कैसे लेकिन पढ़ लोगे आप टेंस आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पढ़ लोगे पहली क्लास में क्यों क्योंकि थिंकिंग की पावर खत्म हो गई है जो चिपका दे अच्छे तरीके से कुछ बोल के कन्विक्शन हो बोलने में झूठ ही बताई कन्विक्शन हो अगर गलत बात को भी बोले वो तो आप मान लो क्योंकि थिंकिंग खत्म है तो वही बात यहां पे लिखी है कि जो डायरेट डाउट का फायर है ना जो बेचैन आपको किए है वो पूरी लाइफ फोर्स को आपके स्टर कर देता है और वहां से थिंकिंग का जन्म होता है द पेन ऑफ डाउट इज द बर्थ पेन ऑफ थिंकिंग बहुत प्यारी सी लाइन है द पेन ऑफ डाउट जो डाउट आपको दर्द दे रहा है बेचैन किए हुए है वो बर्थ पेन है थिंकिंग का थिंकिंग का पैदा होने में वो दर्द पैदा में सबसे ज्यादा दर्द होता है ना इसीलिए प्रसव पीड़ा को सबसे गंभीर पीड़ा में दर्दनाक पीड़ा में रखा गया है जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ जितने दर्द से गुजरती है क्या कहा है इतनी सारी हड्डियों के टूटने जैसा दर्द उस समय होता है लेकिन उस दर्द के बाद एक नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है तो उसी तरीके से आपके अंदर भी अगर थिंकिंग को फिर से बॉर्न करना है कि आप इंडिपेंडेंटली सोच पाए तो आपको इस दर्द से गुजरना पड़ेगा हम इसी दर्द से गुजरना नहीं चाहते हमें रेडीमेड आंसर चाहिए पका पकाया दे दो कुछ कौन सोचे क्यों सोचने में मजबूर किया पढ़ा दिया फिर सोचने में मजबूर किया ना ठीक है छब्बीस क्वेश्चन किए पच्चीस सही हुए बीस सही हुए अट्ठारह सही हुए सब अलग अलग लेवल पे बैच में होते हैं लेकिन आज आपको बहुत खुशी होगी जब आप इस क्लास के बाद जाओगे कि यार सही बात है पूरी क्लास पढ़ी आज इस लेवल पे तो हूं मैं ही वो था जिसको आज से पाँच दिन पहले पांच क्लास पहले सेंटेंस को समझने में दिक्कत हो रही थी इस आदमी ने पांच दिन में इतने लायक तो बना दिया कि कर पा रहा हूं ठीक है तुम्हारा सक्सेस रेट सिक्सटी परसेंट ही सही नहीं हंड्रेड परसेंट कोई बात नहीं धीरे धीरे आ जाएगा अगर सालों का कचरा पांच क्लास में इस लेवल पे साफ हो सकता है तो आगे तो अभी बहुत कुछ होगा तो जब आप सोचने लग जाते हो लॉजिक से बात करते हो फीलिंग पे बस नहीं जाते तब आपको काम समझ में आने लग जाता है तो वही लिखा है कि ये बर्थ पेन ऑफ थिंकिंग है और जो इंसान इस पेन से भागता है यार सोचना ना पड़े कौन एनालिटिकल थिंकिंग करे कौन क्रिटिकल थिंकिंग करे अब यहां तो आपको क्रिटिकल रीडिंग सिखाता हूं मैं आरसी में अपन की रीडिंग नहीं हुई है लंबे समय से या सोचा ही नहीं किसी की किताब रट ली फाइव ईयर्स रट लिया टेन ईयर्स रट लिया वेरी इंपॉर्टेंट रट लिया जाके आए पेपर पास होते गए कोई दिक्कत नहीं है तो अब ऐसे इंसान को जब सोचने के लिए कहा जाए तो उसका मन आ, क्या है ये ये आंसर क्यों होगा ये ऐसा क्यों है तो नहीं करता मन वही यहाँ पे लिखा है कि जो इस पेन से भागता है ना इज डिप्राइव्ड ऑफ द बर्थ ऑफ थिंकिंग वो वंचित रह जाता है थिंकिंग के ही जन्म से उसके जीवन में कभी भी थिंकिंग का प्रादुर्भाव नहीं होगा वो थिंकिंग का मतलब ये मैं मत समझ का मैं तो थिंक करता ही हूँ थिंकिंग का मतलब इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात हो रही है प्रभाव वाले थिंकिंग के नहीं जैसा सब चाह रहे हैं तुम वैसा ही सोचो जैसे मार्केट फोर्सेज चाह रहे हैं जैसे एडवर्टाइजर्स चाह रहे हैं जैसे मार्केटियर्स चाह रहे हैं जैसे सरकारें है, दुनिया भर की चाह रही हैं तुम वैसा सोच रहे हो तो वो सोचना थोड़ी है वो तो तुमसे सोचवाया जा रहा है यू आर मेड टू थिंक इन दैट वे बट डू यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर दैट यू कैन इंडिपेंडेंटली थिंक अबाउट समथिंग तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि जब डाउट जगेगा तो फिर ढूंढोगे तुम सीकर बनोगे और सीकर बनोगे तो फिर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी ठीक है तो चलिए ये आखिरी पैराग्राफ इसलिए रखा भी था कि थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा हो जाए सो विदिस वी आर रैपिंग अप ग्रामर फाउंडेशन कल से इसी समय हमारी मुलाकात होगी वो कैब की जर्नी कल शुरू होगी और uh, तीन चार क्लासेस उसमें भी तीन क्लासेस तो कम से कम जाती हैं और उतने में आपका काफ़ी डायनेमिक्स जैसे कहते ना एक वोकैब का मोटा मोटा खाका आपका तैयार हो जाएगा कि मुझे करना क्या है कैसे करना है बाकी तो आगे की क्लासेस में वोकैब की डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं रूट वर्ड है कन्फ्यूजिंग वर्ड है क्वेश्चन हैं वो सब हम आगे करेंगे लेकिन एक मोटा मोटा कि भाई अब से हम डेली बेसिस पर क्या करें अब देखो ऐसा तो है नहीं कि रोज़ वोकैब की क्लास चल रही है टाइप वो क्लास मिलेगी आपको मॉर्निंग में जो करना है अगर रोज़ वोकैब का डोज लेना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए वहाँ पर क्लासेस आपको मिलेंगे बट बैच के अंदर तो ऐसा नहीं होगा ना यहाँ तो कोई एक टॉपिक चल रहा है वो पूरा होगा फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे लेकिन उस डिस्कशन से क्या होगा कि जो भी कुछ आप पढ़ोगे सुनोगे देखोगे इंग्लिश के अंदर उसमें आपको अप्रोच की क्लैरिटी हो जाएगी और वो आपको मदद करेगा ठीक है सो दैट सॉल्व फॉर टूडेज क्लास थैंक यू वेरी मच आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस जर्नी और अभी तो ये जर्नी की शुरुआत है पहले पढ़ाओ हैं आगे और भी मजा आएगा और बिल्कुल लाइट होकर के मजे से पढ़िए कोई चीज का प्रेशर नहीं लेना कुछ रटना नहीं ठीक है चलो बहुत धन्यवाद सेशन जरूर देखिए यूट्यूब वाला जो एडिटोरियल है उतनी मेहनत होती है भाई उसमें पंद्रह क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसी पैसेज के ऊपर बेस्ड उन पर डिस्कशन होता है सिरनी मेंटनी आर सी बेस्ड क्वेश्चन तो उसको जरूर ज्वाइन करिए आप एस एस सी हैं बैंकिंग एस्पेरेंट है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ सेशन ठीक है चलो थैंक यू